आगे ले। प्रेसिडेंट, आप सबका स्वागत है आज के इस डिबेट के अंदर। आज के डिबेट का जो विषय है, क्या परमेश्वर ईश्वर है? मनुष्य, क्या मनुष्य समझ गए? क्या मनुष्य ईश्वर है? और मनुष्य ईश्वर है, ये जो बाजू है भाई राजेश दे रहे हैं और भाई फ्रांसिस जो है उसका प्रतिकार कर रहे हैं। तो आइए इसका हम शुरुआत करेंगे। तो जो डिबेट का टाइम है, पहला जो राउंड है वो 30-30 मिनट का होगा, फिर उसके बाद 15-15 मिनट के दो राउंड होंगे, फिर उसके बाद कंक्लूजन होगा। और यदि समय मिलता है, समय बचता है, तो हम प्रश्नों को भी पूछेंगे, दो दो प्रश्न होंगे। तो आइए हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहला जो अपना पक्ष है भाई राजेश रखने वाले हैं, तो आइए उनको मैं समय देना चाहूँगा। समय शुरुआत हो जाए। सभी को एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करके हम लोग जो है सभी लोग आके बन लीजिए। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, अभी तक परमेश्वर आपने सभी को सुरक्षित संभाला परमेश्वर, हमारे सारे सेवक को परमेश्वर पूरा किया परमेश्वर, इन सारी बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ। और आज के दिन परमेश्वर विषय के लिए परमेश्वर परमेश्वर आपके वचन में से जो भी गहरी बातें हैं, सच्ची बातें परमेश्वर, उन सारी बातों को परमेश्वर हम सभी लोग समझने में परमेश्वर हम सब अच्छा ज्ञान दीजिए करके छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर मसीह के नाम से करते हैं। ओके, तो मेरा जैसा कि विषय है कि मनुष्य भी ईश्वर है। ओके, मेरा जो पॉइंट है, मेरा जो मुद्दा है, मनुष्य भी कौन है? तो काम करो ना, इस पर नजदीक है, सब लोग अपने फोन साइलेंस मोड में रख, एकदम नजदीक दे दो, पूरा कैमरा फुल कर, थोड़ा जोर से बोलो, ऐसा आवाज आ रहा है। सब लोग मोबाइल साइलेंस पे रख, मोबाइल साइलेंट या बंद कर दो। पॉज करके रीसेट कर दो टाइम। बैठ जाइए, आप सभी लोग फटक से बैठ जाइए, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, नहीं फोन साइलेंट कर दीजिए। अगर फोन किसका बजता है तो चर्च के दान में डाल दिया जाएगा। सो मेरा जो विषय है वो ये है कि मनुष्य भी ईश्वर है, मनुष्य भी ईश्वर है। अभी इस विषय को सुनने के बाद कुछ लोगों को सही भी लग सकता है, किसी को गलत भी लग सकता है, लेकिन सही लग सकता है, गलत लग सकता है, वो अलग विषय है। लेकिन जो भी विषय को हम मानते हैं या फिर जो भी विषय को हम विश्वास करना चाहिए, तो वो केवल और केवल क्या करना चाहिए? वचन के आधार पर क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। मतलब जो विषय बाइबल में है और बाइबल हमें बताती है, उसे हम क्या करना चाहिए? मानना चाहिए। लेकिन जो विषय बाइबल में नहीं है और बाइबल नहीं बताती है, वो उस विषय को चाहे कितना भी अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो बताया था तब नहीं मानना चाहिए। तो ये हमारा जो है सिंपल एक सिद्धांत होना चाहिए। सो मैंने जो पॉइंट रखा है या फिर मैंने जो बात किया है कि क्या मनुष्य भी ईश्वर है क्या, तो ये मनुष्य भी ईश्वर है क्या करके, ये मेरा खुद का स्टेटमेंट नहीं है, या फिर ये मेरा खुद का मुद्दा नहीं है, या फिर ये मेरा खुद का तात्पर्य नहीं है। बाइबल ये बताती है कि मनुष्य भी ईश्वर है, इसीलिए मैंने क्या बताया कि मनुष्य भी क्या है? ईश्वर है। तो बाइबल क्यों मनुष्य को ईश्वर बताती है और मनुष्य क्यों ईश्वर है, इन बातों को सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन में करूंगा। सबसे पहले हम इस डिबेट का जो मेन रेफरेंस है, कीवर्ड है, की रेफरेंस है, उसको हम देखेंगे। भजन संहिता का 82 हम देखेंगे, जहां पर लिखा है कि मनुष्य भी जो है वो ईश्वर है। ओके, आप लोग भी अगर बाइबल है तो आप लोग तो चेक कर लीजिए, भजन संहिता उसका 82 चैप्टर वर्सेस 6 है ना, 82 का 6। ओके, यहाँ पर देखो, परमेश्वर जो है मनुष्य के बारे में ही बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और तुम सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। मतलब कॉन्टेक्स्ट किसके बारे में बोलते, मनुष्य के बारे में। ओके, और ये बात कौन बोल रहा है? परमेश्वर जो है अपने भक्तों से बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मैंने कहा था, मैंने यानी कि परमेश्वर ने। देखो बाइबल में देखो बहुत सारे लोग की स्टेटमेंट है, जैसे कि मनुष्यों का भी स्टेटमेंट है या फिर शैतान की भी कुछ बातें हैं या फिर तरह तरह के लोगों ने क्या किया है, उनका स्टेटमेंट दिया है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है कि मनुष्य भी ईश्वर है, ये कौन स्टेटमेंट दे रहा है?
परमेश्वर खुद दे रहा है कि मैंने कहा था कि तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। मतलब मनुष्य जितने भी सारे लोग हैं सब लोग कौन है? परमेश्वर के पुत्र है। और वो लोग कौन है? ईश्वर है करके बता रहा है। अभी ईश्वर हम कैसे मान सकते हैं? बाइबल इस बात को क्यों बोलती है, किस लिए बोलती है, इन बातों को बाइबल से हम लोग सोचेंगे समझो। बाइबल हमें क्या बात पता है? मनुष्य को जो परमेश्वर ने बनाया तो कैसे बनाया था? अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया था। जैसे बाइबल में हम देखेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक हम देखेंगे, उसका पहला अध्याय है, तो 26 वचन में देखेंगे, यहाँ पर जब परमेश्वर मनुष्य को बना रहा था तो बाइबल जो है इस तरह हमें बताती है। क्या बताती है? फिर परमेश्वर ने कहा। किसने कहा? परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर ने क्या कहा? फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाए। मतलब वचन हमें बता रहा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया? अपने स्वरूप में, अपनी समानता में। परमेश्वर कौन है? बोलते परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर कौन है? आत्मा है। अभी मनुष्य कौन है? बोलते शरीर और आत्मा दोनों से मिलकर बना हुआ। जैसे कि हम 2:7 पढ़ेंगे, समझो परमेश्वर ने क्या किया? आदम को भूमि के मिट्टी से रचा और बाद में क्या किया? जीवन का श्वास फूंक दिया, तब आदम क्या हो गया? जीवित प्राणी हो गया। ओके, सो बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में। मतलब मनुष्य किसका स्वरूप है? अभी परमेश्वर का ही स्वरूप है और परमेश्वर क्या है? समान है। इसके लिए बाइबल क्या बताती है? मैंने कहा तुम ईश्वर। जिस तरह हमारे बच्चे भी होते, शारीरिक एग्जांपल में आपको दे रहा हूं, जैसे कि समझो मेरा, मेरे बच्चे है, समझो तो मेरे बच्चे कौन है? मेरे स्वरूप में है और प्लस मेरे ही समान है। मतलब जैसे कि मैं मनुष्य हूं समझो, तो मेरे बच्चे भी क्या रहेंगे? मनुष्य रहेंगे, क्योंकि मेरा ही खून है और मेरे ही रूप में है, मेरे ही समान है। तो मतलब जब मेरे बच्चे, मैं मनुष्य हूं, तो मेरा बच्चा भी क्या रहेगा? वो भी मनुष्य रहेगा, क्योंकि मनुष्य का बेटा क्या होता है? मनुष्य होता है। और शेर का बेटा क्या होता है? शेर का बच्चा क्या होता है? शेर ही होता है। हाथी का बच्चा क्या होता है? हाथी होता है। मतलब जिस चीज में से जो चीज निकलती है वो सब क्या हो जाता है? बच्चा हो जाता है। मनुष्य भी कहां से आया है? मनुष्य भी कहां से आया है? परमेश्वर में से ही आया है। ओके, परमेश्वर में से क्या हुआ है? आया। इसके लिए बाइबल क्या बता रही है? इसके लिए बाइबल बता रही है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में। मतलब मनुष्य भी ईश्वर क्यों पता है? क्योंकि मनुष्य जो है ना परमेश्वर का स्वरूप है। ओके, मनुष्य क्या है? परमेश्वर का स्वरूप है और परमेश्वर के समान है। इसके लिए ये जो बातें हैं, मैंने कहा तुम ईश्वर हो, क्या होता है पता है? बराबर क्या होती है? फिट होती है। क्योंकि हम सभी लोग परमेश्वर के बच्चे हैं, हमारी जो आत्मा है परमेश्वर का ही पास से आया। परमेश्वर ने क्या किया? हमें जीवन दिया। इसलिए बाइबल में हम देखेंगे समझो, मनुष्य को जो है, जिस तरह हम अब बोलते हैं कि मेरे बच्चे मेरे स्वरूप में है, मेरे संतान है, मेरे बच्चे है, इसी तरह परमेश्वर ने क्या बोला? मनुष्य को भी, ये मेरे बच्चे है, मेरे संतान है, मेरे बेटे बेटिया करके। इस तरह बाइबल में कई सारे रेफरेंस जो है बाइबल में नजर आते हैं। जैसे कुछ वचन में आपको और भी दिखाना चाहता हूं, जैसे कि हम प्रेरित काम देखेंगे, प्रेरित काम 17 अध्याय, काम 17 अध्याय उसका 29 वचन में पढ़ेंगे। यहाँ पर 29 वचन में इस तरह लिखा है, अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वर तो सोने या रुपए या पत्थर के समान है। मतलब मनुष्य के बारे में बोल रहा है कि अतः परमेश्वर का वंश होकर, मतलब मनुष्य कौन है? परमेश्वर का वंश। वंश किसको कहा जाता है? वंश उसको कहा जाता है जिसने जिसको जन्म दिया। जिस तरह हम लोग भी जनरली देखते हैं कि किसी घर में समझो बेटा पैदा हुआ, समझो तो लोग क्या बोलते हैं? हमारे लिए वंश पैदा हुआ, हमारा वंश पैदा हुआ। बाइबल भी क्या बता रही है कि मनुष्यों को लेकर, ये हमारे वंश है। मतलब मनुष्य क्या है? परमेश्वर के वंश है, परमेश्वर के संतान है। इसके लिए बाइबल में हम देखेंगे समझो, बाइबल में कई बार जो है ना मनुष्य क्या बोला गया है? मनुष्य जो है ना परमेश्वर का रूप है। तो परमेश्वर का रूप है तो फिर मनुष्य भी क्या होगा? ऑफकोर्स मनुष्य भी जो है ईश्वर होगा, क्योंकि मनुष्य जो है शरीर और आत्मा से, दोनों से मिलकर बना हुआ। मैं शरीर के बारे में आपको नहीं बोल रहा हूँ कि शरीर के अनुसार जो है मनुष्य परमेश्वर पुत्र करके नहीं बोल रहा हूँ, मैं आत्मा के अनुसार बोल रहा हूँ। मनुष्य क्या है? शरीर और आत्मा दोनों से मिलकर क्या हुआ है? बना है। इसके लिए बाइबल में हमें क्या बताती है? मनुष्य जो है परमेश्वर क्या पता है? एक वचन हम देखेंगे, इब्रानी की पत्री उसका 12 अध्याय 9 वचन से पढ़ेंगे। इब्रानी की पत्री
12 अध्याय उसका 9 वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी आधीन ना रहे। मतलब परमेश्वर कौन है? हमारा आत्माओं का पिता। आत्माओं क्या है? परमेश्वर पिता। आत्मा का पिता मतलब हम भी आत्मा है और ये हमारा आत्मा का पिता कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर ने हमें क्या किया है? जन्म दिया, या फिर परमेश्वर हम क्या किया है? बनाया है। मतलब हम लोग जो है आत्मा कैटेगरी में क्या पता है? परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के संतान है। इसके लिए बाइबल में हम देखेंगे, नया नियम या पुराने नियम में हम देखेंगे, समझो मनुष्य को बोला जाता है कि मनुष्य जो है परमेश्वर का स्वरूप है, परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर ने अपने समान में बनाया। उस तरह और कुछ वचन हम देखेंगे, समझो। फिर तो एक और एक वचन हम देखेंगे, फिलिप्पी की पत्री, चौथा अध्याय छठा वचन पढ़ेंगे। अगर आप लोग ने कोई निकाला है तो पढ़ सकते हैं एक बार। फिलिप्पी की पत्री चौथा अध्याय छठा वचन में इफिसियों की पत्री चौथा अध्याय छठा वचन में इस तरह लिखा है, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है। मतलब बाइबल क्या बता रही है? सबका क्या है? परमेश्वर एक ही है और पिता भी एक ही है। हम सबका कौन है पिता? परमेश्वर। अगर समझो मनुष्य, अगर समझो परमेश्वर का स्वरूप में नहीं होता, अगर मनुष्य समझो परमेश्वर के समान नहीं होता, समझो तो बाइबल क्यों इस बात को बोलती है कि मनुष्य मेरे बच्चे है, मनुष्य मेरे बेटे बेटिया है, मेरे वंश, अगर क्यों बोलती है ना? हम भी देखो हमारे बच्चे को बोलते हैं मेरा वंश है, मेरे संतान है, मेरे बच्चे, क्यों बोलते? क्योंकि हमने उनको क्या किया है? जन्म दिया है। हमने उनको क्या किया? धरती पर लाया है, पाला पोसा, हमने क्या किया है? बड़ा किया है। और बाइबल भी हमें मनुष्य के बारे में बात है कि हम सभी का पिता कौन है? परमेश्वर है। हम सभी का पिता कौन है? परमेश्वर है। मतलब परमेश्वर हमारा पिता क्यों बोले तो हमारा आत्मा को जन्म किसने दिया है? परमेश्वर ने ही दिया। इसके लिए परमेश्वर हमारा क्या हो पता है? पिता परमेश्वर हो गया। तो इस कैटेगरी को हम देखेंगे, समझो कि बाइबल हमें बात बताती है कि परमेश्वर जो है आत्मा है, ओके। और परमेश्वर ने क्या किया है? अपने स्वरूप में, अपनी समानता में क्या किया? मनुष्य को बनाया। तो हम देखेंगे, समझो, जिस तरह मनुष्य का बेटा मनुष्य होता है, उस तरह परमेश्वर का बेटा क्या होता है? परमेश्वर ही होता है। अगर समझो मनुष्य का बेटा मनुष्य नहीं होगा, समझो, तो परमेश्वर का बेटा क्या नहीं होगा? वो भी ईश्वर नहीं कहलाएगा। सीधी बात है। समझो मैं इंसान हूं, मेरा बेटा भी इंसान है। अगर मैं इंसान तो मेरा बेटा भी क्या रहेगा? वो भी इंसान ही रहेगा, वो भी मनुष्य ही रहेगा, क्योंकि मेरे में से वो जन्मा है, मैंने उसको जन्म दिया। उस तरह परमेश्वर ने हमें क्या किया है? हमें बनाया है, हमें इस धरती पर क्या दिया? जन्म दिया। इसके लिए परमेश्वर कौन है? परमेश्वर भी जो ना हमारे आत्माओं का पिता है। जब जिस तरह मनुष्य का बेटा मनुष्य हो सकता है, उस तरह परमेश्वर का बेटा ईश्वर हो सकता है। इसके लिए भजन संहिता में लिखा है कि तुम लोग कौन हो? सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो, और क्या हो? तुम सब ईश्वर हो। इस तरह का आखिरी वचन बता के मैं समाप्त करूंगा। भजन संहिता का 136वां अध्याय देखेंगे हम। ओके, भजन संहिता 136वां अध्याय दूसरा वचन देखेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो। मतलब परमेश्वर किसका परमेश्वर है? ईश्वरों का परमेश्वर। भी ईश्वर कौन है? ईश्वर कौन है बोलते? मनुष्य। जिस तरह भजन संहिता में हमने देखा था कि तुम सबके सब कौन हो, मैंने कहा तुम ईश्वर हो, सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। तो बाइबल यहां पर भी मनुष्य को बता रही है कि ईश्वरों का परमेश्वर। जब परमेश्वर जब हमें बोल रहा है कि हम ईश्वर है, तो हम कौन होते हैं उसके वचन को हम लोग झुठला सके? ओके, बाइबल में साफ स्टेटमेंट है कि जहां पर परमेश्वर खुद बोल रहा है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो, तो बाइबल जब हमें ईश्वर बोलता है तो हम उसको झूठा कैसे ठहरा सकते हैं? भले ये हो सकता है हमको समझ में ना आए, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं समझ में आए तो लोग क्या करेंगे? उसका अर्थ को बिगाड़ देंगे, है ना? अगर मैं समझो, अगर ईश्वर बोलता था, अगर मेरा दावा होता था, तो ये शायद गलत भी हो सकता था। ओके, शायद ये गलत भी हो सकता था, लेकिन ये दावा कौन कर रहा है? ये वचन कौन बता रहा है? बाइबल बता रही है। खुद ये परमेश्वर खुद क्या कर रहा है? बाइबल में खुद जो है मनुष्य को जो है ना ईश्वर करके बोल रहे। सर बाइबल में हम लोग देखेंगे, समझो निर्गमन का 4:16 में वहां पर परमेश्वर ने क्या किया पता है? मूसा को भी क्या बोला? मैंने तुझे क्या किया है? हारून के लिए परमेश्वर कह रहा है। मतलब परमेश्वर खुद बोल रहे तो हारून के लिए क्या है? परमेश्वर। उस तरह फिरौन के लिए परमेश्वर ने क्या कह रहा है? मूसा को परमेश्वर सा
ठहरा है। जब परमेश्वर खुद बोल रहा है कि तुम ईश्वर हो, जब परमेश्वर खुद बोल रहा है कि तू भी परमेश्वर है, तो परमेश्वर जो बोला है कि अपने स्वरूप में अपनी समानता बनाया है, तो इससे साफ ये होता है कि जिस तरह मनुष्य का बेटा मनुष्य होता है, उस तरह परमेश्वर का बेटा क्या होता है, ईश्वर होता है। इसके लिए बाइबल में जो है रेफरेंसेस है, ओके, लगभग मैंने 4-5 रेफरेंस आपको दिया, वापस एक बार बताना चाहता हूँ, ओके, भजन संहिता का 82:6 जिसमें साफ साफ जो है ना परमेश्वर खुद बोल रहा है कि तुम क्या हो, ईश्वर हो। उस तरह परमेश्वर ही मूसा नबी को बोलता है 4:16 में, मैंने तुझे परमेश्वर हारून के लिए ठहराया है। उस तरह भजन संहिता 136:2 में भी लिखा है कि वो ईश्वरों का परमेश्वर है, ओके। तो ये सारे रेफरेंस क्या बता रहे, पता है मनुष्य भी ईश्वर है करके क्लियर स्टेटमेंट है, ओके। इसमें यहाँ पे घुमा फिराने की बात जरूरत नहीं है, या फिर इसका उसको स्कॉलर की बात को लाने की जरूरत नहीं है, इसका उसको स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भक्तों का स्टेटमेंट है प्लस बाइबल का स्टेटमेंट। तो बाइबल के रेफरेंस हम ये बताते हैं कि मनुष्य ईश्वर है। अगर फ्रांसिस कहते हैं कि नहीं नहीं मनुष्य ईश्वर नहीं है, तो उनको भी क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर का स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा, परमेश्वर का स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा कि मनुष्य बिल्कुल भी ईश्वर नहीं है। अगर परमेश्वर बोलते हैं कि मनुष्य ईश्वर नहीं है, तो हम इस चीज को क्या करेंगे, मानेंगे। अगर फ्रांसिस दिखाता है समझो, तो इनको और एक ऑप्शन पड़ जाता है कि तो भजन संहिता में जो लिखा गया तो फिर 100% रॉन्ग हो जाएगा, ओके। अगर मनुष्य ईश्वर नहीं है समझो, तो परमेश्वर का स्टेटमेंट होना चाहिए कि मनुष्य जो है ईश्वर नहीं है करके साफ जो है स्टेटमेंट होना चाहिए। परमेश्वर स्टेटमेंट देता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग मान सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का स्टेटमेंट हम देखते हैं कि परमेश्वर खुद बोल रहा है कि मैंने कहा कि तुम ईश्वर, जब परमेश्वर खुद बोल रहा है कि मनुष्य ईश्वर है, तो हम क्यों इसको नकार सकते, क्यों इसको झूठा बोल सकते। तो ये सारे पॉइंट्स हम ये बताते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में अपने समानता बनाया, इसके लिए मनुष्य जो है ईश्वर है, इसका रेफरेंस ही मैंने दिया। तो अपने मुद्दे को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। ठीक है, खत्म आपका, ओके, ठीक है। कितना है मेरे पास, 14 मिनट है, ठीक है। और मैं आपके लिए कुछ रेफरेंस दे देता हूँ जहाँ पर मनुष्य को जो है ईश्वर बोला गया है, कुछ रेफरेंस में देखे समाप्त। 14 मिनट है ना मेरे पास, 14 मिनट है, ओके, 14 मिनट है, मैं दिखा के समाप्त करता हूँ। जैसे कि बाइबल में रेफरेंस आप लोग नोट कर लीजिए, ओके, निर्गमन का 4:16 क्योंकि मैंने आपको रेफरेंस पढ़ के नहीं सुनाया था, इसके लिए मैं अभी आपको रेफरेंस जो है पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, ओके। यहाँ पर इस तरह लिखा है निर्गमन की पुस्तक 4:16 में, वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। ये स्टेटमेंट कौन दे रहा है, मनुष्य ने दे रहा, ओके, परमेश्वर खुद बोल रहे कि परमेश्वर ठहरेगा, ओके। उस तरह इसी का निर्गमन का 7:1 हम पढ़ेंगे, समझो, यहाँ पर परमेश्वर खुद बोल रहे, तब यहोवा ने मूसा से कहा, किसने कहा, यहोवा ने, ओके, यहोवा ने मूसा से कहा, सुन मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं। अगर समझो मनुष्य ईश्वर नहीं होता समझो, तो परमेश्वर क्यों मनुष्य को ईश्वर ठहराता था, परमेश्वर क्यों ठहराता था, मनुष्य ईश्वर है, परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का बेटा है, इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया है, मनुष्य को क्या किया है, परमेश्वर सा ठहराया। यहां पर हमने मूसा नबी को देखा, इस तरह भजन संहिता में देखेंगे समझो, दाऊद नबी को भी क्या बोला गया है, परमेश्वर बोला गया। जैसे भजन संहिता में देखेंगे, भजन संहिता का 45 अध्याय हम देखेंगे, भजन संहिता का 45, ओके, वापस 6:6 हम देखेंगे, भजन संहिता का 45:6 हम देखेंगे। यहाँ पर दाऊद नबी का भी क्या बोला जा रहा है, पता है, परमेश्वर बोला जा रहा है। यहाँ पर लिखा है, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा। दाऊद नबी को भी क्या बोला जा रहा है, दाऊद नबी को भी ये बोला जा रहा है कि तेरा क्या है, हे परमेश्वर, मतलब दाऊद नबी को भी यहाँ पर स्पष्ट बोला जा रहा है कि हे परमेश्वर। सच में अगर मनुष्य ईश्वर नहीं होता समझो, तो परमेश्वर क्यों इतने सारे रेफरेंस बोलता था, या फिर क्यों इतनी बातें परमेश्वर बोलता था। मनुष्य भी जो है ना परमेश्वर का स्वरूप है, परमेश्वर ने अपने समान बनाया, जिस तरह परमेश्वर बोलता है कि मैं पवित्र, तुम भी क्या रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, मेरे समान तुम लोग क्या रहना चाहिए, रहना चाहिए। इसलिए बाइबल में हम देखते हैं कि भक्तों को परमेश्वर ने क्या बोला है, ईश्वर बोला है। इस तरह और एक हम ओके, भजन संहिता का यही है ना, ठीक है, ओके, यही तक मैं समाप्त करना चाहता हूँ। मैंने आपको रेफरेंस भी दिया जब परमेश्वर खुद बोल रहा है कि मनुष्य जो है ईश्वर है, ओके। अगर परमेश्वर जब खुद बोलता है कि मनुष्य ईश्वर है, तो हमको जुटलाने वाले हम लोग सही कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा से बड़ा कोई भी नहीं होता है। परमेश्वर का जो स्टेटमेंट है वही लास्ट एंड फाइनल है, ओके। परमेश्वर जो भी बोलता है उसके बातों में झूठ नहीं होता है, या उसकी बातों में कोई गड़बड़ी नहीं होता है। भले हमको समझ में नहीं आएगा तो हमारी प्रॉब्लम है,
ओके परमेश्वर जब हमको ईश्वर बोला है तो हम क्या करना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं ईश्वर नहीं मानता, बोल तो प्रॉब्लम किसका है? अगर बाइबल मुझे बोल रही है कि मनुष्य ईश्वर है तो मुझे क्या करना चाहिए, मनुष्य क्यों ईश्वर है समझने की कोशिश करना चाहिए। मैं ये बोलूंगा समझो मुझे नहीं लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं नहीं मानता, बोल तो वो प्रॉब्लम किसका है, परमेश्वर का मनुष्य का है? ओके तो मनुष्य का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बाइबल मुझे बताती है कि मनुष्य भी ईश्वर है, जिसमें मैंने रेफरेंस भी आपको दिखा दिया, और ये परमेश्वर क्या है, स्टेटमेंट है। अगर समझो मनुष्य ईश्वर नहीं समझो तो परमेश्वर झूठा हो जाएगा। अगर परमेश्वर सच्चा है तो तुम्हें एग्री करना पड़ेगा कि मनुष्य भी कौन है, ईश्वर है। ओके तो अपने मुद्दे को मैं समाप्त करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर राजेश भाई का मुद्दा समाप्त हुआ है। अभी भाई फ्रांसिस को हम अगला सेट करता हूँ। ओके प्रेज़ द लॉर्ड जय मसीह के, आप सभी को, आप सभी का स्वागत है इस डायलॉग में। चलिए एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद करते हैं, आपका वचन सत्य है। प्रभु आपने सच कहा था अपने दास के द्वारा, और उसने कहा मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे बीच में फाड़ने वाले भेड़िया आएंगे। प्रभु बहुत सारे भेड़िया बाहर घूम रहे, लेकिन पिता परमेश्वर आपका वचन दोधारी तलवार है, उन भेड़ियों को चीर फाड़ करेगा और उन भेड़ियों को एक्सपोज करेगा, ताकि आपके विश्वासी झूठे सिद्धांतों में न पड़ पाए। प्रभु आगे का समय आपके नाम के लिए सौंपता हूँ। आप बात करिए, आपका वचन से जो भी बयान हमने सुना है उसका खंडन करने के लिए सहायता करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। सो विषय आपने सुना है कि टॉपिक है क्या इंसान ईश्वर है। पहले ये टॉपिक को देखकर बहुत लोगों को हंसी आ गई, मेरी तो हंसी अभी भी रुक नहीं रही, आप देख सक रहे हो। वैसे ये टॉपिक के ऊपर भाई साहब ने कुछ 4-5 वचन लिखे हैं, और मैं कम से कम 30-40 वचन बोलने जा रहा हूँ। प्रभु मुझे सहायता करे 30 मिनट के अंदर इसको मैं समाप्त कर पाऊँ, क्योंकि मुझे डिबेट में जो है स्ट्रक्चर वाइज जाना पसंद है, एक दो रैंडम भी नहीं। और मुझे पता है कि ये जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो इस व्यक्ति के लिए नहीं है, क्योंकि ये सुनने वाले नहीं है। ठीक है, मैं ये बताने जा रहा हूँ उन भाइयों के लिए जो यहाँ पर बैठे हैं, इनके भरोसे आए हैं। जो अंधा है वो दूसरे को अंधा रास्ता नहीं दिखा सकता, बाइबल में कहा है। तो उन भाइयों के लिए मैं ये कर रहा हूँ, और जो लाइव देख रहे हैं उनके लिए, ताकि ऐसे जो झूठे हिपोक्रेट्स जो आते हैं उनसे आप बच सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहला, इंसान ईश्वर है क्या? ये थॉट ये कुछ नया नहीं है। शैतान ने जो है अदन के बगीचे में यही शुरुआत किया, जब वो हवा के पास गया, उत्पत्ति 3:5 वचन में उसको कहा कि तेरे आंखें खुल जाएंगी और तू ईश्वर जैसी होगी। तो ये जो ईश्वर जैसी होगी वाली जो बात है, ये शैतान की सिद्धांत है, क्योंकि उसी सिद्धांत से हवा को भी ललचाया और हवा को भी, अरे वाह मैं ईश्वर जैसे बनूंगी, उसी सिद्धांत से जो है शैतान काम कर। और ये जो झूठ है, शैतान झूठों का पिता है, तो वो झूठों का पिता चुप तो रहेगा नहीं, वो झूठ को फैलाएगा। ये झूठ फैलते गया अनेक कल्ट में, मॉर्मोनिज्म बहुत लोग नहीं जानते होंगे, जोसेफ स्मिथ नाम का एक कल्ट लीडर है, उसने भी ये सिद्धांत दिखाया। फिर उसके बाद ये फैला कैसे, ये फैला है वर्ड ऑफ फेथ प्रीचर से, जो बहुत ही फेमस प्रीचर्स है, जैसे उनका कुछ नाम बताता हूं मैं, जॉयस मेयर। और इन्होंने जो डायलॉग बोला था उसका रेप्यूटेशन मैं बाद में दूंगा, इंसान का बच्चा इंसान होता है, जानवर का बच्चा जानवर होता है। एक्चुअली वो जॉयस मेयर और उनके साथियों ने बहुत फेमस किया, यूट्यूब पे वीडियो आप देख सकते हैं। तो कुछ नया नहीं है। जॉयस मेयर कौन है आप लोग जानते हैं, केनेथ हैगिन, अर्ल पॉल, केनेथ कोपलैंड, क्रेफलो डॉलर, ये सब के सब झूठे प्रचारक है, ढोंगी प्रचारक है, प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स है, बाइबल के खिलाफ है। ठीक है, तो ये इनका जो है बेस है, ये इसी ग्रुप से जुड़े हुए ये सिद्धांतों को लेकर आते हैं। इनका जो एक प्रूफ टेक्स्ट है ना, जो उत्पत्ति 1:27 वचन, मनुष्य जो है परमेश्वर के स्वरूप में बनाया, ये कोई नया नहीं है। ये माता यरूशलेम कल्ट वाले भी इसी को लेते हैं, परमेश्वर का स्वरूप जिसमें नारी स्वरूप दिखाते हैं। तो कुछ नई बात नहीं, उसको मैं आंसर करूंगा, क्योंकि मेरा ओपनिंग स्पीच है, तो ओपनिंग स्पीच के हिसाब से मैं जाऊंगा। सबसे पहले भाई साहब ने, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ईश्वर क्या है उसको डिफाइन करेंगे, परमेश्वर क्या है उसको उसका परिभाषा बताएंगे। मैं बताता हूँ बाइबल के आधार पर या साधारण तौर पर परमेश्वर कौन है, ईश्वर कौन है। परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सृष्टिकर्ता है। ये परमेश्वर का परिचय है, ये ईश्वर का परिचय है। बाइबल क्या कहती है, कितने परमेश्वर हैं? ऐसाया की किताब 44:6 वचन में परमेश्वर कहता है मेरे अलावा कोई और परमेश्वर है ही नहीं। व्यवस्था विवरण 4:35 वचन में लिखा है कि परमेश्वर के अलावा कोई है ही नहीं। पहला राजा 8:60 वचन में लिखा है कि परमेश्वर के अलावा कोई है ही नहीं। यशाया 37:16 में लिखा है केवल एक ही परमेश्वर है। व्यवस्था विवरण 6:14 एक ही परमेश्वर है। पहला इतिहास
17 अध्याय 20 वचन, यशाया 46 अध्याय 9 वचन, पहला कुरंतियों 8 अध्याय 6 वचन, पहला तिमोथी 2 अध्याय वचन 5 से लेकर 6, यशाया 42 अध्याय 8 वचन, ये सारे चीजें जो है सिर्फ एक ही बात कहती है कि एक ही परमेश्वर है, एक ही ईश्वर है। अब यहां पर आर्ग्यूमेंट क्या है? बाइबल क्लियरली कहती है कि एक ही परमेश्वर है और कोई और नहीं। उसका रेफरेंस हमने कई देख लिया है, मरकुस 12:29 में भी मिलेगा, यूहन्ना 17:3 में भी मिलेगा, बाद में पॉज करके देख लेना, पहला तिमोथी 2:5, यशाया 43:10 सब में मिलेगा। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है? लॉजिकल आर्ग्यूमेंट बताता हूं। बाइबल क्लियरली बोलता है कि परमेश्वर एक है। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट 2, एक ही परमेश्वर मनुष्य नहीं है, और उसका कंक्लूजन है कि अगर परमेश्वर मनुष्य नहीं है, मनुष्य परमेश्वर नहीं है। ये इसको फिलॉसफी बोलते हैं, इसको लॉजिक बोलते हैं, इसको अक्ल बोलते हैं। अब इसके खिलाफ जो जाएंगे उसको क्या बोलेंगे आप समझते हो? उसको मूर्ख और बेअकल, कम अकल बोला जा सकता है। ठीक है, आप जो रेफरेंस बता रहे हैं, डिबेट में इंटरप्शन नहीं, नहीं नहीं इसीलिए आपको पहले सीखना पड़ेगा कि डिबेट कैसे होती है। डिबेट में ऐसे ही होता है, तो सामने वाला जो तैयारी करके आना चाहिए उसको। ठीक है, ओके। अब हमने परमेश्वर कौन है देख लिया, बीच में को इंटरप्ट नहीं करना, मैं जानता हूँ आप लोगों को तकलीफ होना शुरू हो गया है। मनुष्य का परिस्थिति क्या है? बीच में नहीं बोलना है भाई, बीच वाले को समझाओ। मेरे लोगों ने किसी ने बीच में नहीं बोला है, मैं वचन बात बीच में बोलिए मत। दूसरा, मनुष्य का स्थान क्या है? बाइबल मनुष्य के बारे में क्या कहती है वो हम जानते हैं। भजन संहिता 103:15, पहला पत्रस पहला अध्याय 24 वचन, अय्यूब 14 अध्याय 2 वचन, यशाया 40 अध्याय 6 वचन, ये सारे वचन में लिखा है मनुष्य क्या है। ये परमेश्वर तो उसकी सुधी ले, मनुष्य तो एक घास है, वो तो एक फूल के समान मिट जाता है। रोमियो की किताब 3 अध्याय 23 वचन में लिखा है सारे मनुष्य ने पाप किया और सब के सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब मनुष्य पापी है, ईश्वर पापी। यशाया एफेसियों 5 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें मनुष्य का परिभाषा दिया है, वो अंधकार का है, वो क्रोध का संतान था पास्ट में, मसीह में आने से पहले उसका स्टेटस ईश्वर वाला नहीं है, क्रोध का संतान यानी कि मसीह का विरोधी, एनिमी ऑफ गॉड। एक्लेसियास्टिस में कहा गया है 7 अध्याय 20 वचन में एक भी धर्मी आदमी नहीं दुनिया में। और सबसे पावरफुल वचन मैं आपको बता देता हूं, भजन संहिता 8 अध्याय 5 वचन, वहां पर क्या लिखा है हम उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर जो है, वचन हमको कैटेगरी देता है, परमेश्वर स्वर्गदूत और मनुष्य, मनुष्य को तूने स्वर्गदूत से थोड़ा छोटा बनाया। मतलब आप देख पा रहे हो ये जो कैटेगरी है, परमेश्वर है, फिर आपको स्वर्गदूत का कैटेगरी दिखाई दे रहा है, फिर आपको जो है मनुष्य का कैटेगरी दिखाई दे रहा है। तो मनुष्य जो है उसके ऊपर परमेश्वर नहीं है, उसके बीच में जो स्वर्गदूत है। अब इसको कैसा मिस इंटरप्रेट करना है वो आप रिबटल में देख सकते हो कैसा मिस इंटरप्रेट होगा, लेकिन मनुष्य ईश्वर नहीं है आपको इससे जो है पता चले। तो बैकग्राउंड दे रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। फिर भजन संहिता 82:6 का मतलब क्या है? भजन संहिता 82:6 में जो ईश्वर वाला जो शब्द है उस मूल शब्द को थोड़ा सा हम लोग अंडरस्टैंड करें। ये जो मूल शब्द इस्तेमाल किया गया है इसको कहते हैं इलोहिम, जो शब्द इस्तेमाल किया है जो आप भजन संहिता 82:6 में पढ़ते हैं इलोहिम। अब ये जो इलोहिम शब्द जो है ना बाइबल में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया है, और इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया है, किसको बाद में देखना तो देख लेना। इलोहिम शब्द जो है न केवल परमेश्वर के लिए यूज किया है, एलोहिम जो आप देख सकते हो परमेश्वर के लिए यूज किया है, भजन संहिता 95:3 में परमेश्वर के लिए एलोहिम इस्तेमाल किया गया है। कुछ एंजेलिक बीइंग है, कुछ स्वर्गदूत जैसे स्वर्गीय जीव हैं, उनके लिए भी जो है एलोहिम शब्द इस्तेमाल किया गया है, जिसको स्मॉल जी में लिखा जाता है, बिग जी नहीं स्मॉल जी में लिखा जाता है, जो आप अय्यूब के किताब 2:1 में देख सकते हैं, अय्यूब के किताब 38:7 में देख सकते हैं। तो हमने देखा कि ये जो एलोहिम शब्द है यहोवा के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, वो एंजल्स के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। इनफैक्ट जो दूसरे देवी देवता हैं, जो दूसरे मिस्र देश के जो दूसरे देवी देवता हैं, उनके लिए भी जो है इलोहिम शब्द इस्तेमाल किया है, उत्पत्ति 35:4 और पहला राजा 11:33 में। अब ये जो इलोहिम शब्द है न केवल यहोवा के लिए, न केवल स्वर्गदूतों के लिए, न केवल मूर्तियों और अन्य जातियों के भगवानों के लिए, बल्कि जो न्याय करते हैं जज, उनके लिए भी इस्तेमाल किया गया है। अगर आप भजन संहिता 82:6 लेकर आप कहते हो कि वो मनुष्य को परमेश्वर कहा गया है, वही एलोहिम शब्द आपको नीति निर्गमन 21 अध्याय 6 वचन में भी मिलेगा, और आपको
उसी निर्गमन में 22वां अध्याय वचन 8 और 9 में भी मिलेगा, जहां पर इलोहिम के जगह पे न्यायियों का बारे में लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, मेरा समय भाग रहा है लेकिन बहुत है, मैं चाहता हूँ कि सारे वचन कवर करूँ। हम पढ़ेंगे इसको एक्सोडस की किताब नीति वचन, मैं निकाल लेता हूँ क्योंकि मैंने इंग्लिश में लिखा है। निर्गमन एक्सोडस निर्गमन 21वां अध्याय, निर्गमन 21वां अध्याय मैं ले लेता हूँ। सुनिए यहाँ पर छठे वचन में क्या लिखा है। छठा वचन, यदि ऐसा हो तो दास का स्वामी उसे परमेश्वर के सामने लाएगा, दास का स्वामी उसे दरवाजे तक या उसकी चौखट तक ले जाएगा, और दास का स्वामी एक तेज औजार के दास के कान में एक छेद करेगा, तब दास उस स्वामी की सेवा जीवन भर करेगा। तो यहां पर भी जो शब्द इस्तेमाल किया है वो एलोहिम शब्द इस्तेमाल किया है, पर ये एलोहिम शब्द जो है वो मनुष्य के लिए इस्तेमाल किया गया है, जज के लिए, लेकिन यहां पर जज स्वामी लिखा गया है ना कि ईश्वर, ठीक है। दूसरा रेफरेंस है आपको 22वां अध्याय वचन 8 और 9 में भी मिलेगा, कितना टाइम 20 मिनट वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। एक्सोडस, क्योंकि हिंदी में जो है ना आपको ट्रांसलेशन का इशू आएगा, इसलिए मैं ओपन करके पढ़ लेता हूँ 22:8-9 का। किंतु यदि तुम चोर का पता न लगा सके तो परमेश्वर निर्णय करेगा कि पड़ोसी अपराधी है या नहीं। घर का स्वामी परमेश्वर के सामने जाए और परमेश्वर की निर्णय करेगा कि उसने चुराया है या नहीं। यदि दो व्यक्ति किसी खोए हुए बैल, गधा, भेड़, वस्त्र, यदि अन्य खोई हुई चीज के बारे में सहमत ना हो तो तुम क्या करोगे? एक व्यक्ति कहता है ये मेरा है, दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं ये मेरा है। दोनों व्यक्ति परमेश्वर के सामने जाए, परमेश्वर निर्णय करेगा कि अपराधी कौन है। जिस व्यक्ति को परमेश्वर अपराधी पाएगा वह उस चीज के मूल्य को दुगना समाप्त करेगा। तो इस वचनों में भी जो है हमको पता चलता है कि यहाँ पर एलोहिम शब्द परमेश्वर के लिए भी और जज के लिए भी जो है इस्तेमाल किया गया है, आप चेक कर सकते हो। फिर ये जो वचन संहिता 82 के कौन है, ये 82 के भी जो है वो जज हैं, वो मैजिस्ट्रेट हैं जो रूल करते हैं। और इन्होंने कहा कि क्या था निर्गमन 7:1, उसको बाद में लेता हूं, जहां पर मूसा को भी जो है परमेश्वर दिखाया। तो बाइबल जो है हमको कई बार ये दिखाती है, यहोवा को एलोहिम कहा गया है, स्वर्गदूत को एलोहिम कहा गया है, अन्य देवी देवता को एलोहिम कहा गया है, जजेस को एलोहिम कहा गया है, और उसी जजेस को एलोहिम करने वाली बात जो है हम वचन संहिता 86 में भी देखते हैं। तो यानी कि जो गॉड ये जो शब्द है छोटा वाला, वो कैसे पता चलेगा कि वो यहोवा के लिए है, जज के लिए, स्वर्गदूत के लिए? एक नया चिड़िया के बारे में बता दो जो बहुत लोग नहीं जानते, वो चिड़िया का नाम है कॉन्टेक्स्ट, वो चिड़िया का नाम है संदर्भ। जब ऊपर नीचे पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि वो एलोहिम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया है, स्वर्गदूतों के लिए इस्तेमाल किया गया है, या फिर मनुष्य के लिए इस्तेमाल किया है। तो हम 82 का जो है कॉन्टेक्स्ट भी जरूर देखेंगे। सो इंसान को जज क्यों बोला गया, उसका मैं 3 कारण बताऊंगा। नंबर 1, ईश्वर जज जो शब्द इस्तेमाल किया गया उसको कुछ लोगों के ऊपर अधिकार बनाया, जैसे कि वो लीडर है, उनका अथॉरिटी उनके पास, जिनके ऊपर जो है। दूसरा पॉइंट, वो सिविल अथॉरिटी, यानी कि कोई रूल पास करना है या फिर उनको कुछ दंड देना है, उनको पनिशमेंट देना है, उस तरीके से भी इस्तेमाल किया है। और वैसे जो है वचन संहिता 82:8 भी जब हम पढ़ेंगे वहां पर हमको पता चलता है कि वो जो पावर और अथॉरिटी है उसको परमेश्वर की ओर से आता है, और वो एक अधिकार के रूप में, जज के रूप में बैठकर क्या करता है, लोगों के ऊपर न्याय करता है, उनको मृत्यु दंड देता है। तो जो है जज जो है मृत्यु दंड देने का अधिकार उसके हाथ में है, न्याय करने का उसका अधिकार उसके हाथ में है। तो उस नजरिए से भी जो है बाइबल उसको जज, ईश्वर ये शब्द इस्तेमाल की गई है। सो व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है वचन संहिता 82 का? वचन संहिता 82 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या मिलेगा आपको, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपको तुरंत क्या पढ़ना पड़ेगा, मैंने चिड़िया बताया था, वो चिड़िया क्या होता है, ऊपर का वचन नीचे का वचन। जब आप ऊपर नीचे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप 82 वचन संहिता खोल लेते हैं, चलिए मैं खोल लेता हूँ, कितना टाइम बचा मेरा, 17 मिनट है, बहुत बढ़िया। वचन संहिता 82 हम पढ़ लेंगे, वचन संहिता 82 हम उसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ लेंगे। छठा वचन है, राइट, छठा वचन लिखा है, मैंने परमेश्वर कहा तुम लोग ईश्वर हो, तुम परम परमेश्वर के पुत्र हो। अब यहां पर ऐसा लग रहा ना, देखते समय परमेश्वर ने इंसान को ईश्वर बोला, इंसान ईश्वर है, लेकिन आगे क्या हो रहा है, सुनो 7वां वचन, किंतु तुम भी वैसे ही मर जाओगे जैसे निश्चय ही सब लोग मर जाते हैं, तुम वैसे मरोगे जैसे अन्य नेता मर जाते हैं, अन्य नेता, तुम भी हे परमेश्वर खड़ा हो, तू न्यायाधीश बन जा, न्यायाधीश हिब्रू लेक्सिकॉन पर, हे परमेश्वर तू सारे ही राष्ट्रों का नेता बन जा। तो यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर यह हो रहा है कि जो संसार को, दुनिया को राज करने वाले जो जज हैं, राजा हैं, जो गॉड बनकर बैठे हैं, वो लोग जो अपने मनमानी से कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया था तुम जज करो,
तुम लोगों के ऊपर पनिशमेंट को प्रोक्लेम करो, लेकिन वो क्या कर रहे थे, वो विकेड बन चुके थे, वो अनजस्ट बन चुके थे, वो परमेश्वर के खिलाफ जाने लगे। कैसे पता चला मुझे? पहला वचन, चिड़िया परमेश्वर देवों की सभा के बीच विराजता है, उन देवों की सभा का परमेश्वर न्यायाधीश है। परमेश्वर कहता है कब तक तुम लोग अन्यायपूर्ण न्याय करोगे, कब तक तुम लोग दुराचारी लोगों को यूं ही बिना दंड दिए छेड़ते रहोगे, अनाथों और लोगों की रक्षा कर जिन्हें उचित व्यवहार नहीं मिलता, तू उनके अधिकारों की रक्षा कर, दीन और असहाय जन की रक्षा कर, दुष्टों के चंगुल से उनको बचा ले, इसराइल के लोग नहीं जानते। मतलब पूरा डांट रहे हैं ईश्वर को, परमेश्वर डांट रहे हैं बाबा। छठा वचन में इंसान को ईश्वर बना दिया और ऊपर वाले वचन में पूरा डांट रहे हैं तुम लोग ऐसे हो वैसे हो, फिर बाद में बोलते हैं हे प्रभु तू खुद जज बन जाओ। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है वचन का? वचन का कॉन्टेक्स्ट है इंसान ईश्वर वाला नहीं है, जो इंसान जज बनकर न्याय करने के लिए बैठा है परमेश्वर उसको सुना रहे हैं, विकेड रूलर का वार्निंग दे रहे हैं, उनको जज कर रहे हैं परमेश्वर। अब इसका जो है क्रॉस रेफरेंस आपको मिलेगा यूहन्ना 10वां अध्याय 36वें वचन में, इन्होंने नहीं लिया मैं लेकर आया हूं। यीशु मसीह ने कहा किस बात के लिए तू पत्थर मारता है, ना याद है ना वो घटना, अच्छे कार्य के लिए? नहीं नहीं नहीं, इसके लिए नहीं। तो यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि तुम मुझे पत्थर क्यों मारते हो, क्योंकि तुम्हारे किताबों में भी तो लिखा है कि तुम्हारे इसमें क्या किया तुमने, उनको परमेश्वर कहा गया है। क्यों कहा गया है परमेश्वर? चलिए अब हम यूहन्ना किताब का 10वां अध्याय का जो है हम कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर 10वां अध्याय 34वें वचन का चिड़िया कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसमें क्या हो रहा है देखते हैं। उसमें है यीशु मसीह और यहूदियों के बीच में फेस्टिवल ऑफ डेडिकेशन को लेकर लड़ाई चालू है। वो लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे मसीहा से और सीधा पूछा उन्होंने यूहन्ना 10:24 में क्लियरली, क्या तुम मसीहा हो क्या, ये उनका पूछने का सवाल था। और यीशु मसीह देखो 30वां वचन, अब कॉन्टेक्स्ट में आएंगे ना, 34वें वचन के पहले 20 भी होता है 24 में, तो 24 में आर्ग्यूमेंट हो रहा है। 30वें वचन में यीशु कहते हैं कि मैं और पिता एक हूं, तो यीशु मसीह वहां पर दिखा रहे हैं कि मैं इक्वल हूं। उतने में वचन 31-33 में इसको सुनकर यहूदी लोग पत्थर उठाते, बोलते मैं तेरे को मारेगा। यीशु मसीह बोले क्यों मारेगा भाई? फिर आता है आगे का वचन, यीशु मसीह बोलते हैं तुम्हारे इसमें भी तो परमेश्वर बोला गया है। तो यीशु मसीह यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो इंसान नॉर्मली न्याय करता है उसको तुम गॉड 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 बना के बोलते हो, तो जिसके पास वचन आया है और जो परमेश्वर की ओर से आया है उसको तुम ब्लास्फेमी करते हो बोलते हो। तो यीशु मसीह जो उनका ढोंग को वहां पर एक्सपोज करने के लिए जो है वो बात को कह रहे थे। तो ये सारी बातें हैं, इससे हमको क्लियरली पता चलता है कि मैं वापस से फटाफट समराइज कर लेता हूं यहाँ पर क्या हुआ है। सबसे पहले हमने देखा ये जो झूठी सिद्धांत है कहाँ से शुरू हुई, नंबर टू माता यरूशलेम वाले भी इसको यूज करते हैं, नंबर थ्री परमेश्वर और ईश्वर का हमने परिभाषा देखा वो एक ही है, हमने लॉजिकल आर्ग्यूमेंट देखा कि परमेश्वर एक है उसके अलावा कोई नहीं है, और मनुष्य ईश्वर नहीं है, अगर मनुष्य ईश्वर नहीं है तो मनुष्य जो है ईश्वर नहीं बन सकता, ये लॉजिक है, कोई भी लॉजिक जो है इसके खिलाफ नहीं जा सकता। फिर हमने क्या देखा, इंसान का परिस्थिति क्या है, वो पापी है, झूठा है, क्रोध का संतान है, परमेश्वर का विरोधी है, धर्मी नहीं है, फूल के समान मर जाएगा। और एक वचन देखा जहां पर क्या होता है, मनुष्य स्वर्गदूत से भी एक स्टेप नीचे है। फिर हमने देखा भजन संहिता 82 का ये जो शब्द है एलोहिम, ये एलोहिम शब्द उसको किस किस नजरिए से इस्तेमाल किया गया है, परमेश्वर के लिए भी, यहोवा के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, एंजेलिक बींग्स के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, अन्य जातियों के भगवानों के लिए, डीमंस के लिए भी इस्तेमाल किया है, और जो मनुष्य जज हैं उनके लिए भी इस्तेमाल किया गया है। ठीक उसी नजरिए से हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो जज ये जो शब्द है उसको एलोहिम हिब्रू में होता है, इसलिए जजेस को भी जो है ईश्वर ईश्वर कहा गया है, और हमने देखा कि उनके पास अधिकार है। फिर हम लोग आए कॉन्टेक्स्ट में, भजन संहिता 82 के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा वो क्यों, क्योंकि जो जज कर रहे हैं, जो लोग इतना क्रूर काम कर रहे हैं, विकट काम कर रहे हैं, परमेश्वर उनको डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उस आधार पर जो है यहाँ पर परमेश्वर जो है वहां पर ताड़ना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि परमेश्वर खुद जो है अभी न्यायाधीश बनेगा और वो खुद जो है वो जज बनेगा। फिर उसके बाद उसका कनेक्टेड वचन हमने यूहन्ना 10वां अध्याय 36वें वचन में देख लिया। फिर उसके बाद हम यही कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं कि बाइबल जो है कहीं से पर भी मनुष्य को इंसान नहीं बोलती है, ये आपको क्लियरली समझ में आ गया। और जो झूठे सिद्धांत वाले हैं उनको तो परमेश्वर जो है उनका खुलासा करते रहता है, जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर बैठे बैठे किस प्रकार झूठे सिद्धांतों का परमेश्वर न केवल खुलासा कर रहा है, उनको बेनकाब कर रहा है। और ये जो विकेट जो चीज है, ये जो सांप का जो सिद्धांत है, ये सांप का सिद्धांत कलीसिया को प्लेग कर रही है, आपको विश्वासियों को और जितने भी आप लोग बैठे, आपको वचन को गहराई से स्टडी करना है, क्योंकि ये सांप के सिद्धांत में इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो सांप है जिसने शुरुआत में ये कहा था कि मैं तुझे ईश्वर जैसे बनाऊंगा, और वो सांप के सिद्धांत से आप लोग बचो। और बाइबल कहती है कि अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता है, इसीलिए आप जिसको सुनते हो, जैसे बार 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 वचन वचन कहा गया, यहाँ पर बाइबल से बाहर कुछ भी बात नहीं, पूरा वचन के आधार पर ही बात हुआ है। कितना मिनट बचा ना, 10 मिनट है ना, तो उसको भी मैं पूरा यूटिलाइज करूंगा। ठीक है, कहां पर गया था?
भजन संहिता 82 राइट। एक मिनट, एक और चीज मुझे आपको बतानी थी। कहाँ गया मेरा वो टाइम है तो मैं उसको यूटिलाइज कर लेता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ जेन्युइनली सीखने वालों के लिए, क्योंकि कई बार मैं डिबेट डिस्कशन जो है सामने वाले को जीतने के लिए बिल्कुल नहीं करता हूँ, क्योंकि सामने वाला मन बना लेता है। मैं उनके लिए करता हूँ जो परमेश्वर का वचन ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैंने निर्गमन 21वां अध्याय छठा वचन बताया उसमें लिखा है कि जजेस, ठीक है, अगर उसका मैं हिब्रू वर्ड देखूंगा तो हिब्रू वर्ड जो है यहाँ पर एलोहिम लिखा हुआ है। तो कम से कम मैं आपको तीन रेफरेंस दे सकता हूँ निर्गमन में 21:6, 22:8-9 में, जहां पर जजेस के लिए जो है एलोहिम शब्द हिब्रू में इस्तेमाल किया गया है। थोड़ा समय बचा इसलिए मैं बोल देता हूँ। जरा सोच कर देखो, परमेश्वर ने मूसा को ईश्वर कहा, क्या बोल के कहा, मैं तुझे फिरौन के सामने क्या करूंगा, ईश्वर बनाऊंगा। वो बात सिर्फ मूसा को कहा या सबको कहा? बाइबल में आपको कहीं पर भी जो अपोस्टल्स हैं कहीं पर भी ये सिद्धांत आपको सिखाते हुए मिलेंगे, कहां पर मनुष्य ईश्वर है। मनुष्य का तो जो डिप्रेविटी बोलते हैं उसको मुझे पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, यानी कि वो परमेश्वर के पास खुद से पहुंच नहीं सकता है, वो गिरा हुआ है, उस स्थिति के बारे में बताते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि राजेश भाई का पॉइंट मैंने आंसर नहीं किया, मैं पॉइंट बाय पॉइंट निकाल के रखा हूँ, सबको जो है एक एक करके मैं उसको जो है पूरा डाइसेक्ट करूंगा, उसको ऑपरेशन करूंगा वचन से, दो दाई तलवार से उसको तोड़ फोड़ करके कचरे में फेंकने वाला हूँ ये सारे आर्ग्यूमेंट को, बस मैं अपने रिबटल के लिए इंतजार कर रहा हूँ। मैं एरोगेंट बोल रहा हूँ, मैं हार्श बोल रहा हूँ, किसी को लगता है सांप की सिद्धांतों को देने वाले सांप के बच्चों से मैं ऐसी बात करूँ, और ये बिब्लिकल वर्ड है, ये बाहर से नहीं बोल रहा, ये बिब्लिकल वर्ड है। ये वचन को लेकर ये जो व्हाइट वॉश टूम्स है, हिपोक्रेट्स है, इनको जो है वचन से ही जो है धोया जा सकता है। और जैसे शुरुआत में प्रार्थना भी किया था कि वचन से जो है एक दूसरे का गर्दन तोड़े, और ये वचन जो है गर्दन तोड़ेगा उन झूठे सिद्धांतों का। तो जितने लोग सुन रहे हैं ऐसे झूठे सिद्धांतों से बचिए, क्योंकि परमेश्वर जो है आपसे प्रेम करता है। और भेड़िए बाहर निकल चुके हैं, बहुत सारे भेड़िए निकल चुके हैं, और वो भेड़ियों से आपको सावधान रहना बहुत बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ, 8 मिनट बचा है, बट ग्रेट, प्रेज गॉड, हालेलुया, धन्यवाद। तो अगला रही बेचा रखे 15 मिनट का, तो टाइमर सेट करता हूँ। राजेश भाई को मैं अगला समय देना चाहूँगा, 15 मिनट है आपके पास, और 3 मिनट पहले या 2 मिनट, 3 मिनट पहले मैं आपको ये कर दूँगा, चिता दूंगा, स्टार्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है, स्टार्ट हो गया जी। सो अभी तक फ्रांसिस ब्रदर ने कुछ पॉइंट्स दिए, और कुछ पॉइंट्स में उन्होंने मेरे पॉइंट्स को सपोर्ट किए। ओके, मेरा मुद्दा यह था कि मनुष्य भी ईश्वर है, तो फ्रांसिस ने भी कुछ निर्गमन में से 21:22 रेफरेंस लेकर क्या किया, वहां पर ईश्वर लिखा है, करे खुद ही मेरे को क्या किया, सपोर्ट किया। मतलब बाइबल खुद कह रही है कि मनुष्य कौन है, ईश्वर है। जब मैं पहले बोला था, जब बाइबल बोल रही है कि मनुष्य ईश्वर है, तो तुम क्यों शैतान बनना चाहते हो, तुम क्यों शैतान बनना चाहते, तुम ईश्वर बनो ना। मतलब फ्रांसिस ने कुछ सपोर्ट किया कि देखो बाइबल में यहाँ लिखा है, वहां लिखा है, वहां लिखा है, जब बाइबल लिखा है तो तू क्यों शैतान बन के वहां पर ईश्वर नहीं करके बोल रहा है। सीधी सी बात है ना, सीधी सी बात है, वैसे ही होता है भाई, हमको भी बहुत बुरा लगता है। डिबेट रूल समझाएंगे, तू वाली भाषा, तू अरे तुरे मत, अभी अभी लैंग्वेज आ गया, नहीं नहीं अभी इन्होंने आपको इतना देर आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आ, कोई बात नहीं, थोड़ा बर्दाश्त करें, अभी कर लेना, ठीक है कर लेना, माहौल बिगड़ जाएगा मेरा। अभी 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 अगर अगर सुनिए, मैं ऐसा मैं उनको सपोर्ट करके बात नहीं कर रहा हूँ, आप क्यों बोलते हो, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे रिबटल में भी मेरे को भी कोई नहीं टोकेगा अभी, नहीं नहीं, लेकिन वो जो लैंग्वेज के बारे में जो अभी अभी आपने कहा कि सबके सिद्धांत वाले, आप भी बहुत कुछ बातें बोला, बाइबल से बोला, बीच लैंग्वेज डिबेट में जो बीच में कौन बोलता है, एक मिनट, लैंग्वेज को थोड़ा सा इंप्रूव करके बोला जाए, अभी थोड़ा ठीक है चलो ठीक है फ्रांसिस भाई, एक लैंग्वेज को थोड़ा आप भी थोड़ा सा देख करके बात कर, और एक बात मैं भी बोलना चाहता हूँ, डिबेट, एक मिनट सबका ये डिबेट जो है ना हिंदी में है, आप लोग का बात हुआ था कि आप उसको हिब्रू लैंग्वेज को कोटेशन दे सकते हैं, जो बाइबल अच्छी बात है एक बात मेरा पूरा सुनिए, फिर उसके बाद आपको जो बोलना है बोलिए। पर्सनल जो है ना,
इनको ये पर्सनल अटैक नहीं किए सर, पहले सुनिए जो है ना बाइबल लैंग्वेज है। अरे मुझे सुनोगे नहीं, उससे पहले क्या जजमेंट दे रहे हो यीशु मसीह को तुम शैतान के साहब और फ्रांसिस ने देखो फ्रांसिस भाई आप झूठा सिद्धांत है सबका सिद्धांत है प्रमोशन भी दीजिए ना, दो मिनट आप पहले ही बोल दिया ना प्रेजेंटेशन, आपको टोके नहीं किसी ने, सुनिए तू ये शब्द वचन में किसी ने टोका नहीं है, ठीक है कंटिन्यू करें, थोड़ा सा लैंग्वेज को आप इम्प्रूव करें, हम सीखने सीखने के लिए आए हैं ना, अगर बाद में अपन जो वो लोग बात करने दीजिए, अपन जो क्वेश्चन करना है ना बाद में करेंगे। यस ठीक है, ओके ओके सुपर, माहौल ना बिगड़े सिर्फ सुनिए, टाइम चालू करने से पहले मैं बोलता हूँ पर्सनली तू तेरा पर्सनल सुनिए, आप बोलिए मत भी सुनिए, फ्रांसिस भाई ने टोका तभी वो रुका, नहीं टोकते रुकते नहीं, रिबटल में बोल सकते थे लैंग्वेज के बारे में। अरे आप मुझे बोलने दोगे कि यहाँ पर आके बैठिए, फिर आप बोलिए आइए बैठिए यहाँ पर, अभी आपने बोला ना बोलना चालू करता हूँ कि बीच में घुस जाते हो आप, ऐसा सुनने का कुछ है कि नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है बोलिए, पर्सनली एक दूसरे को नहीं बोलेंगे, शब्द का जो जो भी है भाई बिब्लिकली शब्द आप बोलिए, झूठा सिद्धांत सबका है, उनको इनका लगेगा इनको उनका लगेगा, उसको आप कुछ भी बोलिए लेकिन पर्सनली तू तेरा नहीं करेगा, ठीक है चलो कंटिन्यू, ठीक है चलो ओके सर, बात नहीं वही बस उतना ही सुनिए, ठीक है ठीक है स्टार्ट करता हूँ मेरा आपका स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया। So, सबसे पहले मैंने अपने मुद्दे में रखा था, मैंने ये बताया था कि मनुष्य जो है परमेश्वर का स्वरूप है, परमेश्वर के समान है, जिस तरह मनुष्य का बेटा मनुष्य होता है उस तरह परमेश्वर के बच्चे भी ईश्वर होते, करके मैंने वचन को रेफरेंस दिया, और बाइबल में भी जब फ्रांसिस ने जो अभी अपने पॉइंट्स में दिए थे उन्होंने ही कुछ रेफरेंस दिखाया कि जहाँ पर मनुष्य को ईश्वर बोला करके उन्होंने दिखाया, ओके अभी इनका मुद्दा है कि मनुष्य ईश्वर नहीं है, तो इनको क्या करना चाहिए, मनुष्य ईश्वर नहीं है एक लिखित पूर्वक क्या करना चाहिए, रेफरेंस देना चाहिए, और वो स्टेटमेंट परमेश्वर का होना चाहिए, वो स्टेटमेंट परमेश्वर का होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर स्टेटमेंट ही सबसे हाई है, उसी को हम मान सकते हैं, तो मैंने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए जहां पर परमेश्वर खुद बोल रहा था कि तुम ईश्वर हो, और फ्रांसिस ने भी क्या किया अपने टाइम में, उन्होंने भी सपोर्ट किया कि मनुष्य ईश्वर है, जिससे ये पता चला कि फ्रांसिस भी यही बताना चाहते हैं कि मनुष्य ईश्वर है, इसके लिए उन्होंने निर्गमन का सहारा लिया, उस तरह उन्होंने कुछ रेफरेंस दिए जैसे कि जॉयस मेयर का सिद्धांत है, या फिर ये सिद्धांत है, देखो यहाँ पर मैंने ये नहीं बताया कि जॉयस मेयर का सिद्धांत है, ये सिद्धांत है मैंने नहीं बोला, मैंने ये बोला कि ये ईश्वर का सिद्धांत है, परमेश्वर का सिद्धांत है, क्योंकि मैंने जो रेफरेंस दिए जॉयस मेयर से किताब से नहीं दिया, या फिर माता ऋषि की किताब से मैंने नहीं दिया, मैंने वो किताब से दिया जिसे तुम भी पढ़ते हो मैं भी पढ़ता हूँ, जो परमेश्वर का वचन है, और वहां पर मैंने स्पष्ट दिखा कि मनुष्य भी ईश्वर है, और मैं प्लस पॉइंट में समझता हूँ कि फ्रांसिस ने भी मुझे सपोर्ट करते हुए कुछ रेफरेंस दिखाया कि बाइबल में लिखा है कि मनुष्य भी कौन है ईश्वर है, करके फ्रांसिस ने भी क्या किया सपोर्ट किया, अभी सेकंड थी, फर्स्ट इन्होंने बोला कि शैतान का सिद्धांत है, ओके सबसे पहले नंबर शैतान का सिद्धांत है, मैं समझता हूँ कि ब्रदर को बाइबल अच्छी तरह पढ़ने नहीं आता है, शैतान ने जो बताया था तीन पॉइंट बताए थे, तीन पॉइंट में दो सही था एक गलत था, ओके शैतान ने तीन पॉइंट बताए थे उसमें दो पॉइंट सही था एक गलत था, क्या है हम लोग उस वचन को हम लोग देखेंगे, शैतान ने कहा झूठ बोला था और कहा सही बोला था, ओके तीन पॉइंट मैंने बोला, तीन में दो सही थे और एक गलत है, जैसे परमेश्वर ने बोला इस फल को तुम खाएंगे तो क्या हो जाएंगे निश्चय मर जाएंगे, शैतान ने क्या बोला तू निश्चय नहीं मरेगा, ये वाला जो स्टेटमेंट था शैतान का गलत था, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट था कि तेरी आंखें खुल जाएगी और तू भले बुरे ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा, ये दो स्टेटमेंट जो है ना सही था, जैसे कि मैं आपको वचन पढ़ के दिखाऊंगा फटाफट, ओके यहाँ पर लिखा है 14 वचन से निर्गमन का 3:4 से, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी तुम भले बुरे ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, इसमें एक झूठ था क्या तू फल खाएगा तो नहीं मरेगा, ये झूठ था, आंखें खुल जाएगी ये भी सही था, और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे भले बुरे ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो ये भी क्या था सही था, सही था कैसे बता सकते हम लोग 7 वचन में लिखा है तब उन दोनों की आंखें खुल गई, शैतान ने क्या बोला था फल खाए तो क्या हो जाएगा आंखें खुल जाएगी, तो उस शैतान ने जो बोला था उसमें क्या हो गया आंखें खुल गई, और क्या बोला भले बुरे का ज्ञान पाकर तुम किसके तुल्य हो जाओगे परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, अभी उसका वचन हम देखेंगे उत्पत्ति का 3 अध्याय 22 वचन में, यहाँ पर परमेश्वर खुद बोल रहा है, ओके परमेश्वर खुद बोल रहा है, क्या बोल रहा है फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा है ना, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया, परमेश्वर खुद बोल रहा है हमारे समान एक समान हो गया है, मतलब शैतान को जितना नॉलेज है आज के झूठे प्रचारक लोगों को उतना भी नॉलेज नहीं, मैं तो समझता हूँ शैतान बहुत बेटर है, आज के जो झूठे प्रचारक लोग हैं उनसे कई ज्यादा गिरे हुए लोग हैं बाहर पढ़ने में,
है ना, मतलब शैतान ने जो बोला था परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर समान हो जाओगे, वो पॉइंट उसने सही बोला था, बस एक ही पॉइंट गलत था कि तुम फल खाओगे तो नहीं मरोगे। ओके, तो जिस तरह शैतान ने बोला था आगे खुल गई, आगे खुल गई, और भले बुरे ज्ञान पाकर परमेश्वर तुल्य हो जाओ, परमेश्वर के तुल्य भी हो गया, मैंने रेफरेंस भी दिया, अगर ये गलत है तो फ्रांसिस क्या कर सकता है अपने टाइम में, उसका खंडन कर सकता है। ओके, फिर बाद में इन्होंने कहा कि मनुष्य पापी है, मनुष्य पहले ये था वो था करके बताया। ऑफ कोर्स मनुष्य पापी, हम भी इस चीज को मानते, क्योंकि मनुष्य जो है जब परमेश्वर ने पहले बना कैसे बनाया था उसको, परमेश्वर के स्वरूप में परमेश्वर के समानता में बनाया था, मतलब परमेश्वर पहले क्या, परमेश्वर कैसा है, पवित्र है, तो आदम भी कैसे था पहले, पवित्र था। ओके, उसके अंदर कोई पाप नहीं था, लेकिन आज्ञा उल्लंघन करने के बाद क्या हो गया, आज्ञा उल्लंघन करके पाप ये हो गया, वो अलग विषय है, लेकिन पहले क्या है, वो परमेश्वर ने उसको कैसे बनाया, अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाया। तो पहले जो मनुष्य का जो स्टेटस है, ओके, वो किसके समान है, परमेश्वर के समान है, किस विषय में, आत्मा के विषय में, क्योंकि आत्मा है ना, मनुष्य कौन है, परमेश्वर का ही आत्मा, परमेश्वर का ही बेटा है, परमेश्वर का स्वरूप में समान है और अधिकार में भी क्या है, समान है। ओके, उस तरह हम लोग देखेंगे, बाद में पापी हो गया और मनुष्य क्या हो गया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, लेकिन परमेश्वर की महिमा से रहित हुआ इसका मतलब ये नहीं कि मनुष्य वापस ईश्वर नहीं बन सकता है, उस तरह परमेश्वर ने ऑप्शन रखा है, उसका ऑप्शन क्या रखा है, अपना यूहन्ना सुसमाचार का 10:34 पढ़ेंगे, यहाँ पर वचन स्पष्ट लिखा है, यूहन्ना सुसमाचार 10:34 वचन में। ओके, यहाँ पर जो क्या लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो, मतलब लोग यीशु मसीह को पत्थर मारने लग गए थे, क्यों पत्थर मारने लग गए थे, क्योंकि वो लोगों का क्या दावा था, तू मनुष्य होकर तो क्या करता है अपने आप को परमेश्वर ठहराता है, मनुष्य क्या करता है परमेश्वर ठहराता है, यीशु मसीह ने क्या बोला, अरे मनुष्य ईश्वर नहीं है, मनुष्य ईश्वर नहीं हो सकता है, मनुष्य बिल्कुल भी ईश्वर नहीं, ऐसे बोला क्या यीशु मसीह ने, वो नहीं बोला, यीशु मसीह ने क्या किया, उसको समर्थन किया, उसको क्या किया, समर्थन किया, कैसे समर्थन, उन्होंने क्या बोला था, तू मनुष्य होकर अपने आप क्या बनाता है परमेश्वर ठहरा था, यीशु मसीह ने यहाँ पर ये नहीं बोला कि नहीं नहीं मनुष्य ईश्वर नहीं है, मनुष्य ईश्वर नहीं सकते, ये नहीं बोला, यीशु मसीह ने क्या किया, उस बात को सपोर्ट करते हुए, उसका जो है समर्थन करते हुए क्या बोला, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मतलब यीशु मसीह भी क्या कर रहे हैं वहां पर, बाइबल में से दिखा रहे कि मनुष्य भी कौन है, ईश्वर है, रेफरेंस कहा दिया है ना, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। अभी 35 वचन में आप ध्यान दीजिए, 35 वचन में क्या लिखा है, यदि उन्हें ईश्वर का, जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है, मतलब जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है वो कौन है अभी, मतलब पहले जो ईश्वर तत्व था वो पाप करके खो दिया वो, लेकिन वापस क्या बन रहा है, वो ईश्वर बन रहा है, कैसे बन रहा है, जिसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, इसके लिए क्या लिखा है, यदि उसने उन्हें कहा, किन्हें कहा, वचन संहिता में हमने देखा न्यायियों को कहा, ओके, फ्रांसिस ने भी उसको सही बराबर बताया, न्यायियों के लिए लिखा गया है, तो परमेश्वर क्या बोल रहा है ना, यदि उसने उन्हें ईश्वर का, जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है, और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती है, मतलब परमेश्वर का वचन खुद क्या बोल रहा है, परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि अगर परमेश्वर ने अगर उनको बोला है कि तुम ईश्वर हो, तो परमेश्वर की बात क्या नहीं हो सकती है, असत्य बिल्कुल भी हो नहीं सकती, जब परमेश्वर खुद बोल रहा है, यीशु मसीह खुद बोल रहा है कि उसको सपोर्ट कर रहा है, मनुष्य भी कौन है, ईश्वर है, लेकिन ईश्वर अभी कौन बन सकता है, जिसके पास परमेश्वर का वचन आया है वो कौन बन सकता है, ईश्वर बन सकता है, इसके लिए यहाँ पर 35 वचन में लिखा है, यदि उसने उन्हें ईश्वर का, जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है, और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती, मतलब पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती, इसका मतलब क्या है, मनुष्य भी ईश्वर है, लेकिन अभी ईश्वर कौन कहलाएगा बोलेगा, तो जो परमेश्वर का वचन को सुनता है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है, वो कौन कहलाता है, ईश्वर कहलाता है, उसको यीशु मसीह यहाँ पर क्या कर रहे, सपोर्ट कर रहे, मतलब वचन हमें बता रहा है कि परमेश्वर जिसको ईश्वर बोल रहा है वो बात असत्य बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, लेकिन ब्रदर क्या कर रहे, पापी तो मान रहे हम लोग, लेकिन बाद में उसके अंदर वचन के द्वारा क्या हो गया, परमेश्वर क्वालिटी आ गया, उस तरह और कुछ वचनों को देखिए, समझो इलोहिम शब्द लिखा है ना, इलोहिम को आपको ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, ओके, बस फर्क है लैंग्वेज का, ओके, जैसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, हिंदी में ईश्वर बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, परमेश्वर बोलते हैं, देवता बोलते हैं, ओके, हिंदी में इस तरह हम लोग किसको बोलते हैं, शब्द परमेश्वर को बोलते हैं, उस तरह हिब्रू लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, गॉड को, परमेश्वर क्या बोलते हैं, एलोहिम बोलते हैं, मतलब जो क्रिएटर है, सृष्टि करता है, ओके, वो कौन है,
गॉड है और उसके समान में उसके स्वरूप में जो बने हुए लोग है वो भी ईश्वर है, उनको भी गॉड है। तो इलोहिम शब्द के लिए ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं, इलोहिम मतलब इंग्लिश में गॉड्स बोल सकते हैं उस तरह, ओके ये हिंदी में आप ईश्वर ही बोल सकते, परमेश्वर भी बोल सकते, इसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने न्यायियों के बारे में बताया, उन्होंने खुद ही मेरे को सपोर्ट किया है ना, मतलब बाइबल न्यायियों को भी क्या बोल रहा है, ईश्वर बोल रहा है, वो ईश्वर है करके ईश्वर बोल रहा है, क्योंकि जिसके पास वचन पहुंचा है वो कौन है, वो ईश्वर है। ओके मतलब फ्रांसिस ने मेरे को क्या किया, प्लस पॉइंट दिया। ओके बाद में उन्होंने भजन संहिता में बोला कि वो लोग अपने आप को जज बन के बैठे हैं या फिर वो लोग अपने आप को ईश्वर बन के बैठे, सबसे पहली बात वो खुद ईश्वर बन के नहीं बैठे हैं। ओके फ्रांसिस ने अपने टंग में बोला कि वो लोग अपने आप को ईश्वर बना के बैठे, वहां पर अपने आप को ईश्वर बना के बैठे नहीं है, परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, ईश्वर उनको बनाया। जिस तरह हमने निर्गमन में देखा, फ्रांसिस ने 21 में 22 में दिखाया, जिस तरह मैंने भी आपको निर्गमन में 4:16 में दिखा, 7 में 1 में दिखाया, वहां पर मनुष्य खुद बना के बैठा है, परमेश्वर से खुद बना के बैठा है। अभी जो रेफरेंस लिखा गया 82:6 में, मैंने कहा, वो मैंने कहा कौन है, मैंने कहा तुम ईश्वर, परमेश्वर बोल रहे कि तुम ईश्वर हो, अपने आप को बना के बैठे। तो फ्रांसिस ने यहाँ पर गलत तरीके से वहां पर पेश किया है। ओके बाद में फिर उन्होंने वही जितने भी सारे इन्होंने मेरे सपोर्ट के लिए वहां पर यह साबित नहीं कर पाए कि मनुष्य ईश्वर नहीं करे, साबित नहीं कर पाए, उल्टा उनके टर्न में उन्होंने खुद सपोर्ट किया मेरे को कि देखो बाइबल में यहाँ पर न्यायियों को बोला गया है, राजाओं को बोला गया है, अधिकारियों को बोला गया है। तो फ्रांसिस अपने मुद्दे में क्या हो रहा है, फेल होते जा रहा है, अपने मुद्दे में क्या हो रहा है, कंफ्यूज होते जा रहा है। बाइबल जब खुद कह रहा है कि न्याय भी ईश्वर है, राजा भी ईश्वर है, तो तुम कौन होते हो क्योंकि उसको ईश्वर नहीं बोलना चाहिए। तो बाइबल का जो कॉन्सेप्ट है कि तुम ईश्वर हो, तो 100% क्या है, वो ईश्वर है। अभी बात आ गई क्वालिटी की, ओके मेरे पास टाइम है 3 मिनट ओके बाद में बताओ क्वालिटी। ओके मनुष्य पापी होने के बाद परमेश्वर ने क्या किया पता, उसको एक मौका दिया, क्या दिया कि तुम ईश्वर स्वभाव में आना चाहिए, मतलब ईश्वर के क्वालिटी, ईश्वर के गुण तुम्हारे अंदर आना चाहिए। एक वचन बता के मैं समाप्त कर दूंगा, बहुत सारे रेफरेंस है लेकिन मैं टाइम कम करके एक ही बताऊंगा। पत्रस की पत्री दूसरा अध्याय देखेंगे हम लोग, पत्रस की पत्री दूसरा अध्याय, पत्रस की पत्री दूसरा अध्याय 3रा वचन से हम देखेंगे। यहां पर देखो मनुष्य को सीधा सीधा बोल रहे कि तुम्हारे अंदर ईश्वर का स्वभाव होना चाहिए, और जिसके अंदर ईश्वर का स्वभाव है, ईश्वर क्वालिटी है, ईश्वर के गुण है, वो कौन कहलाता है, ईश्वर कहलाता है। जैसे हम देखेंगे क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें, यहां से लाइन आप नोट कर लीजिए, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। मतलब परमेश्वर ने किसकी महिमा, किसके सद्गुण से बुलाया है, अपनी ही, मतलब परमेश्वर के अंदर जो सद्गुण है, परमेश्वर के अंदर जो महिमा है, परमेश्वर उसी तरह महिमा तुमको भी रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर बता रहा है। इसके लिए बोल रहा है कि जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। मतलब मनुष्य को किसका स्वभाव आना चाहिए, ईश्वर का स्वभाव आना चाहिए। अब जिसको ईश्वर का स्वभाव आ गया तो उसकी क्वालिटी किसके अंदर है, वो किसका क्वालिटी है, ईश्वर का क्वालिटी है। अगर समझो मनुष्य के अंदर ईश्वर क्वालिटी नहीं आ सकता है समझो, तो यहाँ पर वचन क्यों कहता था कि तुम ईश्वर के सहभागी हो जाओ करके, है ना। वापस मैं आपको समझाता हूँ, है ना, जिनके द्वारा, 14 वचन में, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, मतलब परमिशन क्या दिया, हमको बहुत बड़ा प्रतिज्ञा दी है, ओके, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। और मनुष्य समझो ईश्वर नहीं बनना चाहिए समझो, यहाँ पर वचन ऐसा क्यों लेगा, तुम ईश्वर के स्वभाव के संभागी हो जाओ, मतलब मनुष्य जो है पापी होने के बाद भी ईश्वरीय स्वभाव क्या कर सकता है, वो प्राप्त कर सकता है। इसके लिए बाइबल में लिखा गया है कि जिसके पास वचन आया है वो कौन है, वो ईश्वर, क्योंकि वचन ही हमें क्या करता है, पवित्र करता है, वचन ही हमें पापों से शुद्ध करता है, वचन ही हमें एक परमेश्वर का नेचर, परमेश्वर स्वभाव हमारे अंदर लाता है। इसके लिए जिसके पास परमेश्वर का वचन है वो कौन है, ईश्वर है। तो मनुष्य भी कौन है, ईश्वर है। ओके तो अपने मुद्दे को समाप्त, भाई फ्रांसिस के टाइम में सेट कर ओके प्रेज गॉड। देखने वाले समझ गए होंगे जो मैंने शुरू में अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था। जैसे मैंने कहा कि जो झूठे सिद्धांत वाले जो होते हैं वो सुधरने वाले नहीं है, वो तो अपनी बात को ही पकड़ के रहेंगे। इसलिए मैंने कहा कि मैं सामने वाले को जीतने के मुद्दे पे यहाँ पर नहीं बैठा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सामने वाले कई बार जीता नहीं जाता। ये लोगों के लिए जो वचन को परखेंगे। आपने भी सुना है
वचनों को आपने भी देखा है, तो आप एक निर्णय में पहुंच सकते हैं। चलिए, पहला तो मेरा प्रेजेंटेशन था, तो पॉइंट दिया, ये सब सारे जो है रिबटल्स में जो है अभी आपको दूंगा। थोड़ा पीछे से जाता हूं ताकि जो है आपको फ्रेश याद रहेगा कि अभी रिसेंटली क्या बोला गया। तो सबसे पहले बोला कि यहां से निकालता हूं, हाँ, इन्होंने कहा कि ये मेरा ही रेफरेंस यूज कर रहे हैं, मेरा ही रेफरेंस यूज कर रहे हैं कहा। ऑफ कोर्स यस, मैंने रेफरेंस यूज किया ये दिखाने के लिए कि पर्टिकुलरली जज्स को वो ईश्वर शब्द कहा गया है, वो सबके लिए लागू नहीं होता है। इसको हम फिलोसफी में क्या बोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। भजन संहिता 82 में जो उन्होंने शुरुआत में बोला कि मनुष्य को बोला, उन्होंने बोला मनुष्य को बोला, लेकिन जब आप कॉन्टेक्स्ट को पढ़ रहे थे ना भजन संहिता 82 में, वचन को पढ़ते समय आपको समझना चाहिए कि वो किस से बात कर रहा है, कब बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है, किस अंदाज से बात कर रहा है। तो वहां पर पर्टिकुलरली ग्रुप से बात कर रहे हैं, क्या वो सारे ग्रुप के लिए, एक इंसान को बोला तो सारे इंसान के लिए लागू होता है, अगर हाँ तो उसको हम लोग फिलोसफी में स्वीपिंग जनरलाइजेशन, कॉमन आर्ग्यूमेंट, कंपोजिशन आप बोलेंगे, ये सब क्या बोल रहे हैं इनके लिए, जो ये इस्तेमाल करते हैं उनके लिए है, जो लॉजिक इस्तेमाल करते हैं उनके लिए। तो ये सारी चीजें जो है, इसका मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ, सिंपल लॉजिक बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए 40 साल का आदमी का जो है सर पे बाल नहीं है, मैंने एक 40 साल के आदमी को टकला देखा, उसका कंक्लूजन क्या है, सारे 40 साल के ऊपर वाले आदमी जो है टकले होते हैं। तो प्रेमिस वन, प्रेमिस टू, कंक्लूजन, इसको लॉजिकल इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो उसी आधार पर यहां पर एक व्यक्ति को, यानी कि एक जजेस ग्रुप को जो है गॉड कहा गया है, तो वहां पर वो जजेस गॉड के जैसा काम कर रहे हैं, अपने आप को गॉड बोल रहे हैं, तो यानी कि सारे मनुष्य गॉड होंगे। इसको फिलोसफी में गंदा लॉजिक बोला जाता है। इन्होंने कहा कि एक तो बड़ी बात है कि ईश्वर को गुस्सा भी आता है, ईश्वर को गुस्सा नहीं आना चाहिए, परमेश्वर का स्वभाव स्वभाव बात किया, चलो हम तो ईश्वर नहीं, हम तो झूठे सिद्धांत है, जो सही सिद्धांत वाले को सब, हाँ ओके ओके। यहां पर अचानक से जाकिर नायक की आत्मा आ गई, बाइबल में डायरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए, कहां पर ये कहा है कि हम मनुष्य नहीं है, तो जाकिर नायक की आत्मा गई, कहां पर यीशु ने बाइबल में कहा मैं खुदा नहीं हूं, मैं खुदा हूं मेरी इबादत करो, कहां पर है बाइबल में डायरेक्टली ट्रिनिटी। तो ये जो जाकिर नायक वाली बात है, अब एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता देता हूं मैं, यहां पर इन्होंने क्या कहा, हवा को झूठ नहीं बोला, उसको मतलब एक एक स्टेटमेंट को लिख के रखा हूं। उन्होंने कहा तुल्य बन जाओगे, इन्होंने क्या कहा, हाँ इंसान जो है पहले, ये देखो स्टेटमेंट सुनो, मनुष्य पापी था, परमेश्वर जो परमेश्वर ने पहले उसको अच्छे से बनाया वो परमेश्वर के स्वरूप में था, परमेश्वर के स्वरूप का मतलब क्या होता है, वो परमेश्वर था, ईश्वर था, लेकिन अगर वो पाप में गिरने से पहले ही ईश्वर था तो जो ऑलरेडी ईश्वर था उसको जाकर शैतान ने हवा को क्यों बोला कि तुम ईश्वर जैसे बन जाओगे, ये तो गड़बड़ है भैया लॉजिक में। पाप में गिरने के बाद जो है इंसान अपने ईश्वरत्व को खो लिया, फिर बाद में यीशु मसीह के द्वारा वापस ईश्वर बन गया, लेकिन अगर वो गिरने से पहले, पाप में गिरने से पहले वो ईश्वर ही था, जैसे उन्होंने कहा आदम का उदाहरण लेकर मैंने स्टेटमेंट लिख के रखा है, लाइव है तो आप रिप्ले कर सकते हो, तो फिर जो ऑलरेडी ईश्वर है तो वो ईश्वर को कैसे उन्होंने, मतलब शैतान ने जाकर ये बोल दिया कि तुम ईश्वर जैसे बन जाओगे, खुद के आर्ग्यूमेंट में फंस गए बाबू, पहले परमेश्वर, हाँ ये हो गया, फिर उसके बाद डायरेक्ट स्टेटमेंट मांगा। अब इन्होंने कहा कि यीशु मसीह जो है उनको सपोर्ट कर रहे थे, यीशु मसीह बोले हाँ बराबर, अगर यीशु मसीह, ध्यान से सुना ये लॉजिक है, ध्यान से सुना, अगर यीशु मसीह वही बात को बोल रहे हैं जो यहूदी ऑलरेडी जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल यीशु ने कुछ बात कहा, यहूदियों को गुस्सा है, यीशु ने बोला क्यों गुस्सा करें, तुम में से लोगों को तुम तो ईश्वर बोलते हो, तो यहूदियों ने क्या बोला, ओ सॉरी सॉरी हां दादा मिस्टेक ज्यादा है, सुना नहीं आगे क्या हुआ, फिर बाद में यीशु एक्सप्लेन किए, तुम्हारी किताब में लिखा गया तुम उनको ईश्वर बोलते हो, वो सुनकर ओके ओके सॉरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, आप अच्छा ऐसा बोल रहे थे, हम तो ईश्वर ही है, अगर वो ऑलरेडी ईश्वर है मानते थे, यीशु ने अपने आप को ईश्वर बोला तो क्यों गुस्सा है उनको, क्योंकि उनको मालूम है यीशु ने अपने आप को ईश्वर को ईश्वर बोलकर परमेश्वर की तुलना में कहा, तो कैटेगरी क्लियर है यहां पर, फिर भी बोलेंगे नहीं नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग ना, क्लियर हो गया ओके। 39 वचन में क्या हुआ पढ़ो, चिड़िया याद है, चिड़िया कॉन्टेक्स्ट, चिड़िया मैं चिड़िया पढ़ रहा था जब ये उड़ा रहे थे, तो मैं चिड़िया को बैठा के पढ़ रहा था। 29 वचन में लिखा है 36 वो जो वचन इन्होंने बोला 37 में यीशु ने बोला कि मुझको भरोसा मत करो, मेरे अंदर जो पिता का काम होता है उसको भरोसा करो, बोलते गए फिर 39 में क्या हुआ मालूम है, वो फिर से उसको पकड़ने की कोशिश किया और यीशु वहां से निकल गया। अब तो बाबा मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर किया, तो यीशु बोल रहे थे मैं ईश्वर हूँ, यहूदी बोला ऐसा वैसा बोला, तो यीशु ने बोला हाँ भूल गए, उन्होंने बोला यस 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 मेरे को याद आ गया, बाद में उन्होंने गले मिले गया। 39 वचन में तो यीशु भाग रहे थे वहां से, क्यों भाग रहे थे यीशु एक्सप्लेन करेंगे भाई साहब अभी। अभी जो है उनके जो है रिबटल्स के सेक्शन में मैं आता हूँ, जो मैंने लिख के रखा है क्योंकि मेरा ओपनिंग स्पीच था।
तो मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन कर दिया कि 82 वचन संहिता 82 का उन्होंने जो बात किया था कि मनुष्य को बोला, वहां पर मनुष्य को जनरल करके नहीं बोला, वचन को प्रिस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव मोड में पढ़ना होता है। जो बाइबल स्टडी करते हैं, हर्मेनिटिक्स करते हैं, उनको पता होता है कि बाइबल कौन सी बातें आज्ञा पूर्वक बता रही है, कौन सा वर्णात्मक पूर्वक है। यह वचन वर्णात्मक पूर्वक है। कैसे पता चला मुझे आज्ञात्मक पूर्वक नहीं वर्णात्मक पूर्वक है? पहले वचन से एंड तक हमें पता चल रहा है कि, और झूठ बोला इन्होंने, रिवाइंड करके देख लो, मैंने ये नहीं बोला कि कुछ जज बन के बैठे, मैंने बोला कि वचन मैंने पढ़ा, परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया है, वो अधिकार को छोड़कर वो खुद परमेश्वर बनकर जज बन के बैठे, मैं अपने मर्जी से करूंगा। आगे पूरे वचन में परमेश्वर उनको डांट रहे, परमेश्वर जहां पर जिसको डांट रहा है वो वचन में से एक बंदा सिद्धांत उठा के लेकर आ रहा है, क्या कर सकते हैं भैया। फिर उन्होंने कहा उत्पत्ति का किताब पहला अध्याय 26 वचन का परमेश्वर का स्वरूप, उसको लास्ट में टच करना चाहूंगा। ये जो एग्जांपल है ना कि परमेश्वर का बच्चा है मैं क्या बनेगा, हाथी का बच्चा क्या हाथी बनेगा, ठीक है, उसका एक मैं एग्जांपल देता हूं। हम जब एक, ये इतना गंदा डायलॉग है ना इसलिए मैं गंदा एग्जांपल लेना पड़ रहा है, माफ कर दीजिए मेरे ऑडियंस को, क्योंकि आपको क्वालिटी कंटेंट देता था मैं, लेकिन आज ही देना पड़ा। मान लीजिए जब एक इंसान कुत्ते को अडॉप्ट करता है, उसको अपना बच्चा बोलता है, वो मेरा बच्चा है, मेरा सोना है, उसको बच्चे जैसे लगता है, अडॉप्टेड, ठीक है। अब क्या बोलेगा, अच्छा हम मसीह कुत्ते हैं क्या, इसको बोलते हैं रेड हेरिंग और स्ट्रॉमैन, कुछ भी कैसे कनेक्ट करने का, लेकिन लॉजिक समझो। जब एक इंसान एक जानवर को अपना पेट बनाकर अडॉप्ट करता है, उसको बच्चे जैसे रखता है, आप बोलोगे ये क्या हो गया। अब अगर मैं इंसान हूं, मेरा और एक लड़की का शादी हुआ, और हम दोनों के बीच में जो बच्चा हुआ, साइंस बॉडी डीएनए बायोलॉजी साइंस सबको रखकर मेरा बच्चा इंसान का बच्चा ही रहेगा, बराबर ना। परमेश्वर का बच्चा, इंसान को परमेश्वर का बच्चा क्यों कहा गया, वो पहले सीखते हैं। वो मैं वेट कर रहा था रिबटल के लिए, ओपनिंग में देना था, लेकिन अच्छा है भी आ गया। क्यों कहा गया, बाइबल में पढ़ते हैं, एफिसियों की किताब पहला अध्याय में लिखा है कि हम परमेश्वर के मर्जी के अनुसार जो है, हम मसीह में जो है एडॉप्ट किए गए बच्चे हैं, एडॉप्टेड सन। फिर उसके बाद गलतियों की किताब 14 अध्याय वचन 5 से लेकर 7 में लिखा है कि हम क्या बन गए, हमें पुत्र स्वीकार मिला है, पुत्र अधिकार मिला है, हम परमेश्वर की आत्मा से उनके जो है बच्चे हैं, एडॉप्शन। वचन लिखा है वी माइट रिसीव एडॉप्शन एज सन, हम पुत्र जैसे जो है एडॉप्ट किए गए हैं। गलतियों की किताब 3 अध्याय 26 वचन में लिखा है फॉर इन क्राइस्ट जीसस यू आर ऑल सन्स ऑफ गॉड, मसीह में तुम सब परमेश्वर के बेटे हो विश्वास के द्वारा, डायरेक्टली नहीं। तो गलाती किताब 14 अध्याय 5 वचन में भी लिखा है एडॉप्टेड अ सन। रोमियो की किताब 8 अध्याय 23 वचन एडॉप्शन टू सनशिप। रोमियो की किताब 8 अध्याय वचन 14 से 9 लेकर स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन है सन, जिसके द्वारा हम अब्बा फादर कहते हैं। रोमियो की किताब 9 अध्याय 26 वचन हम जो है परमेश्वर जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, किस माध्यम से, एडॉप्शन के माध्यम से। हिब्रानियों की किताब 12 अध्याय 7 में God is treating you as son, परमेश्वर तुमको पुत्र जैसा चला रहा है, तो ये adoption है। अगर परमेश्वर और परमेश्वर के बीच में अगर एक बच्चा होता तो परमेश्वर का बच्चा परमेश्वर होगा, यही माता यरूशलेम वाले भी सिखाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर समझेंगे कि हमको क्यों बेटा कहा गया, हम जो है उस परमेश्वर के। अब ये जो मेरे ओपोनेंट है ये क्या सिद्धांत सिखा रहे मालूम है, परमेश्वर का अस्तित्व एक और उनका व्यक्तित्व तीन, उस ट्रिनिटी में अपने आप को घुसा रहे हैं जैसे जोसेफ स्मिथ ने अपने आप को घुसाया। ये blasphemy है, ये ब्लास्फेमी है, और ये इसीलिए मैं कह रहा हूं ये शैतान की सिद्धांत है, क्योंकि शैतान ने इनके लॉजिक के हिसाब से जो हवा पहले ही मनुष्य थी, ईश्वर थी, उसको जाकर ईश्वर बनना करके बताया बोलता है। और यहां पर मुझे एक तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहां से ये ट्राई कर रहे हैं ये प्रूव करने के लिए कि हम मैं ये प्रूव करें हम परमेश्वर के बेटे हैं। परमेश्वर के बेटे इसमें कौन इग्नोर किया, इस बात को कोई इग्नोर नहीं करता। परमेश्वर के बेटे कौन से अंदाज से हैं ये हम लोग देख रहे हैं। और एक बात इन्होंने कहा, पिता ने जन्मा परमेश्वर का आत्मा, वो याद नहीं आ रहा था क्या बोला। हाँ, मूसा के बारे में बात किया था, मूसा को क्या कहा, मूसा को पर्टिकुलरली बुलाकर बोला कि मूसा मैं तुम लोगों को नहीं, ग्रामर व्याकरण क्या होता है, अगर एक भाई को जाकर मैं बोलूंगा भाई तुम जाकर वहां पर बोलना कि मैं यहाँ का जो है प्रेसिडेंट हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे चर्च में से मेरे ग्रुप में से जाने वाले सबके सब प्रेसिडेंट है, उनको प्रेसिडेंट ठहराया। प्रभु ने मूसा को कहा कि तुझे मैं ठहराता हूं, तेरे लोगों को नहीं, इसराइल को नहीं। अब ये मुझे बताएंगे बाइबल से सभी लोगों को कहां पर ठहराया। यहां पर भजन संहिता 82 में भी जो है एक पर्टिकुलर ग्रुप जो न्याय करने वाले, जो सिविल जजेस है, जो न्याय करने वाले, जो पुलिस, आज के सिंपल भाषा में समझो जो हाईकोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज है, वो लोगों को यह अधिकार दिया गया है। क्यों दिया गया, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उनके पास सिविल अथॉरिटी थी, किस बात की, लोगों को दंड देने का, पनिशमेंट देने का। और फिरौन के पास क्यों मूसा को भेजा, मैं तुझे भगवान बना के भेज रहा हूं, क्योंकि फिरौन को लगता है मैं भगवान है। वो एक डायलॉग याद आया मेरे को, मैं भगवान लगता है, ऐसे जो ईश्वर है सिद्धांत वाले ना, हम लोग को भगवान ऐसा फील होता है। और
यही जो है वहां पर फिरौन को भी लगता था, फिरौन को परमेश्वर ने क्या किया, मूसा को भेजा, मूसा तू उसके सामने, क्या मूसा के सामने वो गिड़गिड़ाता फिरौन आकर प्रार्थना करो, उसके पहले फिरौन के सपने में आके सब लोग हाथ जोड़ते थे फिरौन, क्योंकि फिरौन उनके लिए गॉड बन के बैठा था, किस सोच में। और दूसरी बात, मूसा को ईश्वर बोलने के बाद कहीं पर भी मूसा ने आके बोला गया मालूम है कि यीशु ने, परमेश्वर ने हम सबको ईश्वर बोला, वी आर ऑल नाउ ईश्वर्स, कहाँ है बाइबल में, कहाँ है, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे भयानक और घटिया चीज मुझे क्या लगा मालूम है, भजन संहिता 45:6, भजन संहिता 45:6 इन्होंने कोट किया और कहा वहां पर जो है दाऊद को जो है क्या कहा गया है, ईश्वर कहा गया है, 1,00,000 रुपए का इनाम, 1,00,000 रुपए का इनाम, इसको किसी सबूत के साथ पेश कर दे, क्योंकि उसका क्रॉस रेफरेंस आपको मिलता है इब्रानियों की किताब में 5वां अध्याय में, सॉरी इब्रानियों की किताब 1:8 में, मैं निकाल के पढ़ लेता हूं, 4 मिनट है ना, अभी मजा आएगा। हिब्रूस 1वां अध्याय, ये ऐसे बाइबल को नहीं पढ़ने वाले लोग कहां कहां से लोगों को भरमाते, आपको भी समझ में आ गया होगा यहां पर क्या लिखा है। इब्रानियों की किताब 1वां अध्याय लिखिए वचन, किंतु सुनो 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 सो, वचन संहिता 45:6 किसके बारे में लिखा है, किंतु अपने पुत्र के विषय में कहता है, कौन है पुत्र, ऊपर पढ़ो चिड़िया, यीशु के बारे में कहता है, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन शाश्वत है, तेरा राजदंड धार्मिकता तुझको, मैं 1,00,000 रुपए का इनाम देना चाहता हूं किसी को भी जो मुझे साबित करके दिखाए ये यीशु के बारे में मेसियानिक प्रोफेसी नहीं है बल्कि किसी और को दिखाकर हमको मनुष्य बनाए, 1,00,000 रुपया बहुत बढ़िया चीज है, मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूं। और क्या बचा है मेरे शीट में, और कुछ नहीं बचा है। और जैसे मैंने कहा, जैसे हम एक पेट को जो है एडॉप्ट करते हैं उसको बच्चा बच्चा कहते हैं, वो हमारे इसका नहीं है, तो वैसे ही जो है परमेश्वर का स्वभाव। अब हाँ, एक रेफरेंस हो गया, कितना मिनट, 3 मिनट हो गए, सेकेंड रिबटल भी है, परमेश्वर के स्वरूप में बनाना, उसके बारे में जो है मैंने किताब ही लिखा है, माता ऋषि को खंडन करते हुए, पढ़ लेना जो नहीं पढ़ता, क्योंकि इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। भाई साहब खुद कहते हैं, हाँ मुझे मिल गया, अभी क्या बोल रहे थे ना, पिता ने जन्मा, परमेश्वर का आत्मा भी मुझे समझ गया, ये कह रहे हैं कि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, और उसी मुंह से कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है आत्मा है। अगर परमेश्वर आत्मा है, उन्होंने हमें उनके स्वरूप में बनाया, तो उनका स्वरूप क्या है, वो इमेज जो शब्द है ना, वो लाइकनेस, हिब्रू नहीं जा रहा हूं, हिंदी जा रहा हूं, सिंपल लाइकनेस, वो इमेज, वो स्वरूप का मतलब क्या है, वो स्वरूप का मतलब ये है, इसको गलत तरीके से प्रूव कर दे, मैं जो बोलने के लिए हारने के लिए रेडी, क्योंकि वो स्कॉलर के पास नहीं जाना था अपने, मैं भी स्कॉलर को नहीं लूंगा बाइबल से। वो स्वरूप का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने अपने रूप में या फिर अपने जैसा एक फोटो कॉपी बनाया, वो स्वरूप का मतलब है परमेश्वर अपने आप में आजाद है, नंबर वन, ही इज अ फ्री क्रीचर, दैट फोर ही कैन क्रिएट फ्री विल क्रीचर्स, मतलब हिंदी में वो खुद अपने आप में आजाद है, इसलिए उसकी सृष्टि को उसने अपने समानता में, क्या है उनकी समानता, जैसे वो आजाद है मनुष्य को, वो आजाद उस तत्व के साथ जिसको हम फ्रीडम ऑफ चॉइस कहते हैं, चुनाव शक्ति, उसके साथ बनाए। दूसरा, परमेश्वर व्यक्तित्व है, पर्सन, ही इज नॉट एन इम्पर्सनल गॉड। व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है, इमोशंस, प्रेम, प्रेम जो है सबसे ऊपर है, और प्रेम से जुड़ा हुआ ही सब कुछ रहता है, अनुग्रह, दया, मर्सी, माफ करना, ये सब चीजें प्रेम से जुड़ा, परमेश्वर प्रेम है, और वो प्रेम के हिसाब से मनुष्य को बनाया। तो पहला, परमेश्वर आजाद है, दूसरा, परमेश्वर अपना स्वरूप यानी कि परमेश्वर के जो गुण हैं उसके आधार पर मनुष्य को बनाया, तीसरा, परमेश्वर ने मनुष्य को जो है अधिकार दिया, किसका, तुम सब पर राज करो, क्योंकि परमेश्वर सारे चीजों का राज करता है, तो ये परमेश्वर का स्वरूप है, और यही स्वरूप को जो है शैतान छीनना चाहता था, इसलिए आकर बोला कि मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा, परमेश्वर के जैसे बनाऊंगा, क्यों मालूम है, ये वही शैतान है जो जाकर उस सिंहासन पर चढ़ना चाहता था, ईश्वर बनना चाहता था, फेंक दिया गया, और ये सिद्धांत वालों को भी परमेश्वर फेंकेगा अगर मन नहीं फिराएंगे, तो मन फिराओ, हम ईश्वर नहीं है, हम पापी मनुष्य हैं, और आदम हवा को भी पहले से ही जो है ईश्वर के स्वरूप में बनाने का मतलब देख लिया, वो ईश्वर नहीं थे, अगर होते तो शैतान जाकर वापस वो झूठ नहीं बोल सकता, तो झूठी सिद्धांतों से बचिए। हमें परमेश्वर का संतान क्यों कहा गया, मैंने आपको कम से कम 6 से 7 रेफरेंस दिया, वी आर सन्स एंड डॉटर्स बाय अडॉप्शन, परमेश्वर ने हमको जो है एडॉप्ट नजरिए से, अब ये पूछेगा किधर अडॉप्ट किया है, कौन से हॉस्पिटल में किया है, वो सब नहीं, अडॉप्शन का मतलब जो नॉर्मल हिंदी पढ़ते हैं वो भी समझते हैं। और एक और रेफरेंस दे देता हूं, रोमियो की किताब में, थोड़ा सा एक मिनट, रोमियो की किताब में वचन कहता है कि हम उसके भाग नहीं थे, किसने, हम वो चोजन जनरेशन के भाग ही नहीं थे, चुने हुए जनरेशन के भाग ही नहीं थे, परमेश्वर ने क्या किया, हमको ग्राफ्ट किया, ग्राफ्ट का मतलब समझते हो आप, एक गुलाब के डंडी को काट कर उसको आप सीधा दूसरे गुलाब उसमें जोड़ नहीं सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको साइड से काट कर उसको घुमाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन,
हम ऐसे परमेश्वर के पुत्र बने। तो इन्होंने कहा कि मेरा रेफरेंस यूज किया, मैंने जो बोला वो सुना ही नहीं, क्योंकि जो कल्ट वाले, झूठे सिद्धांत वाले, हेरेटिक और जो सांप के सिद्धांत वाले हैं ना, वो कभी भी आपके बातों को सुनेंगे नहीं। एक पॉइंट उठाएंगे, जैसे वचन में से एक पॉइंट उठाए, डन, थैंक यू। ठीक है, सेकेंड रिबिटल चालू करते हैं हम, और तैयार है आप? सेकेंड, ठीक है, सेट कर दो टाइम। ठीक है, आपको 15 मिनट स्टार्ट करता हूँ मैं, 15 मिनट का टाइम है आपके पास। स्टार्ट बोल दें। फ्रांसिस ने कुछ कुछ पॉइंट्स दिए, लगभग जो है 11 पॉइंट्स मैंने उनका लिख के लिया है। एक एक को जो है मैं खंडन करते ही जाऊँगा। तो सबसे पहले फ्रांसिस ने भजन संहिता का लिया था 82:6, ओके, वहाँ पर उन्होंने ये बताया था कि वो सबके लिए नहीं बोला गया है, केवल जो है कुछ लोग के लिए बोला गया, ओके। मैं भी ये मानता हूँ कि वहाँ पर न्यायियों के लिए बोला गया और सबके लिए नहीं बोला गया, लेकिन बोला गया किसके लिए? मनुष्य के लिए बोला गया, ओके, वहाँ पर मनुष्य के लिए बोला गया कि तुम ईश्वर। तो जब मनुष्य के, वो परमेश्वर जब बोल रहा है ईश्वर है, तो मानने के लिए क्या प्रॉब्लम, ओके। तो फ्रांसिस ने घुमा फिरा के बात किया, क्योंकि फ्रांसिस वाला ऑप्शन नहीं, क्योंकि लिखित पूरा कोई रेफरेंस दे रहा नहीं, मनुष्य ईश्वर नहीं करके अभी तक पूरे रिबेटल में एक भी रेफरेंस दिया नहीं और कभी दे भी नहीं सकता, ओके, लाइफ टाइम चैलेंज है, ओके। बाद में इन लॉजिकल सब फ्रांसिस ही बात कर रहा है, मैं मनुष्य ईश्वर है करके मैं खुद भी दिखा रहा हूँ और मुझे सपोर्ट करते हो, फ्रांसिस भी खुद भी दिखा रहा है, देखो यहाँ पर ईश्वर बोला गया। जब बोला गया तो मानो ना भाई, रिजेक्ट क्यों कर रहे हो, खंडन क्यों कर रहे हो? जब न्यायियों को ईश्वर बोला गया है, राजाओं को ईश्वर बोला गया है, इनको मूसा नबी को ईश्वर बोला गया है, दाऊद को ईश्वर बोला गया है, तो परमेश्वर जब खुद बोल रहे तो तुम कहीं के लिए इनकार कर रहे हो, ओके। तो ये इन लॉजिकल फ्रांसिस का ही, ओके। बाद में जाकिर नायक का स्टेटमेंट, ओके, जाकिर नायक जो स्टेटमेंट पूछ रहा है कि मैं खुदा हूँ, यीशु मसीह ने कहा बोला था, लिखा करके दिखाओ करके बोल रहा है, बाइबल में तो लिखा है, वो नहीं मान रहा है, ओके। बाइबल में यीशु मसीह खुदा करके कई सारे रेफरेंस है, यीशु मसीह ने भी कबूल किया, चेलों ने भी बोला है, नबियों ने भी बोला है, अभी जाकिर नायक बेवकूफ है, मानना नहीं चाहता, ओके। अभी जाकिर नायक का स्टेटमेंट मैंने नहीं लिया, मैं जाकिर नायक के बुक से नहीं निकाला, लेकिन फ्रांसिस क्यों पता नहीं, इसके बुक से लिया है, उसके बुक से लिया है, भाई मैं बाइबल से प्रचार कर रहा हूँ यहाँ पर, मेरे पास कोई बुक नहीं है यहाँ पर, मेरा माता यरूशलेम का बुक नहीं है, जाकिर नायक का बुक नहीं है, इसका उसका बुक नहीं, तो फालतू में क्यों इन लॉजिकल बात कर रहे हो, मुद्दे बात करो ना, बाइबल से बात करो, तो बाइबल की बातें करो ना, तुम बाइबल में जो भक्त लोग उनको बोल के बताओ कि वो हेरेटिक है, उनको बोल के बताओ ये फालतू है, उन लोगों को बोलो ये शैतानी सिद्धांत है, ओके। मनुष्य को ईश्वर किसने बोला है? परमेश्वर ने बोला है, भक्तों ने वही लिखा है, तो क्या वो भी शैतान है, वो भी हेरेटिक है? चलो उनको तुम बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या बाइबल जो भक्त लोग है वो हेरेटिक है क्या, वो शैतान है क्या? तो फ्रांसिस इनडायरेक्टली जो है भक्तों का नाम तो नहीं ले पा रहा, क्योंकि ले भी नहीं पाएगा, लेकिन भक्तों क्या नहीं कर पा रहा है, बातों का खंडन नहीं कर पा रहा है, जबकि बाइबल में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि मनुष्य भी क्या है, ईश्वर है। बाद में फिर 10:34 का यीशु मसीह ने कहा कि तुम ईश्वर हो, तुम्हारी पुस्तक में लिखा है, तो उन्होंने सपोर्ट किया करके, फ्रांसिस ने घुमा फिरा खिचड़ी बना दिया, उसको खुद को पता नहीं उसने क्या बोला फ्रांसिस ने, ओके, वहां पर भाग गया बोल रहा है, फिर मोटा समर्थन किया करके बोल रहा है, वो लोग को मालूम पड़ गया करके बोल रहा है, खुद ही क्या बताना चाहता है वो बताओ ना भाई, मैं तो वहां पर रेफरेंस दे रहा हूँ कि यीशु मसीह ने बोला कि जिसके पास वचन पहुंचा है वो ईश्वर है, अगर तुम ईश्वर नहीं गए तो मुझे ये रेफरेंस बताओ ना, वहां पर नहीं लिखा है कि वो ईश्वर नहीं है करके, ये रेफरेंस दिखाओ ना, घुमा फिरा के मतलब क्या है? तो फ्रांसिस जो है वो मुद्दे से हिल चुका है, सो फाउंडेशन हिल चुका है, इसके लिए क्या कर रहा है वो, बस घुमा फिरा के फिर टाइम पास कर रहा है आप लोग का, ओके, मैं आपको डिफरेंस टू बातें कर रहा हूं, ओके। तो यीशु मसीह ने 10:29 में जो बताया था वहां पर यीशु ने सपोर्ट किया, उन्होंने क्या बोला, तू मनुष्य होकर आपने क्या कर रहा था, ईश्वर परमेश्वर कह रहा, तो यीशु मसीह ने बोला मनुष्य ईश्वर नहीं है, मैं ईश्वर निकल के नहीं बोला, वहां पर सपोर्ट किया कि तुम्हारी व्यवस्था में लिखा है, फ्रांसिस अगर उसको रेफरेंस वापस लेना चाहता है तो मुझे ये बताओ कि वहां पर कहा लिखा है कि मनुष्य ईश्वर नहीं है, ओके। बाद में फिर एडॉप्शन, ओके, एडॉप्शन की बातें हम भी मानते हैं कि परमेश्वर हम क्या किया है, एडॉप्शन किया है, लेकिन वो नौबत क्यों आया, वो नौबत इसलिए आया कि हम लोगों ने परमेश्वर को छोड़कर क्या किया, शैतान के पीछे चल गए हम लोग, परमेश्वर का मार्ग छोड़कर, परमेश्वर का रास्ता छोड़कर, परमेश्वर का दिया हुआ महिमा छोड़कर किसके पास चले गए, शैतान के पास चले गए, पाप में हम लोग फंस गए। तो परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उसके लहू के द्वारा क्या किया, एडॉप्शन किया हमको, हमको वापस किया कि एक पुत्र बनने का हमें मौका दिया। फ्रांसिस ने कुत्ते का उदाहरण दिया है ना, मुझे नहीं लगता कि
है ना, कुत्ते का उदाहरण लेना, क्योंकि कुत्ते का उदाहरण वही लोग लेते हैं जो मनुष्य को ईश्वर नहीं मानते। ओके, कुत्ते का उदाहरण वही लोग ले सकते हैं जो मनुष्य को ईश्वर नहीं मानते, क्योंकि बाइबल जब हमें कह रहा है कि मनुष्य भी ईश्वर है तो हम लोग मानना चाहिए। अफकोर्स मैं मानता हूँ कि एडॉप्शन हुआ है, क्योंकि हम लोग जो है मनुष्य जाति जो है पाप करके परमेश्वर से दूर हो चुका था, पाप में फंस चुका था, तो परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह के द्वारा जो हमारा अधिकार खो गया था, जो हमारी महिमा खो गई थी, वो वापस हमें क्या दिया, यीशु मसीह के द्वारा वो महिमा हमें वापस दिया है। ओके, वचन हमें बताता है। बाद में फिर उन्होंने मतलब अगर इन्होंने कहा कि मनुष्य को एडॉप्ट करना, इसके लिए उनको एडॉप्ट किया गया है, इसके लिए पुत्र बोला गया, मतलब मनुष्य को एडॉप्ट किया गया है, इसके लिए उनको पुत्र बोला गया है, उसके लिए उनको संतान बोला गया, तो फ्रांसिस मुझे ये बताएंगे, बाइबल में परमेश्वर ने आदम को पुत्र बोला तो कौन से बेस पे बोला, कौन से बेस पे बोला, आदम को क्या परमेश्वर ने एडॉप्ट किया था, आदम को परमेश्वर ने क्या एडॉप्ट करके पुत्र बनाया था, परमेश्वर ने आदम को पुत्र इसलिए बोला क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया था, आदम को अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाया था, तो सारे मनुष्य जो है ना परमेश्वर के स्वरूप परमेश्वर के समान है। इसके लिए बाइबल में एक वचन में आपको दिखाता हूँ, परमेश्वर ये बताना चाहता है कि मनुष्य को मैंने क्या किया है, अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाया। इस तरह उत्पत्ति का पांचवा अध्याय देखेंगे, उत्पत्ति का पांचवा अध्याय उसका दूसरा पहला वचन से देखेंगे, आदम की वंशावली यह है। ओके, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया, अपना ही स्वरूप यानी कि परमेश्वर जैसे है वैसे ही मनुष्य भी रहेगा। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर आत्मा है, तो हम भी कौन है, हम भी आत्मा है, तो आत्मा क्या है, परमेश्वर स्वरूप है, परमेश्वर के समान है, तो सारे मनुष्य कौन है, परमेश्वर के स्वरूप है, परमेश्वर के समान है। इसके लिए प्रेरित हो हम 17 में 29 में लिखा है कि हम परमेश्वर के वंश होकर, वहां पर एक व्यक्ति के बारे में नहीं लिखा है, वहां पर पौलू जो सारे मनुष्य जाति के बारे में बोल रहा है, मतलब वहां पर सिर्फ मसीहों को नहीं बोल रहा है, सब मनुष्य जाति को ले रहा है और ये बोल रहा है कि हम सब कौन है, परमेश्वर के वंश है, मतलब परमेश्वर के वंश कौन कौन है, अन्य जाति भी परमेश्वर के वंश है और मसीह लोग भी परमेश्वर के वंश है, लेकिन जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु के पास आते हैं तो परमेश्वर उन्हें क्या करता है, वो जो महिमा वो लोगों ने पाप पर खो दिया था वो महिमा क्या कर रहा है, मसीह में हमको वापस दे रहा है। ओके, बाद में उन्होंने एक चैलेंज किया था, 1 लाख का चैलेंज, कि वहां पर जो है वो यीशु मसीह के लिए लिखा है, दाऊद नबी के लिए नहीं लिखा है। ओके, मैं एक क्लैरिटी के लिए, क्योंकि 1 लाख का सवाल है ना भाई, ओके 1 लाख का सवाल है। ओके, फ्रांसिस से मैं और एक बार पूछना चाहता हूँ, क्या वो दाऊद के लिए नहीं है, मेसियानिक प्रोफेसी यीशु के लिए लागू हुआ इब्रानियों में है, 1 लाख का चैलेंज, नहीं मैं वो नहीं पूछा, मैं ये पूछा है कि क्या वो दाऊद नबी के लिए है क्या नहीं, मेसियानिक प्रोफेसी मेरा शब्द था डिबेट में, दाऊद ये होता है बड़ी बड़ी फेंकना बाद में स्ट्रेट फॉरवर्ड आने के बाद पीछे हटना। ओके, मैं 100% मानता हूँ कि यीशु मसीह के लिए भी प्रोफेसी था, लेकिन लिखा किसके लिए गया था, वो दाऊद नबी के लिए भी लिखा गया है और वही प्रोफेसी यीशु मसीह के लिए, एक्सेप्टेड चैलेंज, 1 लाख चैलेंज एक्सेप्टेड। ओके, दाऊद के लिए भी, दाऊद के लिए नहीं है ना वो, नहीं। ओके, दाऊद फ्रांसिस ने बोला कि भजन संहिता 45 में जो लिखा है दाऊद नबी के लिए नहीं है। ओके, मैं दाऊद नबी के लिए भी है, वो यीशु मसीह के लिए, मैं दोनों को मानता हूँ। अभी दाऊद नबी ने नहीं बोला था, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, दाऊद नबी के लिए भी लिखा है करके मैं उस वचन को मैं पढ़ के बताऊंगा। ओके, भजन संहिता निकालेंगे 45 का, चिड़िया को भी पकड़ेंगे, कबूतर को भी पकड़ेंगे, कौवे को भी पकड़ लेंगे। ओके, यहाँ पर लिखा है, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा, तेरा राजदंड न्याय का है, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने तेरे परमेश्वर इस कारण परमेश्वर ने हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है, तेरे सारे वस्त्र गंधरस अगर और तेज से सुगंधित है, तू हाथी दांत के मंदिरों में तार वालों बाजों के कारण आनंदित हुआ, तेरे प्रतिष्ठित स्त्रिया में राजकुमारियां भी है। अब मेरे को बताओ, दाऊद नबियों को राजकुमारी थी कि नहीं, 100% थी। क्या यीशु मसीह की राजकुमारियां थी, यीशु मसीह ने शादी किया था, नहीं था। मतलब कॉन्टेक्स्ट इसके बारे में बताया जा रहा है, दाऊद नबी के लिए बोला जा रहा है, इसके लिए क्या बोल रहा है, तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारियां भी है। दाऊद का शादी हुआ था, दाऊद को राजकुमारियां थी, क्या यीशु मसीह को राजकुमारियां थी धरती पर, क्या यीशु मसीह ने शादी किया था, अब 1 लाख कभी लाएंगे मुझे बता दीजिए। ओके, वहां पर क्या लिखा है, तेरी दाहिनी और पटरानी और ओबिर के कुंदन विभूषित खड़ी
है, मतलब कौन रहेगी तेरी दाहिनी और पटरानी। दाऊद के पास कौन थे? पटरानी थे। यीशु मसीह पटरानी दिखाएंगे मुझे रिफरेंस के साथ, गोल मान लेंगे। फ्रांसिस का जो भी मुद्दा सब गोल मान ली है, खिचड़ी दे रहा है क्या, चाइनीज दे रहा है क्या, बिरयानी दे रहा है, कुछ पता नहीं, बस भक्त भक्त पेपर में लिख कर आया है। ओके, और क्या लिखा है दस वचन में, ए राजकुमारी सुन और कान लाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जाओ, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है, तू उसे दंडवत कर। सोर की राजकुमारी अभी बैठ करने उपस्थित होगी। मध्य पूरे कॉन्टेक्स्ट में कौन नजर आ रहा है हमें? दाऊद नबी नजर आ रहा है। ओके, तो ये लिखा गया है दाऊद नबी के लिए, लेकिन इसमें ड्यूअल प्रोफेसी है, सॉरी ये यीशु मसीह के लिए प्रोफेसी है। ओके, क्योंकि बाइबल में हम देख सकते हैं कि बाइबल ने भक्तों को समान समान रूप में दिया, मतलब कुछ कैरेक्टर जो है समान दिया जाता है, जैसे कि यीशु मसीह मूसा नबी कंपेयर किया जाता है ना। परमेश्वर बोलता है कि मूसा नबी है ना, तेरे समान एक नबी आएगा, मतलब यीशु मसीह किसकी तरह है? मूसा नबी की तरह है। ओके, यीशु मसीह को बाइबल में दाऊद बोला गया है। ओके, उस तरह बाइबल में क्या होता है, कैरेक्टर भी मैच होता है। तो बाइबल में ये जो लिखा गया है कॉन्टेक्स्ट दाऊद के लिए लिखा गया है, लेकिन इसमें जो सिंहासन है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या दाऊद को भी सिंहासन दिया था। दाऊद को क्यों सिंहासन दिया था? क्योंकि दाऊद अच्छा व्यक्ति था, धर्मी व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति था करके दाऊद को सिंहासन दिया था। उसी तरह परमेश्वर ने यहूदा गोत्र के सिंहासन में, मतलब दाऊद के वंश में किसको बिठाया? यीशु मसीह को भी बिठा, क्योंकि यीशु मसीह ने भी क्या किया? अच्छे काम किए, धर्म के काम किए, इसके लिए यीशु मसीह को भी वो सिंहासन मिला। इसके लिए वो कॉन्टेक्स्ट में जो है ना दाऊद के लिए बोला गया था। तो दाऊद ने जिस तरह धर्म से प्रीति रखा, अच्छे काम किया था, उसी तरह यीशु मसीह ने भी किया था। तो वो यीशु मसीह के लिए क्या हो गया? अप्लाई हो गया। अभी फ्रांसिस 100,000 लेकर आते क्या, बहस करते क्या, मुकर जाते उनके ऊपर है। ओके, बाद में हम देखेंगे इमेज ऑफ गॉड। ओके, इमेज ऑफ गॉड की क्या है इमेज ऑफ गॉड में? तो फ्रांसिस ने बताई गॉड में कुछ इमोशंस होते हैं। क्या होते हैं इमोशन? जैसे प्यार होता है, गुस्सा होता है, दया होता है, करुणा होता है। तो क्या हमारे अंदर नहीं है? क्या हमारे अंदर नहीं है? क्या हमारे अंदर गुस्सा नहीं है? क्या हमारे अंदर प्यार नहीं है? क्या हमारे अंदर दया नहीं है? क्या हमारे अंदर करुणा नहीं है? क्या हमारे अंदर उदारता नहीं है? क्या हमारे क्षमा गुण नहीं है? तो जो परमेश्वर के अंदर है, हमारे अंदर है, तो जो ईश्वर या स्वभाव का व्यक्ति, तो ईश्वर में तो और कौन होगा? तो जो टोटल कैरेक्टर से टोटल जो गुण है वो मनुष्य में नजर आ रहा है। परमेश्वर में गुस्सा है तो मनुष्य में भी गुस्सा है। परमेश्वर में प्रेम है तो मनुष्य में भी प्रेम नजर आ रहा है। परमेश्वर में दया है तो मनुष्य में भी दया नजर आ रहा है। परमेश्वर भी करुणा करने वाला है तो मनुष्य भी करुणा करने वाला है। तो परमेश्वर के जो कैरेक्टर जो दिख रहा है हमें, वो कैरेक्टर किसके अंदर दिख रहा है? मनुष्य के अंदर भी दिख रहा है। मतलब फ्रांसिस खुद ही उन्हीं बातों को बता रहे कि ये दोनों दोनों है करके, बाद में फिर क्या बोल रहे, मतलब ये दोनों भी चिकन है लेकिन ये बढ़ेगा छोटेगा, मतलब कुछ भी पता देगा। दोनों इमोशन इमेज करके बोल रहे भाई, मनुष्य में जो इमेज है, परमेश्वर भी क्या है? इमेज है। ओके ओके, मतलब बाइबल हमें बता रही है कि परमेश्वर ने क्या किया, अपने स्वरूप में अपने समानता में बनाया। जब परमेश्वर बोल रहे कि मनुष्य मेरे समान है, तो तुम क्यों बोल रहे कि मनुष्य मेरे समान नहीं है? बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह भी और मनुष्य भी सब किससे पता है? सभी एक ही मूल से है। सभी किससे मूल से है? एक ही मूल से है। वो किसके मूल से है? पिता के मूल से। एक वचन पता के मैं साफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरा टाइम अप हो रहा है। इब्रानी की पत्री दूसरा अध्याय 11 वचन में हम देखेंगे। इब्रानी की पत्री दूसरा अध्याय 11 वचन में यहाँ पर लिखा है, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है, इस कारण वह उन्हें बाय कहने से नहीं लजाता है। मतलब यहाँ पर वचन क्या बता रहा है? यीशु मसीह और जो मनुष्य है वो किसके मूल से है? एक ही मूल से। इसके लिए यीशु मसीह मनुष्य को क्या कहने से नहीं लजाता है? भाई कहने से नहीं ला जाता है। क्यों? क्योंकि सबका एक ही कैटेगरी है। यीशु मसीह भी पिता में से आए हैं और हम भी पिता में से आए हैं। इसके लिए यहां पर बोला सबका मूल कौन है? सबका मूल कौन है? एक ही है। इसके लिए यीशु मसीह ने क्या बोला? वो तुम्हारा भी पिता है, मेरा भी पिता है। तुम्हारा भी परमेश्वर है, मेरा भी परमेश्वर है। अगर दोनों कैटेगरी अलग होता समझो तो यीशु मसीह से क्यों बोलना चाहिए? या फिर यीशु मसीह कंफ्यूज कर रहे हैं, फिर कंफ्यूज कर रहे हैं हमको? ओके, वचन तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करता है। भले एक व्यक्ति जो है शैतान के जाल में फंसकर, शैतान की बातों में आकर, ईगो में आकर, बहुत सारे झूठे सिद्धांत को ऑलरेडी सीख कर, खुद को अपना शाना समझकर कुछ भी वो बोल सकता है, लेकिन बाइबल कभी ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि बाइबल का वचन सच्चा होता है। मनुष्य का गोलमाल स्टेटमेंट झूठा भी हो सकता है, क्योंकि जो वचन में लिखा है वही करेक्ट है, जो वचन में वो करेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। बाइबल में मैंने बहुत सारे रेफरेंस दिए कि मनुष्य भी ईश्वर है करके रेफरेंस दिए, उससे मैंने इमेज को भी दिखाया, और उससे कुछ अधिकार को ही मैंने दिखाया, उसमें कुछ गुण को ही मैंने
दिखा दिया, लेकिन फ्रांसिस ने एक भी रेफरेंस अब तक नहीं दिखा पाया कि मनुष्य ईश्वर नहीं है करके, एक साफ स्टेटमेंट जहां पर परमेश्वर खुद बोले कि मनुष्य ईश्वर नहीं है, ये झूठा सिद्धांत है, ये शैतान का सिद्धांत है, एक रेफरेंस भी नहीं दिया। बस मन में जो आया वो बकते जा रहा है, मन में जो आया गाली बकते जा रहा है, मन में जो सिद्धांत ये गलत है, हेरिटी का ये सब बोलना बड़ी बात है, मेरे को दो मिनट भी नहीं लगता है सब बोलने के लिए, लेकिन मेरा ये कि मैं रेफरेंस से बात करता हूँ, कभी भी बिना रेफरेंस दिए मैं कोई बात नहीं करता। तो अभी तक जो भी मैंने रेफरेंस दिया है उससे यही साबित होता है कि मनुष्य जो है ईश्वर है, एक भी रेफरेंस से ये साबित बिल्कुल नहीं हुआ कि मनुष्य ईश्वर नहीं है। इसके लिए मैंने दूसरा पत्र दूसरा चौथा वचन में भी दिखाई दिया कि हम सभी लोग जो है ना परमेश्वर के स्वभाव में क्या होना चाहिए, संभागी होना चाहिए। परमेश्वर के स्वभाव में जब हम लोग आ जाते हैं, समझो परमेश्वर के अंदर जो प्यार है वो हमारे अंदर आ गया, परमेश्वर के अंदर जो दया है वो हमारे अंदर आ गया, परमेश्वर जिस तरह पवित्र उस तरह हम भी यीशु मसीह लोग इधर पवित्र बन गए, तो परमेश्वर कैरेक्टर क्या आ रहा है हमारे अंदर आ रहा है। तो जिसके अंदर परमेश्वर का स्वभाव है वो कौन है, ईश्वर है। तो बाइबल हमें बताती है मनुष्य भी ईश्वर है, और ये बाइबल का रेफरेंस तो मैंने बताया फ्रांसिस में, चाहता हूं कि एक रेफरेंस दिखा दे परमेश्वर खुद बोले कि तुम ईश्वर नहीं हो, साफ स्टेटमेंट में जहां पर लिखा हो कि मनुष्य ईश्वर नहीं है, झूठा सिद्धांत है, एक रेफरेंस दिखा दो, उसके बाद हम सोचेंगे। मैं तो बहुत सारे रेफरेंस दे चुका हूं, ओके, तो मैं मुद्दा समाप्त करता हूं। ओके, स्टार्ट करें, ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, धन्यवाद सुनने के लिए, आपके सहनशीलता के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इतना वाहियत चीज सुनने के बाद ही आप जिंदा हो, प्रभु का ही अनुग्रह है। ओके, चलिए कुछ बातों को हम लोग रिविजिट करते हैं, ठीक है, इनके बातों में जो जो इन्होंने मेरे बातों को आंसर नहीं किया। चलिए, जैसे कि मैंने हवा के बारे में बात किया था कि तुल्य बन जाओगे अगर वो ईश्वर है तो फिर से क्यों वो ईश्वर बना रहा, उसके बारे में भाई साहब ने टच नहीं किया। दूसरी बात मैंने पूछा कि यीशु मसीह वहां पर अगर यही बोलने जा रहे हैं कि मैं भी ईश्वर हूं, तुमने मिस्टेक कर लिया, वो बोलते भाई साहब को समझा नहीं, समझने के लिए सुनना पड़ता है, उन्होंने सुना नहीं। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि यीशु वहां पर जो भी कर रहे थे यहूदी लोग भड़क गए, यहूदी लोग को यीशु बोल रहे हैं अरे डोंट मिस्टेक, मेरे को गलत मत समझो, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे ग्रुप में भी तो ईश्वर बोला है तो मैं भी तो ईश्वर है ना, तो यहूदी इसको देखकर हाँ सॉरी हाँ ये नहीं बोले, वो लोग क्या बोले 29 वचन में हमने पढ़ा, फिर से यीशु मसीह को जो है पकड़ने के लिए चले गए, और उन्होंने कहा कि एलोहिम मतलब नॉर्मल बात है, इंग्लिश में जैसे हम परमेश्वर बोलते हैं इसलिए बोलते हैं बाइबल पढ़ना होता है, क्योंकि मैंने कहा बाइबल में सिर्फ एलोहिम परमेश्वर के लिए नहीं लिखा है, बाइबल में इब्रानियों बाइबल में किसी के स्टाइल से बता रहा हूँ, बाइबल में किसी का एलोहिम के अलावा परमेश्वर के लिए एलोहा ये सारे शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। ये सारी बातें उनको पता चलता है जो पढ़ते हैं, जिनको पढ़ने नहीं आते उनका कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, इन्होंने एक और रिपोर्टर में बात कहा था कि बाइबल में यह भी लिखा है कि वहां पर परमेश्वर ने बोला कि ये देखो मनुष्य हम में से एक बन गए हैं, पार्टी होनी चाहिए ना, कितनी खुशी की बात है। मैं आपको एक बात बताऊं कितनी खुशी की बात है, ये परमेश्वर को पता चल गया कि लोग जो है हम में से एक हो गए, लेकिन पार्टी नहीं हुई, गुस्सा आया, ये तो हम में से एक हो गए, चलो जाकर इनको क्या कर देते हैं, कंफ्यूज कर डालते। परमेश्वर चाहता है कि नहीं हम ईश्वर बने, यहां तो इंसान ईश्वर बन रहा है फिर भी परमेश्वर गुस्सा कर रहा है, क्या बोले इसको समझ में नहीं आ रहा। 82:6 को लेकर ये थोड़ा नजदीक आ गए, मेरे बात को मान गए, मैं एग्री करता हूँ ये राजा के लिए, मैं एग्री करता हूँ मूसा के लिए, लेकिन जो नहीं मानता है वो खुदा का विरोध करता है, जो ऐसा सब बोलने लग गया। तो मैं एक चीज बोलता हूँ, बार बार एक ही स्टेटमेंट बार बार बोला ना, अब मेरे को जाकिर नायक का आत्मा को फिर से बुलाना पड़ेगा, जाकिर चाचा वापस आ सकते, तो जाकिर चाचा का आत्मा आकर ये बोलता है जिन्होंने कहा पूरे बाइबल में कहा पर खुदा ने ये कहा कि सबके खुदा ने कहा नहीं कहा कि मनुष्य ईश्वर नहीं है, तो मैं एक रेफरेंस चाहता हूँ और ₹1,00,000 का चैलेंज, एक और लाख का चैलेंज, पूरे बाइबल में ये क्लियर स्टेटमेंट खुदा का बता दो। यहां जितना भी रेफरेंस हमने देखा, मूसा को डायरेक्टली कहा मूसा मैं तुझे, बदन संहिता 82 में उनको कहा, अब यहां पर हम एक और बात पूछने जा रहे हैं, तैयार हो जाइए, दिल थाम लीजिए, वो ये है पूरे बाइबल में कहां पर ये स्टेटमेंट है कि सारे मनुष्य ईश्वर, दिखा दो ₹2,00,000 आपके सामने। आगे और क्या बात है, हाँ, अब इन्होंने कहा कि John 10:36 के बारे में बात किया, समझा नहीं बोला, लोगों को समझ में आ गया, एडॉप्शन को मानते हैं, बोलते कुत्ते का उदाहरण वही लेते हैं जो इस सिद्धांत को नहीं मानते, इसको कौन सा लॉजिकल फैलेसी बोलते हैं, सामने का समझ जाएगा, माय वे और हाईवे, मतलब मैं जो बोला उसको मानो नहीं तो तुम गलत, अगर तुम इस सिद्धांत को मानोगे तो परमेश्वर को मानते हो, तो लॉजिक बता रहे ना, आदम को क्यों बोला बेटा, एक शब्द होता है इंग्लिश में, नहीं बता होगा, रिक्वेस्ट किया उन्होंने हिंदी, फिर भी मैं इंग्लिश में बोल के उसको हिंदी में बोलता हूँ, टाइम क्रिएट, एक होता है प्रोक्रिएट और एक होता है क्रिएट, एक है सृष्टि और दूसरा होता है प्रोक्रिएट मतलब जनना। तो परमेश्वर ने जो है आदम को बेटा इसलिए नहीं बोला क्योंकि परमेश्वर ने आदम को जना,
और आज हम इंसान प्रोक्रिएट करते हैं, उससे हम बच्चे पैदा करते हैं, और उसी कारण जो है मैंने वो अडॉप्शन वाला कॉन्सेप्ट लेकर आया। लेकिन इनको कोई समझेगा नहीं, क्योंकि ये सारे शब्द जो है इनके लिए बहुत ही अन्य भाषा लगेगी। खैर, अब बात करते हैं हम लोग चैलेंज का, 1 लाख का चैलेंज का मुकर जाएंगे क्या नहीं बोलते हैं ना, ठीक है। बाइबल का पढ़ने का सिंपल लॉजिक यही है, बाइबल इंटरप्रेट्स बाइबल, ये एकदम सिंपल भाषा है। बाइबल का बात को बाइबल से ही हमको समझना बहुत जरूरी है। ये कैसे मालूम है, सोशल मीडिया में बोलते हैं ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, कैसे मालूम? ट्रस्ट मी ब्रो, मैंने बोला ब्रो, मुझे लगता है, मतलब भाई साहब अटक गए आके, उनको पता चल गया अभी मैं अटक गया हूँ, क्योंकि यीशु मसीह का ड्यूअल रेफरेंस, पहले क्या बोल रहे थे, वीडियो को रिवर्स करके सुनो, दाऊद दाऊद कह रहे थे, लेकिन जब बात आ गई, जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तब बात आ गई, ड्यूअल वाला शब्द घुसा दिया, क्योंकि मालूम है ड्यूअल वाले शब्द में ही मैं पकड़ूंगा। अब ड्यूअल वाला शब्द मानने को उन्होंने क्या कहा, भजन संहिता में राजकुमारी कौन है, ये कौन है, वो कौन है, वो सब उन्होंने पूछा ना। अब मैं जो है आपको इब्रानियों की किताब 1 अध्याय में आपको वचन 5 से पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने किसी भी स्वर्गदूत से कभी ऐसा नहीं कहा, तू मेरा पुत्र, आज मैं तेरा पिता बना हूँ, और न ही किसी स्वर्गदूत से उसने ये कहा, मैं उसका पिता बनूंगा और वो मेरा पुत्र होगा। और फिर वो जब अपनी प्रथम एवं महत्वपूर्ण संतान को संसार में भेजता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसकी उपासना करें। सातवां वचन सुनिए, स्वर्गदूतों के विषयों में बताते हुए वो कहता है उसने अपने सब स्वर्गदूत को पवन बनाया और अपने सेवकों को आग की लपट बनाया, किंतु अपने पुत्र के विषय में ये कहता है। किसके बारे में? मैंने आपको ऊपर से चिड़िया उड़ा रहे थे ना, गलत जगह उड़ा रहे थे, पेपर का चिड़िया नहीं, रियल चिड़िया उड़ा रहा हूं। रियल चिड़िया क्या है, ऊपर क्लियरली बता रहे, स्वर्गदूत नहीं है, इंसान नहीं है, पर्टिकुलर एक, दाऊद राजा नहीं, कोई नहीं, पर्टिकुलर एक पुत्र, सिर्फ किंतु अपने पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन शाश्वत है, तेरा राजदंड धार्मिकता है, तुझको धार्मिक, वही रेफरेंस आपको भजन से एकदम मिलेगा। दूसरी बात, कहां से आ गई वो राजकुमारियां वगैरह, एकदम गंदा लॉजिक इस्तेमाल करके बोलूंगा, वो राजकुमारियां कौन है, कलीसिया बोल दूंगा, ट्रस्ट मी ब्रो इज द सोर्स, मैसियानिक प्रोफेसी में यही आता है। और उतना ही नहीं, अगर आप भजन संहिता 45 को निकाल कर ये कहते हैं ना कि ये राजकुमारियां हैं, तो ड्यूअल प्रोफेसी आप देखो खुद कैसे फंसते हैं, ड्यूअल बोल के वो फंस गए, माफी मांग लेते तो छूट जाते थे, लेकिन अब फंस गए। ड्यूअल बोल के क्या बोला, ये यीशु मसीह के लिए भी लागू होता है, इसको बोलते खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना। क्या बोलते हैं मालूम है, यीशु मसीह के लिए भी लागू होता है, दाऊद के लिए भी लागू होता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि वो दाऊद के लिए जो राजकुमारियां थी, यीशु के लिए राजकुमारियां कौन है। इसको बोलते हैं चलते हुए बिच्छू को लेकर अपने जेब में डालना, अब काटेगा तो रोने का, अब मैं तो अपने चैलेंज में खड़ा हूं। दूसरी बात, इन्होंने परमेश्वर के स्वरूप 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 के बारे में बात किया, कितना टाइम से परमेश्वर के स्वरूप स्वरूप के बारे में बात किया, मैं आपको से इनको एक लॉजिक सिखाता हूं, 9 मिनट है, इनको एक लॉजिकल बात सिखाता हूं, ठीक है। लॉजिकल बात यह है, इसको हम लोग बोलते हैं कैटेगोरिकल एरर, ठीक है। इसके ऊपर मैंने कई बार सिखाया है, कैटेगोरिकल एरर में क्या होता है, दो अलग अलग कैटेगरी को मिक्स करना होता है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, लाल कलर का टेस्ट क्या है, आप बोलोगे भाई साहब लाल कलर का टेस्ट कैसे होगा, क्योंकि लाल कलर अलग क्षेत्र है, कैटेगरी है, और टेस्ट अलग कैटेगरी है, दोनों कैटेगरी को हमको मिक्स नहीं करना है। वैसे भाई साहब ने क्या किया, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, तो जो भी गुण परमेश्वर का है वो मनुष्य में क्यों नहीं है, हम क्यों नहीं है, वो बार बार एक ही चीज पूछ रहे थे, मैं तो टेंशन में आ गया, क्या पूछ रहे थे, क्यों नहीं मानते हो कि परमेश्वर का वो गुण हमारे में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, उसे बोल रहे थे ना, हाँ मनुष्य पापी था, मैं मानता हूँ ये सब है, इधर गया मेरा नोट्स, हाँ। तो यहाँ पर ये क्या किया मालूम है, परमेश्वर के उस दो कैटेगरी को इन्होंने मिक्स कर दिया। कौन सा वाला कैटेगरी, परमेश्वर का एक एसेंशियल कैटेगरी होता है, जिस कैटेगरी से वो परमेश्वर अपने आप में है, और दूसरा कैटेगरी जो है परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स के साथ जुड़कर और भी बहुत सारी बात होती है। तो जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, परमेश्वर ने अपने स्वरूप मतलब पूरा का पूरा नहीं बनाया, आदम को भी सृष्टिकर्ता नहीं बनाया, आदम को भी उद्धारकर्ता नहीं बनाया, तो किस भाग से, कौन से कैटेगरी से परमेश्वर ने कहा ये मेरे समान बनेगा, वो समानता क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो समानता परमेश्वर आजाद है, परमेश्वर राज करता है, परमेश्वर चुनाव शक्ति देता है, यही चीजों को, अगर परमेश्वर ने उसको ईश्वर बनाया तो भाई साहब को ये बताना पड़ेगा, वो नहीं बताएंगे कि क्यों परमेश्वर गुस्सा हो गए जब लोग ईश्वर बनने की कोशिश कर रहे थे, आओ जाकर सबके लैंग्वेज को, बाबिलोन को क्यों खराब किया था, कौन गुनेगार है यहां पर बाबिलोन को खराब करने के लिए, परमेश्वर, अरे उनको तो इसीलिए बनाया ईश्वर बनने के लिए, वो तो ईश्वर तो हो गए, अब ईश्वर बन गए, वो हम में से एक हो रहा है, हम में से एक हो रहा है, तो क्यों उसको मैं जाके नुकसान पहुंचाऊं। ये इतना वाहियात चीज है ना, आपको सुनकर पता नहीं कैसे लग रहा है, मुझे तो लग रहा है कि भाई अभी बस ये हेरेसी को जो है ना, इतना ही नहीं और भयंकर तरीके से भी खंडन करना पड़ेगा। तो और कितना टाइम बचा है,
7 मिनट बचा है। तो आप देख सकते हो कि मैंने कई सारे रेफरेंसेस लिए, वो सारे रेफरेंसेस का कुछ भी टच नहीं किया, एक्सेप्ट करते गए। मानता हूं जज का है, मानता हूं मूसा का है, जनरलाइजेशन नहीं कर पाए, मानता हूं एडॉप्शन है, सब मान रहे हैं, लेकिन बोले घूम घूम के फ्रांसिस क्या कर रहा है, उधर ही आ रहा है। मैं घूम घूम के इसलिए उधर ही आ रहा हूं। किस बात पे आ रहा हूं मैं? इस बात पे आ रहा हूं, जो एलोहिम जो शब्द है, जो ईश्वर जो शब्द है, वो कॉन्टेक्स्ट में किस किस के लिए इस्तेमाल किया गया? चिड़िया में किस किस के लिए इस्तेमाल किया? मूसा के लिए इस्तेमाल किया है, मूसा के साथ के लोगों के लिए नहीं। भजन संहिता 82 में वहां पर न्यायियों और जजों के लिए कैसे मालूम पड़ेगा? एक से लेकर लास्ट तक पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा। वो सब मानव जाति के लिए नहीं, पर्टिकुलरली उनको है। आप ये बोल रहे हैं कि अगर उनके लिए लिखा गया है तो सबके लिए क्यों नहीं? उनके लिए लिखा गया तो सबके लिए क्यों नहीं? तो मरियम को जाकर जब स्वर्गदूत ने कहा महिलाओं में सबसे मोस्ट ब्लेसेड वुमेन, तो महिला को बोल दिया, तो सारे महिला तो ब्लेसेड वुमेन होनी चाहिए। लॉजिक देखो कहां जा रहा है। यीशु ने, यीशु के चेलों में से कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए एक एक स्टेटमेंट इस्तेमाल किया गया, क्या वो एक एक स्टेटमेंट लगाकर हम पूरे मानव जाति के लिए लागू कर दें? अय्यूब के जीवन में जो एक स्टेटमेंट था वो सारे मानव जाति के लिए। इसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ कंपोजिशन या फैलेसी ऑफ डिविजन, मतलब ये यूज करने वाले को एक छोटी सी बात को लेकर सब जगह। मैं इसका सिंपल उदाहरण देता हूं, जैसे कि भारत देश में भी हो रहा है, अगर एक धर्म के एक व्यक्ति ने गलत काम कर दिया तो पूरे धर्म के लिए लागू कर देते हैं। अगर एक व्यक्ति, एक धर्म के व्यक्ति ने कुछ अच्छा काम कर दिया, ये धर्म वाले सारे थे। इसको लॉजिकल एरर बोलते हैं, गलती बोलते हैं, जो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के लिए हो सबके लिए लागू नहीं होता। मैंने आपको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया, 40 साल के ऊपर के जो उम्र के लोग हैं, एक आदमी का जो है सर में बाल जा सकता है। प्रेमिस नंबर टू, एक 40 साल के उम्र के आदमी को सर पे बाल नहीं देखा मैंने, तो इसलिए कंक्लूजन निकला सारे 40 साल के ऊपर वाले आदमी जो है बिना बाल के रहेंगे। तो ये बिना बाल बिना सर पैर की बात हो रही है यहाँ पर, लॉजिक कुछ नहीं है। कितना मिनट बचा है? 5 मिनट बचा है। बहुत अच्छा है फिर तो और भी मैं एक बार आपस से गो थ्रू कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर गो थ्रू कर रहा हूँ, तो यही जो झूठी सिद्धांत है जो मॉर्मोनिज्म फेथ प्रीचर्स ने लेकर आया है वही है। और राजेश अभी तक जो है ईश्वर क्या होता है उसका परिभाषा नहीं दे पाया। मैंने शुरुआत में परिभाषा दिया और मुझे तो लगता है कि ईश्वर अभी इसको अगर बनना है तो उसको बनना पड़ेगा, क्योंकि जो आग धड़क रहा है इसके अंदर, गुस्सा जो आ रहा है, मान लो मैं ईश्वर नहीं तो इसलिए मैं भड़क रहा हूँ, उनके अंदर तो ईश्वर है, वो ईश्वर का गुण दिखा नहीं पा रहा है। सही हम ये वो बोले दिखा नहीं पा रहे हैं। हाँ, कुछ चार सवाल के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूं। सवाल नंबर एक, अगर यीशु मसीह ने उनको अफर्म किया योना के किताब 10वां अध्याय में, तुमको वही बात बता रहा जो तुम लोग ऑलरेडी मानते हो, तो यहूदी लोगों ने वापस से यीशु को क्यों ईश निंदा का दोष लगा? क्योंकि यीशु तो यही कह रहा, तुम भी ईश्वर हो यार, तुम्हारे किताब में लिखा है, मैं ईश्वर हूं, क्यों प्रॉब्लम? नंबर वन चैलेंज। नंबर वन चैलेंज नंबर टू, जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समानता में बनाया तो और कहा कि देखो इन्होंने कहा ये हम में से एक हो गए, हम में से एक हो गया, तो खुशी मनाने को छोड़कर वो बाबेल जो घटना है वहां पर परमेश्वर क्यों वहां पर जाकर उनके बीच में गड़बड़ी लाया? दूसरा, क्या परमेश्वर नहीं चाहते कि हम ईश्वर बने? तीसरा कहां गया? हाँ, तीसरा, इब्रानियों की किताब का पहला अध्याय का वचन 6 से लेकर 8 तक का यहाँ पर ये क्या करेंगे, जहां पर यीशु मसीह के लिए क्लियरली लिखा है और क्लियरली कह रहा है किसी और के लिए नहीं, केवल पुत्र के विषय में ही। और अगर ये कहते कि ये डुअल प्रोफेसी है, उन्होंने बोला, मैंने ऑलरेडी बोला, मैंने मेसियानिक प्रोफेसी बोला, डुअल प्रोफेसी मेसियानिक प्रोफेसी में क्या कनेक्शन है जो लोग पढ़ाई करते हैं उनको मालूम। तो मैंने बोला कि यहाँ पर यीशु के बारे में क्लियरली लिखा है, उन्होंने बोला डुअल, और मुझे चैलेंज किया राजकुमार या कौन है, मैं भी पूछ रहा हूँ वो राजकुमार या डुअल प्रोफेसी में यीशु के लिए कहाँ लागू होती है? जो तुम्हारा आंसर है वही मेरा आंसर है, इसको बोलते हैं टेबल पलटी। ठीक है, इसको डिबेट में टेबल पलटी बोलते हैं, टर्निंग द टेबल्स। और कितना गलत हो गया? 3 मिनट बाकी है ना। हाँ, और उन्होंने बार बार एक ही चीज को बार बार कहा कि एक रेफरेंस बताओ। मैं भी एक रेफरेंस मांग रहा हूँ जहां पर बाइबल में खुदा ने डायरेक्टली ये कहा कि सारे के सारे मनुष्य ईश्वर है, ईश्वर का बेटा लेकर आएगा। और उसका मैंने आपको प्रोक्रिएट का एग्जाम्पल दिखाया, सन्स बाय अडॉप्शन मैंने बताया। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में आपको कहा कि जो सामने वाला है वो सुनने वाला नहीं है, मैं ये कर रहा हूँ जो सुनते हैं वचन को परखेंगे, वचन को स्टडी करेंगे, परमेश्वर उनको आजाद करेगा। मैं थोड़ा सा पॉइंट को आपको मैंने एक्सप्लेन किया है और उसके ऊपर और भी डिस्कशन कर सकते हैं, तो आप बैठ कर ये सारे वचनों को रिमाइंड करके चेक करके देखो, आपको पता चल जाएगा। और मुझे ये भी पूछना है कि ये जो जजेस के लिए जो एलोहिम शब्द इस्तेमाल किया है, फॉरेन गॉड के लिए भी एलोहिम यूज किया है, तो क्या ये फॉरेन गॉड को भी ईश्वर मानते हैं? सीधी सी बात, क्या फॉरेन गॉड को भी, जैसे कि दूसरे भगवानों को भी एलोहिम शब्द इस्तेमाल किया? एलोहिम नॉर्मल शब्द है, मैंने कहा कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मीनिंग चेंज होता है। इनको चिड़िया नहीं पसंद, एलोहिम सबके लिए नॉर्मल, तो जो दूसरी देवी देवता है उनको भी ईश्वर मानेंगे। तो इसी के साथ जो है मैं समाप्त करता हूँ और मैं एंड करता हूँ। ठीक है, मैं एंड करता हूँ। ठीक है,
फ्रांसिस ने लगभग जो है एक 10 पॉइंट शायद मेरे कैसे दिए हैं ओके। तो सबसे पहला पॉइंट ने बताया था कि मनुष्य क्यों तुल्य हुआ है, जब ऑलरेडी वो परमेश्वर के, वो ईश्वर ही है तो परमेश्वर के तुल्य क्यों हुआ है ओके। सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ऑलरेडी ये बताया था कि शैतान ने 3 बातें बताई थी, उसमें से 1 गलत था और 2 सही थे ओके। फल खाएगा तो नहीं मरेगा, ये झूठ था, लेकिन फल खाने के बाद तेरी आँखें खुल जाएगी, वो राइट है, और आँखें खुल गई, और फल खा बड़े भले बुरे ज्ञान पाकर तो क्या हो जाएगा, परमेश्वर के तुल्य होगा। मतलब आदम को जब परमेश्वर ने बनाया था तब आदम को भले बुरे का ज्ञान नहीं था, क्या नहीं था, भले बुरे का ज्ञान नहीं था। तो जब फल खाया तब क्या आया उसको, भले बुरे का ज्ञान आ गया, और किसके तुल्य हो गया, परमेश्वर के तुल्य, किसके विषय में, ज्ञान के विषय में। मतलब आदम को जब परमेश्वर ने बनाया तो ज्ञान के तुल्य में बराबर नहीं था, लेकिन फल खाने पर क्या हो गया, भले बुरे ज्ञान में एक समान हो गया। परमेश्वर ने खुद बोला है ना, परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक समान हो गया है। तो ब्रदर को मैं बताना चाहता हूँ कि पहले वो ज्ञान में एक नहीं थे, लेकिन बाद में क्या हो गया, भले बुरे ज्ञान पाकर परमेश्वर के समान वो लोग हो गए थे ओके। बाद में सेकंड पॉइंट था ये, आदम को बेटा क्यों बोला है ओके। तो ब्रदर ने ना जाने क्या क्या उदाहरण दिए, लेकिन कोई रेफरेंस नहीं था ओके। कोई रेफरेंस उसका था ही नहीं, बस अपने मन से उन्होंने जो उनको लगा ठीक लगा वो बोलते चले गए ओके। लेकिन बाइबल में बात है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में अपने समानता में बनाया है, इसके लिए परमेश्वर ने आदम को क्या बोला है, पुत्र बोला है। ऑफकोर्स मेरा बेटा मेरे जैसा ही है तो मैं क्या बोलूंगा उसको, मैं ही मनुष्य होता हूँ, वो भी मेरा बेटा, क्योंकि मेरे समान है, वो मेरे इमेज का है। तो आपको ये सिंपल सा लॉजिक इनको क्यों समझ में नहीं आ रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है ओके। तो आदम को क्यों बेटा बोल दो, क्योंकि मनुष्य जो है परमेश्वर स्वरूप में परमेश्वर समानता में बनाया गया है ओके। बाद में फिर दाऊद नबी के बारे में ओके, उन्होंने इसके लिए मैं दाऊद अपना फ्रांसिस जो है गोलमाल करेगा, मुझे पहले पता था, इसके लिए मैंने क्या किया, पहले एक बार पूछा कि दाऊद के लिए है क्या नहीं है ना। मैंने ये मान लिया था कि वो यीशु मसीह के लिए भी है, मैंने उसके लिए ना नहीं बोला, अगर मैं ना बोलता तो मेरी गलती थी, लेकिन वो दाऊद के लिए भी है क्या नहीं करके मैंने सवाल पूछा था। फ्रांसिस डर डर के 2 बार 3 बार डर डर के बाद में 3 बार हाँ ठीक है करके बोल दिया, क्योंकि आ गया थोड़ा हो गया था, कंफ्यूज हो गया था इसके बाद में, क्योंकि उसमें क्लियरिटी होता, पहली बात में हाँ बोलता था, लेकिन सोच के हाँ बोलो या नहीं बोलो, हाँ बोलो या नहीं बोलो, बाद में चलो ठीक है सबके सामने बोल दिया तो हाँ बोल दिया, हाँ बोल दिया। तो मेरा मुद्दा ये था कि दाऊद के लिए है क्या नहीं, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि दाऊद के लिए है, अभी क्या करना चाहिए, 1,00,000 रुपए देना चाहिए ओके। उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट किया, और बाइबल ये क्या बता रही है, विषय दाऊद के लिए बोला गया, और मैंने तरफ क्या किया, दाऊद के लिए करके उनके बीवियों को मैंने बताया, स्त्रियों को भी मैंने दिखा दिया। अभी फ्रांसिस क्या करना चाहिए था एक्सेप्ट करना चाहिए था कि दाऊद के लिए, लेकिन क्या कर रहा है, घुमा फिरा के हाँ यीशु मसीह की बीवी और कलीसिया है, अरे कुछ भी, मतलब ना रेफरेंस ना कुछ, बस अपने मन में जो भी आया अटैच कर दिया, जो मन में अटैच कर दिया, चिड़िया का हुआ जो भी दिमाग में आया बोल दिया, और आपका क्या कर दिया, अटैच कर दिया। मतलब कोई ना रेफरेंस ना कोई जवाब ना कोई उसमें कुछ डिटेल, बस मन में जो आ रहा है वो बताते जा रहा है, मन में जो आ रहा है बताते जा रहा है ओके। तो वहां पर जो लिखा गया है मैंने पहले एक्सेप्ट किया, वो यीशु मसीह के लिए भी है और दाऊद नबी के लिए, जैसे मैंने कहा था वैसे ही दाऊद। फ्रांसिस ने क्या किया था, नहीं बोला, बातें फंस गया, बातें फंस गया, घुमा फिरा के बातें कर दिया ओके। मुझे 1,00,000 रुपए देने वाला भी नहीं है, फालतू में टाइम वेस्ट करना बेकार है ओके। बाद में फिर उन्होंने मरियम का उदाहरण ले लिया ओके, कि तू सारे स्त्रियों में जो है धन्य, उसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग है क्या नहीं है ना। तो यहाँ पर मैंने मरियम का कोई उदाहरण लिया ही नहीं है, मरियम के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। फ्रांसिस बोल रहे कि वो उन न्यायियों के लिए लिखा गया था, इसके तुम एग्री तो कर रहे हो ना कि वो ईश्वर है, तो बात खत्म हो गई, डिबेट में जीत गया, बात यहीं पे खत्म हो गई। तुमको क्या खड़ा करना था कि मनुष्य ईश्वर नहीं, तो तुम किधर भी ईश्वर नहीं दिखाना चाहिए, बस बात खत्म हो गई। वो न्यायी हो, राजा हो, कोई भी हो, तुम ईश्वर नहीं दिखाना चाहिए, तुमने ईश्वर दिखा दिया कि डिबेट में तुम हार गए, सिंपल सी बात है। क्योंकि मैंने कहा था कि मनुष्य को परमेश्वर ने क्या दिया है,
अधिकार भी दिया है। इसके लिए उन्होंने क्या बोला, ईश्वर बोला गया है। मैं ईश्वर रिफरेंस करके दिखा के बात कर रहा हूँ, फ्रांसिस भी रिफरेंस देके ईश्वर बोला गया करके दिखा रहा है, फिर भी अपनी क्या बोलते हैं, बोलते ना टेबल उल्टी करना पलटी करना। जिसको सीधा सुनने नहीं आता, जिसको सीधा सीधा ज्ञान रहता नहीं है, वो टेबल उल्टा पलटी करता है। जिसको सीखने आता है, जिसको अच्छा आता है, वो आराम से चुपचाप बैठ के नॉलेज जो है ना सीख लेता है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे फ्रांसिस जो मरियम के बारे में बोला था उसका कोई कुछ भी जो है लॉजिक नहीं है। बाद में फिर फ्रांसिस ने कुछ बोला था कि है ना यहूदियों ने क्यों निंदा किया। ओके, अभी यहूदियों में जो है ना सभी लोग यीशु मसीह के समर्थन में नहीं थे। यहूदियों में जो है सभी लोग यीशु मसीह के समर्थन में नहीं थे। यीशु मसीह परफेक्ट बात कर रहा है, अब उन मुर्गों को समझ में नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम किसका है। अभी उन मुर्गों को समझ में नहीं आ रहा कि मनुष्य भी ईश्वर है। इसके लिए यीशु मसीह ने बोला कि तुम्हारी व्यवस्था में लिखा है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो। जब वचन कह रहा है कि जिनके पास वचन आया वो ईश्वर है, तो परमेश्वर का वचन क्या नहीं हो सकता है, असत्य नहीं। तो यहूदियों को समझाने वो मूर्ख लोग है। तो जो मनुष्य ईश्वर नहीं समझ पा रहा वो भी कौन है, वो भी मूर्ख है, वो भी हेरेटिक है। क्योंकि वो यीशु मसीह के स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, गलत ठहरा रहा है। वचन क्या बोल रहा है नया नियम में कि जिसके पास वचन आया वो कौन है, ईश्वर है। अगर मेरे पास वचन आया तो मैं कौन हूं अभी, भले मेरे अंदर अभी वो क्वालिटी मैंने खो दिया, क्योंकि सारे मनुष्यों ने पाप पर क्या कर दिया, परमेश्वर की महिमा को खो दिया है। लेकिन अभी यीशु मसीह के द्वारा मुझे क्या मिल रहा है, वो क्वालिटी वो स्वभाव मुझे क्या मिल रहा है, वापस मेरे को मिल रहा है। मैं मनुष्य ईश्वर क्यों बोल पा रहा पता है, मैं अपने सामर्थ्य से नहीं बोल पा रहा, क्योंकि सब मनुष्य ने पाप करके क्या कर दिया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। लेकिन वही महिमा क्या कर रहा है, परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हम सभी को दे रहा है। इसके लिए वचन में कुछ वचन में आपको दिखाता हूं, वचन के द्वारा हम क्या बन सकते पता है, ईश्वर बन सकते हैं। ओके, बन सकते हैं, इसका मतलब मेरा मतलब ये नहीं कि मनुष्य ईश्वर नहीं है। मनुष्य जो है ईश्वर था, लेकिन पाप करके वो स्वभाव को महिमा को खो दिया। लेकिन मनुष्य जिसको खो चुका है उसे क्या कर सकता है, वचन से उस चीज को वापस पा सकता है। जैसे कि मैं आपको कुछ वचन में आपको दिखाना चाहता हूं। ओके, पत्रस की पत्री हम देखेंगे, पहले ही मैंने दिखाया था, वापस भी मैं आपको और एक बार रिटर्न पढ़ के बताना चाहता हूं। ओके, चौथा वचन पढ़ता हूं, दूसरा पत्रस पहला अध्याय चौथा वचन में, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञा दी, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़हार से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। अब फ्रांसिस अपने रिबटल में जो है ना सो खंडन करके बताओ, जब वचन बोल रहा है कि तुम यीशु मसीह के द्वारा उसके वचन के द्वारा तुम क्या हो सकते हो, उसके ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो सकते हो। तो और एक वचन मैं आपको दूंगा, इफिसियों की पत्री पांचवा अध्याय, इफिसियों की पत्री पांचवा अध्याय 26 वचन में, ओके 26 वचन में इस तरह लिखा है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। मतलब वचन हमें क्या कर रहा है, ओके दो मिनट, ओके यहाँ पर वचन क्या बता रहा है कि उसको, यानी किसको, कलीसिया को, हमको ने कलीसिया है, ओके कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, है ना, पवित्र बन गए। मतलब जिस तरह परमेश्वर पवित्र है उस तरह पवित्रता हमें किससे मिल रहा है, यीशु मसीह के वचन से हमें मिल रहा है। इसके लिए हम भी क्या हो रहे हैं, ईश्वरीय स्वभाव में आ रहे। उस तरह कोलोसी की पत्री 3:10 देखेंगे, कोलोसी की पत्री 3:10 यहाँ पर इस तरह लिखा है, और नए मनुष्य तत्वों को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनते जानता है। मतलब ये वचन हमें क्या कर रहा है, कौन सा स्वरूप हमें वापस दे रहा है ना, परमेश्वर का स्वरूप दे रहा है ना। 10 वचन से वापस एक बार पढ़ के सुनाना चाहूंगा, क्योंकि लाइव में बहुत से लोग अंधभक्त लोग बैठे रहेंगे, वचन सुनेंगे नहीं, बस फालतू की बातों को ज्यादा मानते हैं, रेफरेंस को नहीं मानते, तो उनके लिए मैं वापस पढ़ के सुनाना चाहता हूं। और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप में क्या करता है, मतलब वचन हमें क्या कर रहा है, परमेश्वर का स्वरूप जो खो गया तो वापस क्या कर रहा है, हमको वापस जो है ना वो दे रहा है। उस तरह गलती की पत्री हम देखेंगे, गलतियों की पत्री 4 अध्याय, ओके गलती की पत्री 4:19 हे मेरे बालको, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा किसी पीड़ा सहता हूं। मतलब किसका रूप आना चाहिए, कलीसिया को मसीह का रूप आना चाहिए। अब मसीह कौन है, परमेश्वर है। अभी उसका रूप क्या आना चाहिए, हमको आना चाहिए, कैसे आएगा, वचन के द्वारा हमें क्या करेगा, परमेश्वर का स्वरूप हमें क्या आएगा,
आ जाए। जिस तरह परमेश्वर पवित्र है उस तरह यीशु मसीह के वचन के द्वारा हम क्या हो रहे पवित्र, और जिस तरह परमेश्वर प्रेम है उसी तरह वो प्रेम क्या हो रहा है हमारे अंदर भी आ रहा है। इसलिए वचन में लिखा कि प्रेम हमने इसी से जाना कि उसने हमसे प्रेम किया, और हम भी क्या करना चाहिए, उसने हमारे लिए प्राण दिया तो हम भी क्या करना चाहिए, हमारे भाइयों को क्या करना चाहिए, प्राण देना चाहिए। मतलब परमेश्वर स्वभाव भी क्या आ रहा है हमारे अंदर आ रहा है। परमेश्वर जिस तरह क्षमा करता है उस तरह परमेश्वर क्या बोल रहा है, जिस तरह मैंने तुम्हें क्षमा किया तुम भी क्या करो अपने भाइयों को क्षमा करो। मतलब परमेश्वर कैरेक्टर क्या हो रहा है हमारे अंदर आ रहा है। परमेश्वर ने बोला कि मैं तुम पे दया कर रहा हूं, तुम भी क्या करना चाहिए, दया करना चाहिए। तो परमेश्वर कैरेक्टर क्या आ रहा है हमारे अंदर आ रहा है। तो इतना सारा परमेश्वर कैरेक्टर हमारे अंदर आ रहा है तो हम भी ईश्वर है। ओके स्टार्ट हो गया। सो चलिए भाई साहब भूल गए थे कि कंक्लूजन है। यही होता है जब आप कैसा मस्त चीज है ना कि मतलब मैं ही डिबेटर और मैं ही जज, मैं ही बोलूंगा जीत गया, चलो जीत गया, अच्छी बात है। कंक्लूजन में चलते हैं हम लोग। कंक्लूजन में जाने से पहले कुछ पॉइंट को मैं टच करके निकलता हूँ। जैसे ऑलरेडी वो कह रहे कि हम पाप पहले ईश्वर थे, फिर बाद में पाप करके ईश्वरत्व को खो गए, फिर आप समझो मतलब एक साधा ठंडा दिमाग से सोचो, पाप करने से जो है इंसान ईश्वरत्व को खो गया। अभी नया एक लॉजिक ऐड किया है, क्या बोला है कि एक ज्ञान में नहीं थे फिर बाद में फल खाने से ज्ञान आ गया। ये कौन सा थियोलॉजी है, फल में कुछ नहीं था भाइयों, ये सब माया है, फल में कुछ नहीं था। वहां पर बात आज्ञा पालन की थी, फल में कुछ भी नहीं था वहां पर आज्ञा पालन की बात हो रही है, ठीक है। दूसरी बात, अगर ईव हवा पहले से ही परमेश्वर ने उनको अपने समान स्वरूप में बनाया, वो ईश्वर है, तो फिर जाके शैतान ने उसको क्यों बोला कि तू परमेश्वर जैसा बन सकती है, कोई लॉजिक नहीं है। परमेश्वर ने कहा ये हमारे जैसे बन गए, उनको जाकर हम गड़बड़ी डालेंगे, परमेश्वर उनको ईश्वर बनने नहीं दे रहा है। और कह रहे कि कोई रेफरेंस नहीं दिया आदम और बेटा का, क्योंकि कंक्लूजन है ना, कंक्लूजन में कंक्लूजन कहाँ हो रहा था, रिपोर्टल ही हो रहा था, तो मैं भी रिपोर्टल करके ही कंक्लूड करता हूँ। तो कोई रेफरेंस नहीं दिया, मैंने क्रिएशन और प्रोक्रिएशन का एग्जांपल दिया। जब इंसान बार बार यही बोल रहा था ना, मनुष्य का बच्चा, मनुष्य किस तरीके से प्रोक्रिएट करता है वो देखो, क्या परमेश्वर ने हमको उसी तरीके, अगर परमेश्वर ने हमको उसी तरीके से किया है तो हम परमेश्वर के उस संतान के जैसे कहलाएंगे जो ईश्वर है। वो केवल एक ही है, यीशु मसीह ही है, इसलिए उस कैटेगरी उस श्रेणी में कोई और नहीं है यीशु मसीह के अलावा, यीशु ही केवल उस कैटेगरी में आता है। बाबा मेरा पेशेंस का लेवल आज टॉप लेवल पर गया, प्रभु ने मुझे वो वरदान दे दिया आज। दूसरा उन्होंने कहा कि एक्सेप्ट कर लिया, एक लाख रुपए देगा या नहीं देगा। कभी कभी क्या होता है ना, इंसान जब अपने एम्बेरसमेंट को छुपाने के लिए कुछ हंसी करता है ना, तो उसकी हंसी में आपको पता चल जाएगा कि कितना वो एम्बेरस हो गया है। कह रहे कि रेफरेंस नहीं दिया, प्रूफ नहीं दिया। इब्रानियों की किताब पहला अध्याय में उसमें क्लियरली लिखा है, देखो किंतु अपने पुत्र के विषय में, दाऊद राजा ने पुत्र 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 के विषय में लिखा है कि हे परमेश्वर तेरा सिंहासन, ऊपर भी लिखा है, ये स्वर्गदूतों को नहीं बोला ये मेरे बेटा है, किसी और को नहीं बोला बेटा है, ये मेरा बेटा है और ये मेरे बेटे के बारे में मैं बोल रहा हूँ, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन शाश्वत है। अगर ये दाऊद राजा के लिए ले रहे हैं तो कितना भयंकर डेंजर है, अगर मान लो ये डुअल प्रोफेसी लेकर भी जा रहे हैं तो दाऊद राजा का सिंहासन कहां शाश्वत है। और इतना ही नहीं, वहां पर एक और चीज सुनो जबरदस्त है, परमेश्वर यह भी कहता है दसवां वचन, हे प्रभु जब सृष्टि का जन्म हो रहा था तूने धरती की नींव धरी, दाऊद ने नींव धर लिया, अरे ये सारे स्वर्ग तेरे हाथों के कर्तव्य है, दाऊद के हाथ का कर्तव्य है, ये नष्ट हो जाएंगे पर तू चिरंतन रहेगा, एक और इटर्नल गॉड आ गया, ये सब वस्त्र पट जाएंगे और तू परिधान उनका लपटेगा, ये कौन है, ये पुत्र है, ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर, ये प्रभु बचा ले। और दूसरा इन्होंने बोला कि घुमाया, वचन को पढ़ना घुमाना नहीं होता है, वचन को पढ़ना होता है, वचन को पढ़ा घुमाया नहीं। वहां से रेफरेंस लेकर सीधा इब्रानियों में आया और पूछा मरियम का क्या लॉजिक है, लॉजिक समझो, मैं यही बोल रहा हूँ, ये बोल रहे कि मैं मानता हूँ, फ्रांसिस मान रहे कि ईश्वर, मैं मान रहा हूँ ईश्वर शब्द, मैंने आपको मेरे ओपनिंग स्टेटमेंट में ईश्वर का परिभाषा समझाया है, चिड़िया कॉन्टेक्स्ट बताती है कि ईश्वर जब इसके लिए इस्तेमाल करते तो क्या है, अन्य देवी देवताओं के लिए भी ईश्वर इस्तेमाल किया, क्या हम उनको ईश्वर बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। स्वर्गदूतों के लिए भी कुछ जगह पे मैंने रेफरेंस दिया, ईश्वर बोलते हैं, क्या उनको ईश्वर मानते हैं, नहीं मानते। यहोवा के लिए ईश्वर बोला है, हम यहोवा को मानते हैं, तो वैसे ही एक एक कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से किसके लिए ईश्वर शब्द इस्तेमाल किया उसको मानते हैं, बराबर। तो वैसे ही जजेस के लिए इस्तेमाल किया है, तो जजेस के लिए क्यों ईश्वर बोला, क्योंकि एक अधिकार है, सिविल अथॉरिटी है, वो न्याय कर सकते हैं, वो जज बन गए हैं, वो मृत्युदंड दे सकते हैं, उनको न्याय कर सकते हैं, वो सारे चीजों में। और आगे आप देख रहे हो कि परमेश्वर किस प्रकार उनको डांट लगा रहे हैं, क्योंकि तुमने अधिकार को कितना बेकार किया, और वो कह रहे कि नहीं नहीं जज को बोल दिया ना तो एक्सेप्ट करो ना, तो वही मैं बोल रहा हूँ,
अगर एक आदमी का बात, जैसे मूसा का एक का बात सबके लिए लागू होता है, मरियम के लिए एक बात कहा गया तो सारी महिलाओं के लिए लागू होना चाहिए ना। इसको बोलते हैं संतरा वर्सेस संतरा, ऑरेंज टू ऑरेंज कंपैरिजन, नहीं तो ऑरेंज टू एप्पल कंपैरिजन हो जाएगा। अब बोलेगा संतरा कहाँ से आ गया, लॉजिक वाला वो सभी पता है। और ये बोल रहे हैं कि तुम क्यों भजन संहिता को नहीं मान रहे हो, नहीं मान रहे हो बोल रहे थे। मैं तो कह रहा हूँ वो ईश्वर किसके लिए इस्तेमाल किया वो समझो। और फाइनली इन्होंने ईश्वरीय स्वभाव के बारे में बहुत लंबा प्रचार किया, उसमें से तो मैंने थोड़ा पावर नैप ले लिया था। ईश्वरीय स्वभाव क्या है मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ईश्वरीय स्वभाव को मैंने दो कैटेगरी में आपको एक्सप्लेन किया। कैटेगरी नंबर वन, जहां पर परमेश्वर का जो है उनका नेसेसियल यानी कि उनका खुद का स्वयं संपन्न गुण होते हैं, स्वयं संपन्न गुण जिसमें वो सृष्टि करता है, दुनिया का राज करता है, ये सारे चीजें उनका स्वयं संपन्न गुण है। और उनका नेचर में एक और कैटेगरी है, वो कैटेगरी क्या है, परमेश्वर आजाद है, वो चुनाव कर सकता है। वही स्वरूप में जो है परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और वही स्वरूप के बारे में बाइबल कह रही है। और जब बाइबल बार बार कह रही है ना कि हम परमेश्वर के स्वरूप के सहभागी बनो, सहभागी बनो, खुद जवाब दे रहे हैं, खुद का आवाज यहाँ तक क्यों नहीं पहुंच रहा मुझे नहीं समझ में आ रहा है। खुद कह रहे हैं कि हम खो गए थे, हम खो गए थे। ऑफ कोर्स यस, परमेश्वर ने कौन से स्वरूप में बनाया हमको, ईश्वर तक ही नहीं, वो तत्व या फिर वो गुण जो प्रेम वाली बात है उसमें तुम लौटो। इसीलिए बाइबल हमको बार बार ये बातों को कह रही है। तो बाहर कितना टाइम बचा सर, एक रेफरेंस तो बताओ सर, क्या डिबेट में बीच नहीं बोल सकते, डिबेट क्या चल रहा है आप, तुम्हारा क्या चल रहा है ये पहले बताओ। बीच में कोई नहीं बोलेगा, मैं बोल रहा हूँ नहीं दूंगा मैं आपको रेफरेंस, यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है, बीच में क्यों बात कर रहे हो, ऐसे लोगों को क्यों लेकर आते हो जिनको सहनशीलता नहीं है। ईश्वर है यार, कैसा ईश्वर लाया तुमने, मेरा टाइम खोटी कर रहा है, ऐसा ईश्वर लाया जिसको सहनशीलता नहीं है। हाँ एक मिनट ज्यादा मिलेगा मेरे को क्योंकि टाइम बर्बाद किया, दो मिनट ले लो, नहीं नहीं हम खुद मिलते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने कंक्लूड किया, मेरा कंक्लूजन यही है, ये सर्प का सिद्धांत है, हेरेसी मॉर्मोनिज्म में है। और परमेश्वर का स्वरूप के बारे में हमने बात किया है, परमेश्वर कौन है वो मैंने एक्सप्लेन किया, परमेश्वर एक ही है उसके अलावा कोई और नहीं, परमेश्वर के साथ दूसरा परमेश्वर अपना परमेश्वर के खिलाफ है, मेरे अलावा कोई और ईश्वर है ही नहीं, बाइबल बार बार कह रही है, और ये मनुष्य को ईश्वर बनाने में तुले हुए हैं। दूसरा मैंने मनुष्य का कैटेगरी बताया, स्वर्ग दूतों से भी नीचे, तो पहले इनको यह प्रूव करना पड़ेगा कि स्वर्ग दूत भी जो है ईश्वर है। अब ये बोलेगा तुमने तो बोला था स्वर्ग दूत के लिए ईश्वर वाला शब्द इस्तेमाल किया है, चिड़िया कॉन्टेक्स्ट, क्या ईश्वर, क्या स्वर्ग दूत भी परमेश्वर के जैसे ईश्वर है। हमने ये देखा कि मनुष्य पाप के कारण कैसे परमेश्वर से दूर हो गया है, मैं ये नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ईश्वर तक हो गया है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई साहब वो लोग इंसान जो है परमेश्वर के कैटेगरी में नहीं आते, दोनों अलग अलग कैटेगरी है। और वहां पर जो कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट नहीं है, क्लियर स्टेटमेंट है इलोहिम का। फिर यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु मसीह ने उनको बोला कि भाई साहब तुम मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, तुम सही हो नहीं। यीशु मसीह वहां पर क्लियरली दावा ये कह रहे हैं, यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु कह रहे हैं कि तुमको ईशनंदा इसलिए लगता है कि मैं अपने आप को परमेश्वर की तुलना में रख रहा हूं, क्या तुम्हारे किताबों में ये तुमने लोगों को ईश्वर नहीं कहा है, क्योंकि यहूदियों को पता है कि भजन संहिता में हमारे किताब में हमने जिसको ईश्वर बोला है ना उस नजरिए से तुम अपने आप को ईश्वर नहीं बोल रहे हो, तुम अपने आप को उस खुदा के साथ कंपेयर कर रहे हो। इसीलिए 29वां वचन में उन्होंने पत्थर उठाया, वो लोगों को जिसके लिए लिखा, जिसने लिखा उन लोगों को पता है, आज के जो सर्प के बच्चे हैं उनको नहीं समझ में आता। दूसरा बार बार एक ही स्टेटमेंट, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, मैंने पूछा एक स्टेटमेंट मुझे बताओ जहां पर पूरे बाइबल में ये कहा गया कि हम सब ईश्वर हैं। इन्होंने पूछा ना बाइबल में कहाँ लिखा है कि हम सब ईश्वर नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ ईश्वर लिखा है बताओ, एक दो व्यक्ति के लिए जो लिखा है यहाँ पर, तो एक ऐसे भी कुछ वचन निकल सकता हूँ, एक व्यक्ति जाके फांसी ले लिया तो हाँ ये व्यक्ति ने फांसी ले लिया मैं भी फांसी ले लूँ, एक व्यक्ति ने जाकर यीशु को पकड़वाया तो एक व्यक्ति ने पकड़वाया तो मैं भी जाकर पकड़वा लूँ। ये एक व्यक्ति को लेकर कल्ट यहीं से शुरू होता है, पंथ और झूठी सिद्धांतों की जो शुरुआत है वो एक मुद्दे से ही शुरू होता है। जैसे मैंने शुरू में आपको कहा कि ये उन्हीं लोगों के लिए चीज लाभदायक है जो लोग वचन को स्टडी करते हैं, जो लॉजिक को इस्तेमाल करते हैं, बस एक वचन लिखा है ना तो क्या लिखा है और उसी के जैसा मैंने मरियम को दिखा, नहीं वो लॉजिक नहीं, तो आप लोग समझ पा रहे हो। उनके जो साथ में भी जुड़े हुए इनके अंदर सहनशीलता बिल्कुल नहीं है, एक टाइम्ड मॉडरेटेड डिबेट में बीच में घुस के बात कर रहे हैं, इससे आपको पता चलता है कि इनके अंदर क्या हलचल हो गई है। मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु इनके आत्मा को शांत करे, इनका उद्धार करे, ये सर्प के सिद्धांत से ये बाहर निकले। और जितने लोग देख रहे हैं ऑनलाइन जिनको इन्होंने भक्त कहा या फिर अंधे कहा, बाइबल नहीं पढ़ने वाले कहा, आपने बाइबल पढ़ा है और ये कहते हैं कि मैं डिबेट जीत गया, एक चीज से मैं एग्री करूंगा दूसरी चीज से डिसएग्री करूंगा, एक चीज से एग्री ये करूंगा कि डिबेट जीत गए क्या है? अच्छा अगर
ये कहते हैं कि मुझसे बड़ा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता है, इसमें मैंने जीत गया तो जीत गए। लेकिन अगर रेफरेंस और वचन के आधार पर बात करें, हमने जो भी वचन को सामने लगा उसके आधार पर बात करें, ये जीते या नहीं जीते देखने वाले आपको पता है। और सीधी सी बात है, जो मेरे साइड से देख रहे हैं आपको लगेगा कि फ्रांसिस ने बढ़िया काम किया, और जिनके साइड से सुन रहे उनको लगा कि राजेश भाई ने तो धो डाला। लेकिन दोनों को लेकर जब आप घर पे जाओगे, वचन को लेकर सामने देखो, जब परमेश्वर ने कहा मेरे अलावा कोई और ईश्वर है ही नहीं, कोई नहीं है, तो मनुष्य ईश्वर बनकर वही सिद्धांत में जा रहा है जो शैतान ने हवा को भड़काया। और मॉर्मन जोसेफ स्मिथ नाम का ये आदमी भी जो है इस कल्ट को शुरू किया, आज बहुत सारे इस कल्ट को लेकर जा रहे हैं। केनेथ कोपलैंड, जॉयस मायर, एल पॉक, क्रेफलो डॉलर, ये सारे झूठे प्रचारक जो है नरक में जलने वाले हैं, और इनके पीछे ये सिद्धांतों को लेकर जो भाग रहे हैं वो भी नरक में जलने वाले हैं। सो नरक की अग्नि से मैं सावधान करता हूँ, वार्निंग देता हूँ कि ये झूठे सिद्धांत से बचो। इंसान ईश्वर ना था, ना है, ना बनेगा। आमेन। गॉड ब्लेस यू। ठीक है, यहाँ पर समाप्त करते हैं हम लोग। दोनों ने अपने पक्ष को रखा, वचन रखा, वचन के रेफरेंस दिए। अगर आपने लिखे नहीं है तो यूट्यूब पे जाके आप वापस ले सकते हो, फेसबुक पे जाके आप वापस वो रेफरेंस ले सकते हो, और खुद स्टडी कर सकते हो, और अपना कंक्लूजन आप ले सकते हो कि आप किस पर विश्वास करोगे। क्योंकि वचन आपके सामने है और सभी बातें आपके सामने लॉजिकली रखी गई है, तो ये आपके ऊपर है, डिपेंड कि आप किस प्रकार से इन सभी को देते हो। तो उन भाई ने, राजेश भाई ने एक वचन को पकड़ के कहा कि मनुष्य ईश्वर है, और वो सारे 5-6 ही रेफरेंस उन्होंने दिए। इन्होंने कम से कम 30 के ऊपर, मैंने मुझे लगता है 30 प्लस रेफरेंस दिए हैं, जिसके द्वारा आप एनालाइज कर सकते हो। लॉजिक दिया है अनेक प्रकार से, और अनेक प्रकार से बताया है, तो ये आप पर निर्भर है कि आप किस प्रकार से इसे लेते हो। तो यहाँ पर हम डिबेट समाप्त करते हैं। क्वेश्चन आंसर लेना है, क्वेश्चन आंसर आपके ऊपर है। कितना ले सकते हो? एक मिनट, नहीं, उनको होने दो, उधर उनको बताने दो। क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन आंसर लेना है आपको? मैं तैयार हूँ, लेकिन कितना क्वेश्चन होगा वो भी डिपेंड करता है। नहीं बैठ सकते, मैं 4 क्वेश्चन देता हूँ, मैं 2 क्वेश्चन इनको पूछो, 2 क्वेश्चन उनको पूछो, चलेगा? और क्वेश्चन जो है कोई भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं ना, कोई भी पूछ सकता है? नहीं, मैं भी पूछ सकता हूं, मेरे को नहीं पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ठीक है। मैं क्या हो गया आपका क्वेश्चन आंसर सेशन मत रखो, सेकंड टॉपिक पे सीधा चलो। नहीं नहीं ब्रदर, क्वेश्चन आंसर रख लेना, पूछने वाले बोल रहे हैं ना, देखो दो ब्रदर फ्रांसिस्को, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर ब्रदर रखना ही जरूरी, क्योंकि ब्रदर फ्रांसिस ने कहा कि इधर राजेश का जो पीछा है उनके अंधापन में आया करके, तो क्वेश्चन आंसर करेंगे तो अच्छा रहेगा मेरा ना। अभी क्या है, डिबेट सुनने वाले उस बात को फैसला करेंगे ना। नहीं, अगर ऐसा बात करना है तो वहाँ पर मुद्दा बहुत उठता है, क्योंकि फ्रांसिस भाई ने सुनी नहीं है। ऐसा करते हैं, 2 सवाल, रेस्पॉन्स टाइम सिर्फ 3 मिनट, 3 मिनट में फ्रांसिस भाई वो प्रॉब्लम हो जाएगा, झगड़े हो जाएंगे। अगर आपके साइड से झगड़ा करने वाले हैं तो मैं तैयार, मेरे साइड से बिल्कुल सवाल करता हूँ, अगर आपके साइड से आ रहे तो मैं तैयार पूछने का। भी झगड़े का सवाल नहीं, आपको सिर्फ सवाल पूछना है, जवाब मिल गया, आप समाधानी है नहीं, ये आपके ऊपर। अभी देखिए, अभी आपने समाधान है, वो लोग सभी लोग समाधान, जैसा भी आपने कहा कि उन्होंने सिर्फ 4-5 रेफरेंस दिया, इन्होंने 30 से ज्यादा रेफरेंस दिया, एक्चुअली ये बातें आपका गलत है, क्योंकि उन्होंने रेफरेंस सिर्फ 5 रेफरेंस पे मुस्तमिल नहीं थे, वो बेशुमार रेफरेंस दिए। आप मॉडरेटर होने के नाते आप बीच में न्यूट्रल में रहिए ना, आपको बोलने का किसने हक दिया? इसलिए ना सर, काटने रहा हूँ मैं। दूसरी बात, अगर देखा जाएगा उन्होंने बाइबल से जो टॉपिक था, बाइबल से था, उन्होंने कौन सा था डॉक्ट्रिन, अभी आप ही उनका साइड ले रहे हैं। सर मैं दोनों तरफ बात कर रहा हूँ, सवाल जवाब कर साइड नहीं ले रहा हूँ मैं, दोनों मॉडरेटर सुनिए, ऐसा डिबेट मॉडरेटर आप नहीं बोल सकते, अभी आप बीच में बोल रहे हैं, ईश्वर हो शांत हो जाओ, वो बोले ना, वो भाई बोले, हम लोग खामोश बैठे ना, मेरे सारे खामोश बैठे ना, ऐसा नहीं होता, ये आप उनका साइड ले रहे हो, साइड लेके बात क्या वो
दो बारी बताना चाहिए एक मिनट बैठे ना ये जो अच्छा खासा चल रहा टॉपिक को दूसरा डिबेट नहीं होगा अपना ठीक है दूसरा इनका वो ना दूसरा भी सुन के जाना है मैं इसलिए बोल रहा हूँ अभी आपने कहा ब्रदर मैं उनका साइड लिया इससे पहले मैंने इनका साइड लिया उसके लिए क्या बोलते हो नहीं नहीं आप बोल रहे हो मॉडरेटर का फर्ज बनता है इसका मतलब वो बोले वो ठीक है आप उनको नहीं बोलेंगे नहीं नहीं वो गलत वो नहीं बोलेंगे ठीक है गलत नहीं बोलेंगे अगर अगर ऐसा बात अगर ऐसा बात करते है माता ऋषि ने कौन सा डॉक्टर को उन्होंने छेड़ा आप यहाँ पर आइए आप माता यरूशलेम का टॉपिक छेड़ा नहीं है एक मिनट मॉडरेटर ने बोला रेटेरिंग में बात किया आपने मॉडरेटर का छोड़ो मैंने बोला माता यरूशलेम मैं लॉजिक का नहीं कर रहा आपके सिद्धांत कौन सा उन्होंने छेड़ा मॉडरेटर को मॉडरेट टोकना चाहिए किसने टोकना चाहिए आपको बोलना चाहिए क्या बोलना चाहिए रेटेरिंग में बात किया आपने वो क्या है रेटेरिंग मतलब वो विषय ही नहीं बनता रेटेरिंग का मतलब क्या है रेटेरिंग मतलब उसका विषय नहीं बनता हूँ रेटेरिंग का मतलब नहीं उसका विषय नहीं बनता मैं बताता हूँ रेटेरिंग का मतलब क्या होता है रेटेरिंग का मतलब होता है मैं बोल रहा हूँ चांद लाल है और सामने वाला बोल रहा है सूरज पीला इसको रेटेरिंग बोलते हैं मैं वही तो कह रहा हूँ बात की टॉपिक से वो राजेश गांधी सवाल जवाब प्लीज कुछ गलत नहीं है उन्होंने बोला कि 30 प्रेफरेंस बताया उन्होंने बताया मैं वो बता रहा हूँ मैं बताऊँ क्यों बोला वो मैं बताऊँ क्यों बोला उन्होंने बोला मैं पांच वचन लाया वो खुद मुझसे राजेश भाई राजेश भाई सुनिए आप जितना उन्होंने उनसे बात को रिटर्न किया मेरे बात को रिटर्न किया राजेश भाई प्लीज आप अगर यूट्यूब में देखिएगा ना आप ये ना सोचिए उनके तरफ से ऐसा नहीं मेरा खुद का डॉक्टर मैं अन्य भाषा को मानता अन्य भाषा पे उनका और मेरा डिबेट है उसपे आपने बोलो उनके तरफ से आया ऐसा प्लीज मत सोचिएगा हम हक बात सुनने के लिए आए साथ वाले मतलब सब यहाँ पर वो मतलब को मैं जानता हूँ आपको मैं फिर मैं क्यों उनको बोलेगा पटना से मिलने आया मैं क्यों उनको बोलूं कि राजेश के मेरा बोलने मतलब भले हमारा डॉक्टर अलग है डिबेट में क्या बोला जाता है ना सर पास्टर जी डिबेट में ये बोला जाता है इनके साथ वाले उनके ऐसे ही पक्ष रखा जाता है यही डिबेट है मैं डिबेट के लिए नया नहीं हूँ मैं करता हूं तो मुझे पता है रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है और इनका जो है मैं इनको डिफेंड नहीं कर रहा हूं इन्होंने क्या बोला है ना देखो मॉडरेटर का काम उस बात पर मैं नहीं बोल रहा हूं ईश्वर जी प्लीज मेरा पॉइंट यही है यहां पर यही है कि मॉडरेटर का काम क्या होता है ना वो दोनों पक्ष को रखेंगे उन्होंने अपने मुंह से बोला मैं चार पांच वचन दिखाया मैंने अपने मुंह से बोला मैं तीस से ज्यादा दिखाऊंगा ये उसी को रिपीट कर रहे हैं कि इन्होंने ऐसे ऐसे आप शांत हो जाओ ना चलो हो गया अगले बार डिबेट के लिए लेकर आओगे ना उन लोगों को लेकर आना जिनको डिबेट का डिसिप्लिन बताओ मेरे को ऐसा कचपच नहीं पसंद मैं ऐसा डिबेट नहीं करता नहीं उस बात के लिए प्रिंसिपल को मैंने कुछ बोला बीच में मत बोलो ठीक है चलो जानता हूं दो क्वेश्चन सिर्फ मैं मॉडरेटर से विनती किया चलो तू स्टार्ट ठीक है मेरा एक इसके लिए आपका पहले जो बात किया उसमें ओपनिंग सेक्शन में उसका एक सवाल है क्वेश्चन है मेरा और दूसरा रिपोर्टन में एक एक क्वेश्चन है दो ही क्वेश्चन है फिर तो दो ही आपने तीन मिनट दिया ना नहीं नहीं तीन मिनट जवाब देने के लिए सवाल एक ही लेंगे आप नहीं तो फिर सब लोग दो दो लेंगे तो कितना 40 सवाल एक लाइन में पूछिए एक सवाल फिर क्वेश्चन का आंसर देने फिर से क्वेश्चन ना करे ये भी बोल दो यस नहीं तो फिर वापस एक सवाल क्या हो गया एक सवाल क्वेश्चन किया जो भी आंसर मिला उसमें मुतमयन होना है सवाल बोलता तो से है पहले उन्होंने जो ओपनिंग सेक्शन में बताया कि शैतान ने
आदम हव्वा को कहा कि मैं ईश्वर बताऊंगा बनाऊंगा करके बाइबल में नहीं है, आप देख लीजिए एक बार वीडियो में, वो क्वेश्चन था और वो बता कि मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ। तो यीशु मसीह का जो मुद्दा था यहूदी लोग से बात करने का टाइम में, तुम भी यो परमेश्वर है करके कॉन्टेस्ट में बता रहे, तो वो कॉन्टेस्ट में यीशु मसीह बताने का रीजन क्या था। और दूसरा जो यीशु मसीह का द्वार, जीसस का द्वार अगर हम परमेश्वर का पुत्र कहला जाता है, तो ओल्ड टेस्टमेंट में जब जीसस ने नहीं आया था उन्होंने परमेश्वर को पिता माना जाता था और परमेश्वर भी मैं तुम्हारा पिता हूं करके कहा गया है क्यों। और दूसरा यहूदी लोग, ये तीसरा सवाल, तीन सवाल ये तो मैं बोला था ना रिबटन का, ये तो तीन मैंने बता के, तीन मिनट बोलना नहीं है, एक सवाल का जवाब तीन मिनट में आएगा। एक क्वेश्चन करो फिर वो दूसरा, तो आप ही वो क्वेश्चन कर लो, दो चलो कितने सर है क्वेश्चन, बाकी को नहीं मिलेगा, आप ही कर दे दूसरे को, बाकी को नहीं मिले, आप ही दो क्वेश्चन कर लो, तो तीन क्वेश्चन करो दूसरे को भी मौका देना, क्वेश्चन आंसर नहीं बोल रहा था, टाइम वेस्ट हो रहा है, परमेश्वर का अगर पुत्र होता है तो फिर ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर भी कॉन्टेस्ट में ऐसा बहुत जगह बताया गया है, कुछ नहीं बोल रही है, सब लोग बोल रहे, शांत रहिए, एक जन को बोलने दीजिए ताकि सवाल समझे और जवाब भी समझे। ओके वही जान से सुने, कोई डिस्टर्ब मत कीजिए, फ्रांसिस ब्रदर से मेरा सवाल है, ब्रदर ने वो कहा कि आदम और हव्वा को जब शैतान ने कहा तुमको मैं परमेश्वर बनाऊंगा करके, उन्होंने वीडियो में देख ले सकते हैं आप, फ्रांसिस ब्रदर ने वैसा बाइबल में नहीं है, तुम ईश्वर बन जाएंगे करके है। तो मेरा सवाल यह है, अगर यीशु का द्वारा अगर हम यीशु का बाद में अगर यीशु का द्वारा परमेश्वर का पुत्र हम कहलाना चाहता है तो ओल्ड टेस्टमेंट में भी पिता परमेश्वर ने तुम मेरा पुत्र हो और मैं तुम्हारा पिता हर गए करके कहा गया है, तो उन्होंने क्यों कहा गया और यीशु मसीह ने तुम परमेश्वर है करके यहूदी लोगों से बोलने का, उनसे डिस्कशन करने का रीजन क्या था। अगर इंसान अगर मनुष्य ईश्वर नहीं थे वो मैटर लाने का जरूरत क्या था। आंसर करो तो मेरा क्वेश्चन करके तो मैं बैठ जाता हूँ, अभी और भी है हरी बटन का एक है ना यार, तीन क्वेश्चन हो गए तो ठीक है, पूछो। और दूसरा बात तो बार बार प्रभु अपना राजेश ब्रदर ने बता रहा था कि मनुष्य को, राजेश ब्रदर का जो मुद्दा पे उन्होंने बात किया है कि परमेश्वर ने अपना स्वरूप में मनुष्य को बनाया, व्हाट इज मतलब स्वरूप क्या है, राजेश ब्रदर ने उनका आंसर ये दिया है कि स्वरूप मीन्स उनका स्वभाव, प्रेम, आजाद, जैसा परमेश्वर ने आजाद था वैसा मनुष्य को भी आजाद बनाया, उसका स्वभाव था। तो मेरा सवाल ये है कि अगर परमेश्वर ने आदम को आजाद बनाया तो उनको आज्ञा देने का क्या जरूरत था, एदन ऑटी में उनको आज्ञा देने का क्या जरूरत था, उनको आजाद छोड़ देना था, उनको फल नहीं करना, क्वेश्चन ये है यीशु मसीह हो गया। तो बार बार यीशु मसीह का जो कंक्लूजन में ब्रदर ने जो बताया, यीशु मसीह का जो संभाषण में परमेश्वर कहलाने का जरूरत क्या था यहूदी लोगों से, अगर यहूदी लोगों में ईश्वर का अगर यीशु का उधर बात करना ही नहीं है, यीशु ने क्यों वो बात छेड़ा, उनसे वो बात बताने का रीजन क्या था, अगर ईश्वर ही नहीं तो फिर यीशु ने उस विषय को निकालने का रीजन क्या था। सवाल कब खत्म होगा? ओके मैं इसलिए पहले बोला क्वेश्चन, ठीक है ओके। तो इनका पहला सवाल यह है कि मैंने डिबेट में ये बोला कि शैतान ने हवा को बोला कि मनुष्य तुमको ईश्वर बनाऊंगा, आप देख लो वीडियो, अगर मैंने स्लिप ऑफ टंग बोला है तो डेफिनेटली मेरे बाकी स्टेटमेंट्स उसको क्लियर करती हैं कि वो स्लिप ऑफ टंग है, क्योंकि कंटिन्यूसली मैंने यही बोला है कि शैतान जो है, मैं लिखे भी रखा हूँ, शैतान जो है कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगे और तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे, तो ये बार बार बोल रहा था, मे बी वो एक इंसिडेंट में मेरा स्लिप ऑफ टंग हुआ होगा, ठीक है। सो आई अगर स्लिप ऑफ टंग है मुझे भी नहीं पता, मुझे भी देखना पड़ेगा, अगर वो स्लिप ऑफ टंग है तो एक्चुअल में स्लिप ऑफ टंग है, उसको मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस बात को मानूंगा कि शैतान हवा को ये बोल रहा था कि योर आईज विल बी ओपन एंड यू विल बी लाइक गॉड, तुम परमेश्वर के समान बनोगे, ईश्वर के समान बनोगे। दूसरा इन्होंने पूछा कि उस योहन्ना की किताब 10वां अध्याय में, नहीं दूसरा सवाल ये था कि अगर नए नियम में हम एडॉप्शन के द्वारा हम परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं तो पुराने नियम में क्यों परमेश्वर कहा कि मैं इनका पिता हूँ, ये मेरे बेटे कहलाएंगे। वेरी गुड क्वेश्चन, अगर मेरे पूरे स्पीच को ध्यान से सुना होगा तो मेरे
पूरे स्पीच में जो है मैंने एक और स्टेटमेंट इस्तेमाल किया था, अगर आप पीछे जाकर घर पे जाकर चेक करना चेक करिए, मैंने ये कहा, मैंने वो ग्राफ्टिंग वाला एग्जांपल दिया था कि हम सब जो है उस परमेश्वर के उस चुने हुए जनरेशन के नहीं थे, जो परमेश्वर ने पुराने नियम में केवल एक जनरेशन को चुना था जिनको अपना उन्होंने एक जाति बनाया था, और उसी जाति के लिए जो है परमेश्वर जो है पिता है, उनके लिए माँ है, उनके लिए सब कुछ है, और हम जो आज हम परमेश्वर के बच्चे बच्चे कह रहे हैं वो एडॉप्शन के माध्यम से हम उसमें ग्राफ्ट किए गए हैं, मैंने वो एग्जांपल दिया था। तो वो दोनों को जोड़ के देखना है, ना कि सब तोड़ कर देखना है। तीसरी चीज, योहन्ना की किताब 10वां अध्याय, उसमें क्या बात है कि यीशु मसीह को वो बात निकालना पड़ा, तो उसके लिए हम चलिए वचन निकाल लेते हैं, वचन को मैं पढ़ के सुना देता हूँ। 22वां वचन से हम पढ़ेंगे, यहाँ पर इसका आपका जो घटना है आपको पता चलेगा। फिर यरूशलेम में समर्पण का उत्सव आया, तो यहाँ पर समर्पण का एक उत्सव है, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पढ़ूंगा आप सुन लीजिए क्योंकि वचन में ही आंसर है। सर्दी के दिन थे, यीशु मंदिर में सुलेमान के दालान में टहल रहा था, तभी यहूदी नेताओं ने उसे घेर लिया और बोले, तू हमें कब तक तंग करता रहेगा। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर यीशु को बोल रहे कि तू तंग क्यों कर रहा है, यदि तू मसीह है तो साफ बता दे। तो लोग पूछे कि तू मसीह है तो क्लियरली बोलो ना। यीशु ने उत्तर दिया 25वें वचन में, मैं तुम्हें बता चुका हूँ और तुम विश्वास नहीं करते, वे काम जिन्हें मैं परम पिता के नाम पर कर रहा हूँ स्वयं मेरी साक्षी है। 26वां वचन, किंतु तुम लोग विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरे भेड़ों में से नहीं हो। 27वां वचन, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को जानती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और मेरे पीछे चलती हैं। 28, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, ध्यान से सुनिए, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, उनका कभी नाश नहीं होगा, 2 पॉइंट, और न कोई मुझे उनसे छीन पाएगा, मुझे उन्हें सौंपने वाला मेरा परम पिता सबसे महान है। 3rd पॉइंट, मेरा पिता से उन्हें कोई नहीं छीन सकता, ये इसको याद रखिए, मेरे पिता से कोई नहीं छीन सकता, मुझसे कोई नहीं छीन सकता, यानी कि वो दोनों जो है एक पावर में आ गए। यीशु मसीह कह रहे हैं कि पिता के हाथ से कोई छीन नहीं सकता, यहूदियों को प्रॉब्लम नहीं क्योंकि वो महान है, वही पावर मेरे हाथ में भी है क्योंकि पिता और मैं एक है। 30वां वचन, फिर 31वां वचन में क्या हुआ, फिर यहूदी नेताओं ने यीशु पर मारने के लिए पत्थर उठाया, तो इसको सुनकर यहूदी लोग गुस्से आ गए, यीशु को पत्थर मारने के लिए रेडी हो गए। तब यीशु उनसे पूछ रहे हैं, पिता की ओर से मैंने तुम्हें अनेक अच्छे काम दिखाए, तो किसके लिए तुम मुझे पत्थर मारते हो। तो यहूदी 33 में कहते हैं, अच्छे हम तुझ पर किसी अच्छे काम के लिए पथराव नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कर रहे हैं कि तूने परमेश्वर का अपमान किया, और तू जो केवल एक मनुष्य है, देखो यहाँ पर कैटेगरी देखो, तू तो नॉर्मल आदमी है, एक केवल मनुष्य है, अपने आप को परमेश्वर घोषित कर रहा है। तो यहाँ पर यीशु ये कहने की कोशिश करे कि इंसान भी ईश्वर है, तो ये यहूदियों को गुस्सा नहीं आना चाहिए था क्योंकि यहूदियों को पहले से पता था कि इंसान भी ईश्वर है। लेकिन आगे क्या हुआ, यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम्हारे विधान में नहीं लिखा है मैंने कहा तुम ईश्वर हो। तो यहाँ पर यीशु मसीह उनको काउंटर कर रहे हैं, एक मिनट, मैं अपने आप को ईश्वर बोला तो तुमको गुस्सा आ रहा है ना, तुम्हारे सिद्धांतों में तुमको ईश्वर नहीं कहा गया, क्या यहाँ ईश्वर, ध्यान से सुनो 35वां वचन पूरा क्रक्स है मैटर का, क्या यहाँ ईश्वर उन्हीं लोगों के लिए नहीं कहा गया जिन्हें परम पिता का संदेश मिल चुका था और धर्म शास्त्र का खंडन नहीं किया जा सकता था। क्या तू परमेश्वर का अपमान कर रहा है, ये उसके लिए कह रहे हो जिसे परम पिता ने समर्पित कर इस जगत को भेजा केवल इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। यदि मैं अपने परम पिता के ही कार्य नहीं कर रहा हूं तो मेरे विश्वास मत करो, किंतु यदि मैं अपने परम पिता के ही कार्य कर रहा हूं तो यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो तो उन कार्यों में ही विश्वास करो जिसमें तुम यह अनुभव कर सको और जान सको कि परम पिता मुझ में है और मैं परम पिता में। इस पर यहूदियों ने उसे बंदी बनाने का प्रयत्न किया। तो यहाँ पर घटना क्या हो रहा है, घटना यहाँ पर यह हो रहा है, यीशु मसीह मसीहा होने का दावा कर रहे हैं और वो लोग पूछ रहे कि मसीहा हुआ या नहीं हुआ। एक मिनट, इंटरप्ट, मसीह है कि नहीं साफ साफ बता। तो यीशु ने बोला, मैं बोलता हूं तो तुम लोग विश्वास नहीं करते हो, मैं और परमेश्वर एक है, परमेश्वर के हाथ से कोई नहीं छीन सकता है, मेरे हाथ से भी कोई। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को परमेश्वर के कैटेगरी में रखा। जैसे ही परमेश्वर की कैटेगरी में रखा तो यहूदियों को यीशु पूछते हैं, अरे तुम्हारे इसमें लिखा है कुछ लोगों को ईश्वर बोला है तो तुमको गुस्सा नहीं आएगा। यहूदी लोगों को क्लिक हो गया, क्या क्लिक हुआ, जिनको ईश्वर कहा गया है वो सिर्फ जज हैं, लेकिन मसीह तू सिर्फ अपने आप को जज ईश्वर नहीं बोल रहा है, तू तो अपने आप को परमेश्वर के साथ बोलकर ईश निंदा कर रहा है। और यीशु बोल रहे हैं कि मैं पिता और परम पिता मुझ में है, और स्ट्रांगली बोल रहे हैं कि हाँ मैं वो वाला ईश्वर नहीं हूं, मैं तो वही ईश्वर हूं जिस यहोवा का तुम आराधना करते हो। इस पर 39 पर, इस पर यहूदियों ने उसे बंदी बनाने का प्रयत्न किया। ये मेरा आंसर। क्योंकि फिर वो डिबेट हो जाएगा, डिबेट नहीं करना है, अभी सेकंड टॉपिक पे जाएंगे। नहीं, उनके लिए कोई क्वेश्चन पूछा नहीं आपके। मेरा राजेश भाई से सवाल है कि प्रभु में कोई कमी नहीं, प्रभु संपूर्ण है,
अगर आपका जो मैं सुना अभी डिबेट उसके आधार पर प्रभु ने प्रभु को एदन बगीचा पे बनाया जैसा आदम, तो क्या प्रभु में कोई कमी हो सकता है? लिंग उत्पत्ति के पुस्तक 2:18 में ऐसे लिखा है कि आदम अकेला पाया गया, उसको एक हेल्पमेट की जरूरत पड़ा, तभी तो बाप नहीं है कुछ नहीं है, एकदम आदि वाली बात है, एकदम महिमा की बात है। इस चीज़ को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? वापस एक बार पूछना, आप बोलते हैं इंसान जो है प्रभु है, बोलना परमेश्वर है बोलता, तो परमेश्वर में कोई कमी नहीं होना चाहिए, परमेश्वर संपूर्ण है, तो परमेश्वर ने परमेश्वर को बनाया, पहला पॉइंट ये। ठीक, क्या प्रभु प्रभु को बनाना पड़ता है? दूसरी बात, अगर ठीक है आदम प्रभु है परमेश्वर है, तो प्रभु को एक मददगार की जरूरत है, प्रभु अकेला पाया गया वहाँ पे देखने में, तो उत्पत्ति की पुस्तक 2:18, क्या प्रभु अकेला, अकेलापन प्रभु में है, क्या प्रभु को किसी की मदद की जरूरत है? अगर मैं समझता हूँ प्रभु को किसी की मदद की जरूरत है, प्रभु अगर अकेला पाया जाता है तो वो प्रभु प्रभु नहीं है, तो आप इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ओके, सो मतलब कहने का यही है कि परमेश्वर परिपूर्ण है, ओके परमेश्वर जो है परिपूर्ण है, लेकिन आदम परिपूर्ण क्यों नहीं? ओके, तो सबसे पहले आपको दो चीज़ जानना है, आदम को परिपूर्ण बनाया था या नहीं बनाया? मैं आपको आंसर दूँ, ठीक है? देखो अभी आदम जो है परमेश्वर का पुत्र है, ओके, और परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो मनुष्य के रूप में बनाया, ओके, तो मनुष्य का मतलब क्या होता है? शरीर और आत्मा दोनों से मिलकर बना हुआ व्यक्ति, ओके, शरीर प्लस आत्मा, शरीर मिट्टी से बना है और आत्मा परमेश्वर का है, ओके, परमेश्वर ने हमें दिया है। तो अभी मनुष्य को हम ईश्वर क्यों बोल रहे बोलेगा तो, कि मनुष्य परमेश्वर में से ही आया है, और मनुष्य के अंदर परमेश्वर अंदर क्या समानता है बोल दो, परमेश्वर आत्मा है, मनुष्य भी आत्मा है, ओके, तो परमेश्वर को कुछ अधिकार है, ओके, परमेश्वर को कुछ अधिकार है, तो परमेश्वर हमको ये बता रहा है कि जिस तरह मैं परिपूर्ण हूँ तुम भी क्या बनना चाहिए, परिपूर्ण बनना चाहिए, तो मतलब क्रिएशन में मनुष्य बाद में बैठ के बात कर लो। Okay. देखो अभी क्या होता है ना, उदाहरण सिंपल आंसर है वो आदम को क्रिएट क्रिएट नहीं नहीं आंसर नहीं आगे बाद में बैठ के बात करते हैं, आंसर में जाते हैं, बात करो, मैंने 3 मिनट का आंसर दिया उनको, आंसर में जो बोला ना वो बात ये भी हो, नहीं 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 रुक जाओ, नहीं नहीं बोल ले, हां दे दो, दे दो भाई, दे दो जल्दी, पानी दे दो भाई, किसको? मेरे को। ओके ठीक है, हमको ये लो, अरे चाय के लिए बोलूंगा। परमेश्वर ने क्या किया है, मनुष्य को बनाया, ओके, अभी मनुष्य जो है परमेश्वर में किस में समानता है, किस में इक्वल है बोले तो परमेश्वर आत्मा है, तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, ओके, तो वो उसमें वो जो ना इक्वल है, ओके, लेकिन परमेश्वर क्या किया, मनुष्य को बनाया, तो परमेश्वर क्या चाहता है कि मनुष्य जो है ना अभी फिलहाल न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब कहने का मतलब ये कि वो एक सिंपल है, तो परमेश्वर ये चाहता है कि जिस तरह मैं परिपूर्ण हूँ, जिस तरह मैं परफेक्ट हूँ, मनुष्य भी क्या करना चाहिए, पृथ्वी पर जो जीवन बिताता है, पृथ्वी पर जो जीवन जिएगा वो परमेश्वर की तरह जीना चाहिए, ओके, परमेश्वर की तरह जीना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक वचन देता हूँ, ओके, मत्ती सुसमाचार का 5वां अध्याय उसका 48 हम पढ़ेंगे, ओके, 48 में हम लोग एक बार पढ़ेंगे, यहाँ पर इस तरह लिखा है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, सिद्ध मतलब परिपूर्ण, इंग्लिश में परफेक्ट बोलते हैं, चलो पाप आने के बाद देखो उसके बोलो आप बोला, हाँ ओके, अभी मनुष्य बोलेगा तो मनुष्य क्या है ना, न्यूट्रल है, न्यूट्रल कहने का मतलब है कि परमेश्वर इस तरह छोटा बच्चा होता है, बच्चा जो है उसके पास नॉलेज नहीं होता है, या फिर वो कोई काम नहीं कर सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन जैसे मैच्योर हो जाता है तो मैच्योरिटी में आना चाहिए, ओके, तो परमेश्वर ने मनुष्य को जो है बनाया, और परमेश्वर मनुष्य को ये बोल रहा है कि तुम्हारे अंदर ईश्वर का स्वभाव दिखना चाहिए, जिस तरह मैं हूँ उस तरह तुम भी होना चाहिए, जिस तरह हम यीशु मसीह को देखते हैं, ओके, यीशु मसीह कौन है बोले तो परमेश्वर के स्वरूप है, परमेश्वर के समान है, लेकिन धरती पर कैसे है, वो मनुष्य बनकर आए, और मनुष्य में दास का स्वरूप धारण करके आए, अभी यीशु मसीह दास का स्वरूप धारण किया करके यीशु मसीह धरती पर ईश्वर नहीं है क्या, परमेश्वर नहीं है, मनुष्य बनकर आया ना यीशु मसीह, वो भी मनुष्य में दास का स्वरूप, अपने आप को शून्य बना के लिया, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने क्या करके लिया, शून्य बना, अभी शून्य बना के लिया, इसका मतलब कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर है किसमें, परमेश्वर के रूप में, परमेश्वर के प्रेम में, पवित्रता में, दया में, करुणा में, कार्य में, उसमें क्या है,
इक्वल है। इसी तरह परमेश्वर क्या बोलता है हम सारे मनुष्य को, जिस तरह मैं सिद्ध हूँ, जिस तरह मैं परिपूर्ण हूँ, उस तरह तुम भी परिपूर्ण बनना चाहिए। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो 100% परिपूर्ण नहीं था। तो परमेश्वर मनुष्य को जब बनाया तो मनुष्य 100% परिपूर्ण नहीं है, मनुष्य मनुष्य का जीवन जी रहा है। तो परमेश्वर मनुष्य को बोल रहा है कि तुम लोग आत्मिक जीवन जियो, जिस तरह मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो, जिस तरह मैं सिद्ध हूँ उस तरह तुम भी सिद्ध बनकर दिखाओ। तो परमेश्वर मनुष्य के लिए चैलेंज रखा है, मेरे जैसा बन के दिखाओ तुम लोग भी, ओके मेरे जैसा बनकर दिखाओ। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे तुम्हारा पिता सिद्ध है तुम भी सिद्ध बनो। ओके जब आदम को बनाया गया था वो परिपूर्ण नहीं था, परिपूर्ण बनना चाहिए। ओके धरती में मनुष्य जो भी जन्म लेता है वो परिपूर्ण नहीं, क्यों मनुष्य रूप है ना, वो मनुष्य के रूप में है। और मनुष्य में क्या होता है, मनुष्य में कुछ लेवल्स होता है, एक शिशु का स्थान होता है, बाद में फिर बचपना, जवानी, बुढ़ापा, इस तरह होता है। लेकिन आत्माओं को इस तरह कुछ होता नहीं, गॉड को भी फिर लेवल नहीं। तो मैं मनुष्य आपको ये बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ मनुष्य का कुछ हो रहा है। मैं आपका बात समझ गया, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट है, तुमको चिढ़ आ रहा है, पॉइंट टू पॉइंट आ रहा है लेवल पे। अगर तुम नहीं, अगर उन्होंने क्वेश्चन दिया है किया है बड़ा, तो उनका भी लंबा सवाल बनता है, ये नहीं होना करके सीधी सी बात है। अगर आप बोलते हो कि मनुष्य परिपूर्ण नहीं है तो आपको ये भी मानना पड़ेगा यीशु मनुष्य बनकर आया था वो परिपूर्ण नहीं है। तो चॉइस में आपके हाथ पे छोड़ देता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य को परमेश्वर आज्ञा देता है कि जिस तरह मैं सिद्ध हूँ तुम भी सिद्ध बनकर दिखाओ। ये मनुष्य के लिए परमेश्वर का दिया हुआ काम, ठीक है। अगर आप मानते हो नहीं नहीं मनुष्य अपरिपूर्ण है, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि यीशु मसीह भी अपरिपूर्ण है, वो परमेश्वर नहीं है। ओके 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 आप क्वेश्चन के लिए जवाब देना, क्वेश्चन किए तो क्वेश्चन करेगा तो फिर हमारा बाद में डिबेट कर लेते ना सीधा। चलो वैसे डिबेट करते हैं, चलो ये टॉपिक पे डिबेट उनके साथ करो, हम सेकंड गॉड के लेवल से होते हैं अगला डिबेट। मैं तो नहीं आपका क्या, तो नहीं आना पड़ेगा, ब्रदर ईश्वर नहीं है, नहीं नहीं मेरे में सहनशीलता का बहुत विषय बन गया, उसमें पाप है। मैं ये नहीं बोला ब्रदर, मैं आपको ये बोला अगर आप मनुष्य को केवल सवाल वही आ रहा है, आपने जिस तरह से बोला कि अगर हम ये नहीं मानेंगे कि मनुष्य ईश्वर है तो हम यीशु को भी वो लागू करते हैं, तो सवाल ये है कि यीशु का जन्म में और हमारा जन्म में अंतर क्या है? अगर वो अंतर नहीं है तो आप कैसे साबित कर सकते हो यीशु मसीह के जन्म में हमारे जन्म में अंतर है? हाँ, अंतर क्यों है, नहीं होना चाहिए अंतर, अगर अंतर है तो क्या अंतर है वो आप बताइए। अभी यीशु मसीह के जीवन में अंतर इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह जो है ऑलरेडी यीशु मसीह भविष्यवाणी किया गया कि एक व्यक्ति आने वाला है जो मसीह है, वो तुमको तुम्हारे पापों से तुम्हें बचाएगा, छुड़ाएगा। तो नहीं, नहीं, मेरा सवाल आप समझे नहीं, मेरा सवाल ये है यीशु मसीह का जन्म, आपने बोला कि अगर मैं ब्रदर के सवाल को मैं ये कर रहा हूँ कि अगर आप ये नहीं मानोगे कि मनुष्य ईश्वर नहीं है तो यीशु भी मनुष्य है, वो ईश्वर नहीं है, ठीक है, आपने ये बोला, आपने यही बोला। मेरा पॉइंट सुनो, नहीं नहीं आप सब ठीक है छोड़ो, मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, क्या क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है सेकंड टॉपिक में जाओ, वही बोल रहा है जो सवाल ऐसा करना है अभी, सेकंड टॉपिक जो आंसर जनम हुआ सेकंड टॉपिक आंसर करना है आपको, आप ऊपर मेरा सवाल आप समझे नहीं, आप आराम से करो, नहीं नहीं मैं प्यार से वो क्वेश्चन का वो ठीक है वो जवाब, अच्छा दे दो भाई आंसर, आपने क्या बोला आप क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं सेकंड टॉपिक में सब क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम में मीट दोस्तों। आपने क्या बोला कि अगर मनुष्य नहीं मानेंगे कि मनुष्य सुनो सुनो ईश्वर लोग ऐसे लड़ते नहीं है, आपने ये बोला मनुष्य आप दोनों से और इनसे भी सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई इधर आलसो फालतू टाइम पास के लिए कोई नहीं आया है, आप दोनों से भी जो डिबेट करने के लिए बैठा है आप दोनों से भी निवेदन करता है जो बैठा है उनमें से आप लोग एकदम ऐसा कुछ मत बात करो कि कोई आपको फालतू आके बैठा है, कोई कुछ समझ समझेंगे आपने बोला कि अगर हम मानेंगे नहीं कि हम ईश्वर है तो यीशु मसीह भी ईश्वर नहीं है, मतलब ब्रदर राजेश को पहले, तो हमारा और यीशु मसीह का जो जन्म है अंतर क्या है या अंतर नहीं है?
सवाल ये है क्वेश्चन समझे कि नहीं सर आप आधा घंटा लो मैं 5 मिनट लूंगा क्या क्या आप अपना पूरा टाइम ले अरे ये क्या छोड़ दे आपको 5 मिनट में बोला मैं 5 मिनट में बोला आप ले लो ऐसा है ना बड़ा होता है 2 मिनट में 5 मिनट में वो बोलेगा कुछ मजा नहीं आएगा मजा आप पूरा आधा घंटा बोलो मेरे को तो जबरदस्त मैं 2 मिनट में बोलूं 2 घंटे में बोलूं मेरा टाइम है ना ऐसे डिबेट में नहीं करता ऐसा डिबेट नहीं करते बोलता अभी देखो आप लोग बताओ नहीं नहीं देखो राजेश भाई अपना पहला बात क्या हो गया आधा घंटा रेडी है तो मैं रेडी सुनिए ना मेरी बात आधा घंटा केस प्रेजेंटेशन के लिए बोला था भले आपको मुद्दा 10 मिनट में करो 15 मिनट में करो बस मुझे 5 मिनट में करो 5-5 मिनट में जाने दो ना उल्टा अच्छा रहेगा वो टाइम नहीं रहेगा तो दूसरा टाइम रखेगा ना वही मैं बोल नहीं नहीं मैं क्या अगर टाइम नहीं रहेगा तो अभी कोई भी डिबेट आधा घंटे में होता है सिंपल सी बात है आप लोग जितने लोग जब आप मुद्दा छेड़ेंगे ना और बात बढ़ेगी सिंपल है डिबेट में एक आदमी को 30 मिनट मिलता है तो 30 मिनट में मैं 3 मिनट बोलूं 30 मिनट में अच्छा काम करते फॉर्मेट चेंज करेंगे अब ये बोल रहे नहीं 30 मिनट बोलना ही पड़ेगा ये क्या जब फॉर्मेट चेंज करेंगे केस प्रेजेंटेशन करूं 10-10 मिनट रखेंगे 5-5 मिनट तो मैं रेडी हूं अभी क्या दो वचन बताएंगे मैं तो अजय मैं सुनिए ना बताओ मेरे को अजय मैं सुनिए और एक फॉर्मेट है ना कि 10-10 मिनट का केस प्रेजेंटेशन रखेंगे 5-5 मिनट का रिबेटल चलने दो अपना भी तो इनके पास टाइम नहीं ना ब्रदर वो बोल रहे कि अभी आधा घंटे में क्लोज करना है आधा घंटा क्लोज नहीं आधा घंटे में नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ वापस से सबको क्लियर करता हूँ मैंने ये बोला आधा घंटा इनको मिलेगा आधा घंटा इनको मिलेगा इनको पूरा आधा घंटा लेने दो मैं आधा घंटे में 5 मिनट बोलूँ 6 मिनट बोलूँ मेरा मर्जी रिबटल तो उतना ही रहेगा ना जब आपके पास टॉपिक छेड़ेगा तो उनको रिबटल के मजबूरन जाना पड़ेगा सीधी बात अभी तो ऐसा नहीं है 30 मिनट तक 30 मिनट बोलना ही पड़ेगा ये तो जबरदस्त कोई रूल्स है ना अभी ये डिबेट अच्छा हो गया अपने एक्चुअली बहुत अच्छा बहुत बढ़िया हो गया बने रहिए एक और डिबेट आ रहा है दूसरे डिबेट का टॉपिक है यीशु परमेश्वर के अंदर से निकला और परमेश्वर ने यीशु को जन्म दिया बराबर ना टॉपिक गलत नहीं बोला अभी फिनिश कर दो यीशु मसीह क्रिएटर है क्रिएशन है फिनिश कर क्या यीशु मसीह क्रिएशन है 15 मिनट में फिर से जुड़ेंगे